Hi everyone, welcome to an academy. Can you hear me? Can you see me properly? Good afternoon, कैसे हैं सब बच्चे? I hope everyone is super duper ready. देखो कितना जल्दी हम ऑलमोस्ट ह्यूमन फिजियो को कवर करने वाले हैं प्रॉपर डिटेल में. डिटेल्ड वन शॉट आपके चल रहे हैं एंड ये ह्यूमन फिजियो बेटा वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट यूनिट है क्लास 11th का. क्लास 11th में आपके पास सबसे ज्यादा पोर्शन आना ह्यूमन फिजियो में से है, देन सेल में से एंड देन प्लांट फिजियोलॉजी में से, जो हम शुरू करने वाले हैं इसके तुरंत बाद. यानी कि टुमारो वी आर गोइंग टू बी डन विद ह्यूमन फिजियोलॉजी. कल हम केमिकल कंट्रोल के बाद बेटा अपने सारी ह्यूमन फिजियो हो चुकी होगी. ठीक है, हो चुकी होगी. मैंने इसको प्रॉपरली लिंक ट्री में डलवा दिया है. अब अगर आप जाके लिंक ट्री पर देखेंगे तो निश्चय की भी एक प्रॉपर प्लेलिस्ट बन चुकी है जिसमें डाइजेशन, ब्रीदिंग, सर्कुलेशन, एक्सक्रीशन, न्यूरल कंट्रोल सब कुछ आ जाएगा, लोकोमोशन सब कुछ आ जाएगा. ठीक है, तो इस तरीके से बेटा बढ़ते जाएंगे एंड अपनी तैयारी और स्ट्रांग करती जाएंगे. यस, गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून. आज का दिन बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज आज बेटा आप जानते हैं एक हिंदू धर्म की हिंदी की नव वर्ष की शुरुआत है. नया साल एक्चुअली में हिंदी कैलेंडर के अकॉर्डिंग आज शुरू होता है. टुडे इज 22nd of March एंड आज से बेटा नवरात्र भी शुरू है. तो बहुत ही पायस दिन है आज. और आज हम बात करने वाले हैं अबाउट ब्रेन, आई एंड ईयर. इस चैप्टर में बेटा नर्वस सिस्टम का थोड़ा बेसिक है, देन ब्रेन है, ब्रेन के पार्ट्स हैं, ब्रेन के फंक्शन है, और फिर बेटा सेंस ऑर्गन में डिटेल में जो हमने पढ़ना है वो है ईयर और आई. क्या करना है? ईयर और आई. ये चैप्टर वन ऑफ द बिगेस्ट चैप्टर है, वन ऑफ द बिगेस्ट चैप्टर है. लेकिन पिछले 4-5 साल में देखा गया है कि यार इसमें बाहर से अब आना बंद हो चुका है. पहले ब्रेन बहुत डिटेल में बताते थे, ये लोब वो लोब, इसका फंक्शन ये, इसका फंक्शन नहीं. बट पिछले कुछ सालों में देखा है कि यार जितने पार्ट्स, जितने फंक्शंस आपके एनसीईआरटी में गिवन है, बस आप अगर उतने ही याद कर लेंगे ना, आपका एक एक क्वेश्चन इस चैप्टर में से सॉल्व हो जाएगा. ठीक है, तो आज हम कैसे करेंगे, जैसे हम हर रोज करते हैं बेटा. सबसे पहले हम हैंड रिटन फॉर्म में चलते हैं, फिर अपने पास इसके बढ़िया से माइक्रो नोट्स है हर पार्ट आपको इसमें, हर इंपॉर्टेंट एनसीईआरटी की. कुछ बच्चे मेरे से पूछ रहे थे कि क्या मैम न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन में हम एनसीईआरटी ना पढ़े या किसी भी चैप्टर में एनसीईआरटी ना पढ़े, सिर्फ माइक्रो नोट्स पढ़ लें. देखिए मैं आपको एक चीज कहना चाहूंगी, एनसीईआरटी का तो कोई रिप्लेसमेंट नहीं है, बट मैंने कोशिश की है, सिंस माइक्रो नोट्स मैंने खुद बनाए हैं, तो मैंने कोशिश की है कि एनसीईआरटी का एक एक पॉइंट इसमें इंक्लूडेड हो. बट फिर भी मैं सजेशन सब बच्चों को यही दूंगी कि फिर भी एनसीईआरटी एक बार पढ़ लो, फिर आप इसको पढ़ो या इसको पढ़ के एनसीईआरटी पढ़ लो. मतलब एनसीईआरटी तो यार पढ़ना जरूरी है, नहीं तो एक अंदर से ना फोमो रहता है कि मिस ना हो जाए. वैसे आपके ईच एंड एवरी पॉइंट इज मेंशन्ड इन दीज नोट्स, बट स्टिल गो थ्रू दैट. आपका एक डबल रिवीजन ही हो रहा है ना, और क्या हो रहा है ना, ज्यादा से ज्यादा क्या हो रहा है, डबल रिवीजन ही हो रहा है. ठीक है, डाइजेशन बेटा मैंने डलवा दिया है, एक मिनट मैं आपको दिखाती हूँ. दिखा दू, रुक जाओ. तो मैं जाती हूँ गूगल पे. ठीक है, अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो मैं जाती हूँ गूगल पे. ठीक है, गूगल पे मैं गई, मैंने कहा सीप पाउजा लिंक ट्री, तो मैंने खुलवा लिया. ठीक है, क्या कर दिया, सीप पाउजा लिंक ट्री. जैसे ही आप इस पे जाएंगे, खुल गया, देख लिए, देख रहे हैं आप. जब आप इस पे जाएंगे तो सबसे पहला क्या है आपका, क्रैश कोर्स फॉर नीट 2023. इफ यू विल सी, दिस इज एन ऑनगोइंग कोर्स. जो सबसे पहला है, सबसे पहले वाले पे क्लिक करो यार. जब आपने सबसे पहले वाले पे क्लिक किया तो आपने देखा कि मैंने ऊपर फास्ट ट्रैक के सेशन भी इसमें डले हुए हैं. जो बच्चे मेरे से 12th पढ़ना चाहते हैं इसी तरीके में, ये ऊपर पहले फास्ट ट्रैक वाले हैं, यानी कि 12th का पोर्शन है. फिर बेटा निश्चय देखोगे, अरे इसमें ऐड नहीं हुआ यार, मुझे उसने बोला था ऐड हो गया. बेटा मैं इसको ऐड करा दूंगी, पता नहीं कहां ऐड कर दिया गलती से. पूछो, अरे भैया मुझे उसने बोला ऐड कर दिया है मैम, रुको अभी ऐड हो जाएगा. बेटा पढ़ा चुकी हूं, लोकोमोशन तक हो गया, डाइजेशन कहां डाल दिया है. बेटा मैं ऐड करा दूंगी, लिख दिया बेटा, अब मैंने क्लास ले ली है कि मुझे उसने यहां यस लिखा कि मैंने ऐड कर दिया है. ठीक है, और मेरे साथ धोखा कर दिया यार, धोखा कर दिया. By the end of this class, add हो जाएगा. ठीक है, क्लास लगा दी बेटा मैंने उसकी. कैसे मैम को झूठ बोला तुमने. चलो तो इस चैप्टर में बेटा पहले हम पढ़ेंगे न्यूरॉन, फिर अपने पढ़ेंगे ब्रेन, फिर अपने पढ़ेंगे आई, और फिर अपने पढ़ेंगे ईयर. ठीक है, अब देखते क्या कह रही है, कह रही है देखती हूं, शी इज चेकिंग.
बेटा मैम ने लाइव चेक कर लिया, आप क्या चेक कर रहे हो यहाँ पर, है ना, मैम को धोखा देंगे। चलिए शुरू करें बेटा आज का चैप्टर। तो फटाफट से मुझे बता दो सेशन को लाइक करके, क्या कर दो सेशन को लाइक कर दो एंड जोश दिखा दो कि अभी सबसे पहले हम क्या पढ़ने वाले हैं, न्यूरॉन एंड देन वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद द ब्रेन एंड देन आई एंड देन ईयर। थोड़ा सा लंबा चैप्टर है बट बेटा कोशिश करेंगे पूरा चैप्टर आज के आज ही हम लोग निपटा दें, आज के आज ही निपटा दें, ठीक है, यस ओके। हाँ आज एक और इन्फॉर्मेशन है, एक और इन्फॉर्मेशन है, दैट इज गोइंग टू बी, क्या इन्फॉर्मेशन है, हाँ एक मिनट, हाँ आज सारे आउट ऑफ एनसीईआरटी वाले क्वेश्चंस मैं आपको कराने वाली हूँ। आप जानते हैं अरे प्रैक्टिकल आपको देखे थे ना आपने, ये प्रैक्टिकल है मॉर्फो का, लोकोमोशन का ये प्रैक्टिकल है, ठीक है, ये जो प्रैक्टिकल्स है इन पर बेस्ड जितने भी क्वेश्चन पॉसिबल हैं ये सारे क्वेश्चन बेटा जी आज हम शाम को करने वाले हैं। तो ये जो क्लास है इस क्लास में एनरोल कर लेना, ये जो क्लास है इस क्लास में एनरोल कर लेना, सब बच्चे एनरोल कर लो इस क्लास में, ठीक है, लिंक मैंने पिन करा दिया है। आज पोल बेस्ड फॉर्म में ये तीनों चीजों का टेस्ट होने वाला है, कर लिए, ठीक है, कर लिए, चलो ओके लेट अस स्टार्ट। तो सबसे पहले बेटा शुरू करते हैं अपने नर्वस सिस्टम से। नर्वस सिस्टम इज रिस्पॉन्सिबल बेसिकली फॉर कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। चैप्टर का नाम ही क्या है बेटा, आपको याद है क्लास टेंथ में ना, क्लास टेंथ में एक चैप्टर का नाम ही होता था कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। उस कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन में हम लोग दो सिस्टम पढ़ते थे, कौन से सिस्टम पढ़ते थे, एक अपने पढ़ते थे नर्वस सिस्टम और एक अपने पढ़ते थे केमिकल कंट्रोल वाला, हार्मोन वाला सिस्टम, ठीक है। अब बेटा ये दोनों सिस्टम आपकी बॉडी में कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। अब क्वेश्चन आता है क्या भैया एक सिस्टम से काम नहीं चल सकता, तुम नर्वस से ही चला लो, क्यों इतनी बॉडी की एनर्जी वेस्ट करके केमिकल कंट्रोल के बीच में घुसा रहे हो। तो मैंने बोला यार अकेले नर्वस से काम नहीं चल सकता, नर्वस नो डाउट फास्ट है, नर्वस नो डाउट क्या यूज करता है, न्यूरोट्रांसमीटर्स को यूज करता है, लेकिन बेटा ये जो नर्वस सिस्टम है इट कैन नॉट रीच ऑल द सेल्स ऑफ द बॉडी, सारे सेल्स तक ये नर्वस सिस्टम नहीं पहुंच सकता है, बिल्कुल नहीं पहुंच सकता है। इसीलिए हमको किसकी मदद लेनी पड़ी, इसीलिए हमको मदद लेनी पड़ी केमिकल कंट्रोल वाली। इस केमिकल कंट्रोल वाले सिस्टम को हम लोग क्या बोलते हैं, एंडोक्राइन सिस्टम बोलते हैं। माना कि बेटा ये स्लो है, किसको यूज करता है, ये हॉर्मोन्स को यूज करता है, लेकिन हर सेल तक पहुंच सकता है, क्यों, क्या कोई अंदाजा लगा सकता है क्यों ये हर सेल तक पहुंच सकता है, क्यों इसका मैसेज हर सेल तक पहुंच सकता है। यस आई एम लुकिंग एट द चैट बॉक्स, मैं चैट बॉक्स में बेटा आप लोग के आंसर्स देख रही हूं, आप सिर्फ चैट बॉक्स को मेरे से आंसर देने में ही यूज करेंगे, आंसर देने में ही यूज करेंगे। यस क्यों भाई ये नर्वस नहीं पहुंच पा रहा है और ये केमिकल वाला पहुंच पा रहा है हर सेल तक, कोने तक, इधर का कोना, नीचे का कोना, पता नहीं बॉडी में कितने सारे कोने हैं, छुपे हुए कोने हैं, क्यों, यस हाँ जी किस वजह से, क्योंकि बिल्कुल सही है, क्योंकि बेटा ये अपने हॉर्मोन्स डाल देता है ब्लड में, किस में डाल देता है, ब्लड में डाल देता है, तो ब्लड तो हर जगह ही पहुंचता है, ब्लड ने तो हर सेल को टच करना है, इसीलिए बेटा ये वाला जो केमिकल वाला सिस्टम है ये आपके हर सेल तक पहुंच सकता है। तो आज की क्लास में हमने ये डिस्कस करना है, कल की क्लास में ये डिस्कस करके पूरी ह्यूमन फिजियो को क्या कर देंगे, कंप्लीट कर देंगे। तो सबसे पहली चीज बेटा जो इसमें हमने पढ़नी होती है दैट इज गोइंग टू बी न्यूरॉन। क्या है बेटा इसमें न्यूरॉन, न्यूरॉन क्या है, एक तरीके का स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट है। क्या है, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट है। क्या न्यूरॉन बेटा दोबारा मुझे कराने की जरूरत है, मैंने आपको ये एनिमल टिश्यू में कराया था, किस में कराया था, एनिमल टिश्यू। यस प्लीज टेल मी डू वी नीड टू ड्रॉ द डायग्राम अगेन, ये मैंने आपको कराया था एनिमल टिश्यू में, पूरा डायग्राम बनवाया था, एक बार मैं दिखा दूं ये था, क्या हमें दोबारा डायग्राम बनाने की जरूरत है, मुझे येस और नो में बता दो, क्योंकि बेटा वी हैव टू सेव आर टाइम, वी हैव टू सेव आर टाइम, ओनली 40 डेज आर लेफ्ट। तो जो चीज मैंने यहां पर करवा दी थी क्या इसको दोबारा बनाने की जरूरत है, लिखने की जरूरत है, क्योंकि सीधा सीधा फिर मैं न्यूरल कंडक्शन पे पहुंच रही हूं कह रहे हैं यस, शर्म भी नहीं आ रही बोलते हुए, शर्म भी नहीं आ रही यार तुमको बोलते हो, वैसे कितने बेशर्मियों की तरह कह रहे हो, कह रहे हाँ दोबारा बना दो शर्म नहीं आ रही वैसा, हाँ मैम आप बनाते रहो, आप लिखते रहो, हम थोड़ा लिख रहे हैं, आपका हाथ दर्द होगा, आप खड़े हो, हम तो बैठे हैं, हम तो शायद लेटे हुए हैं, है ना, हम तो साथ में गेम वेम भी कर लेते हैं, आप करते रहो मैडम, आप करते रहो, हमारा थोड़ा कुछ एनर्जी जा रहा है। हैं बच्चों शर्म करो, शर्म करो, 3 दिन पहले ये किया था,
इसको मैं दोबारा नहीं बनाऊंगी, तुम कह भी दोगे तो भी नहीं बनाऊंगी। चलिए देख लीजिए, नर्वस टिश्यू में बेटा न्यूरॉन है। न्यूरॉन के दो हिस्से होते हैं, समझ लो भैया, साइटोन और न्यूराइट। साइटोन सेल बॉडी होती है, पेरिकेरियन भी बोलते हैं, सोमा भी बोलते हैं, और न्यूराइट होता है जो उससे ब्रांचेस निकलती है, कुछ छोटी छोटी ब्रांचेस निकलती है ऊपर सेल बॉडी से जिसका नाम है डेंड्राइट, और एक लंबी सी ब्रांच निकलती है अनब्रांच्ड होती है जो जिसका नाम है एक्सॉन। ठीक है, एक्सॉन एक ही होती है, डेंड्राइट बहुत सारे होते हैं। एक न्यूरॉन आप यहां पर देख रहे हैं, एक न्यूरॉन बेटा आप यहां पर देख रहे हैं, सेंटर ये वाला हिस्सा क्या है, सेल बॉडी है। ये जो लंबा सा है, ये वाला हिस्सा क्या है, एक्सॉन है, और ये वाला हिस्सा क्या है, एक्सॉन का टर्मिनल, एक्सॉन एंडिंग है। क्या है, एक्सॉन एंडिंग है। अब जो सेल बॉडी है, सेल बॉडी के अंदर ये जो साइटोप्लाज्म है इसको बोलेंगे न्यूरोप्लाज्म। इसके अंदर आपको और क्या दिखता है, और दिखते हैं बेटा आरईआर। आरईआर क्या होता है, ईआर प्लस राइबोसोम, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, निसल ग्रैन्यूल। अब आरईआर का क्या काम होता है, प्रोटीन बनाना है ना, राइबोसोम प्रोटीन बनाते हैं। यहां पर प्रोटीन कौन है, न्यूरोट्रांसमीटर है। यहां से प्रोटीन बेटा निकलकर स्टोर किस में होते हैं, साइनेप्टिक नॉब के अंदर स्टोर हो जाते हैं। ठीक है जी, और ये क्या कह रहे हैं कि जो निसल ग्रैन्यूल्स हैं ये सिर्फ सेल बॉडी और डेंड्राइट में होते हैं, एक्सॉन में कोई भी निसल ग्रैन्यूल नहीं होता है। मेरे साथ फटाफट रिवाइज कर लो, ये जो लंबी सी डंडी है एक्सॉन है, एक्सॉन के बाहर ये जो ग्रीन कलर के सेल्स हैं ये एक तरीके के न्यूरोग्लियल सेल्स हैं। सच सेल्स आर कॉल्ड एज श्वान सेल। ठीक है, अगर पीएनएस है तो श्वान सेल है, अगर सीएनएस है तो कौन है बताओ, अगर सीएनएस है, लिखा भी हुआ है खैर सामने, लिखा भी हुआ खैर सामने, अगर ये सीएनएस है तो कौन है, ओलिगोडेंड्रोसाइट्स है। कौन है बच्चों, ओलिगोडेंड्रोसाइट है। तो मान लो ये जो न्यूरॉन है ये किसका है, पीएनएस का है, तभी यहां पर श्वान सेल है। ये श्वान सेल अंदर की साइड पे एक व्हाइट कलर का सब्सटेंस रिलीज करते हैं जो कि इंसुलेटर है, करंट पास नहीं होने देता। उस व्हाइट कलर के सब्सटेंस को बेटा हम क्या बोलते हैं, माइलिन। ठीक है, ये माइलिन ऐसे शीट सी बना लेगा तो ये बन जाएगा माइलिन शीट। जहां जहां पर ये माइलिन एब्सेंट है उस जगह को बेटा क्या बोलते हैं, नोड ऑफ रणवीर नहीं, रोड ऑफ रणवीर। क्या है ये, नोड ऑफ रणवीर। ठीक है जी, तो ये हो गया इस टाइप का न्यूरॉन जिसमें एक बहुत सारी जगह से मैसेज आता है। देखो इस तरीके का न्यूरॉन है, मैसेज बहुत सारी जगह से आ रहा है और यहां से जा रहा है, यानी कि मल्टीपल पोलैरिटीज है, मैसेज आ रहा है और जा रहा है, बहुत सारी जगह से आ रहा है। सच टाइप ऑफ न्यूरॉन जो यहां पर बना है, दिस इज बेसिकली कॉल्ड एज मल्टीपोलर न्यूरॉन। क्या बोलते हैं बेटा इसको, मल्टीपोलर न्यूरॉन बोलते हैं। अब बड़े सारे और भी तरीके के न्यूरॉन है, जैसे बेटा ये ए पोलर न्यूरॉन है, देख रहे हो किसमें पाया जाता है, हाइड्रा में, कोई डायरेक्शन ही नहीं है, कहीं से भी आ रहा है कहीं से भी जा रहा है, फर्क ही नहीं है। देन बेटा सिंगल वाला, ये देखिए दिस इज कॉल्ड एज यूनिपोलर, किसमें देखने को मिलता है, एम्ब्रियो में देखने को मिलता है। देन बेटा एक जगह से आना एक जगह से जाना, दो ही डायरेक्शन है, दो ही रूट है, एक गली आने की और एक गली जाने की, और कुछ नहीं है। दिस इज कॉल्ड एज बाइपोलर, बाइपोलर रेटिना में आज ही हम डिस्कस करेंगे। देन स्यूडो यूनिपोलर, अगेन वेरी इंपॉर्टेंट कि यार अपने चले तो थे यूनिपोलर बनाने, यहां तक यूनिपोलर था, बट लेटर ऑन इट बाइफरकेटेड, है ना, झूठा हमने इसने धोखा दे दिया, चले थे यूनिपोलर बनाने बट बाद में बेटा इसने धोखा देके बाइपोलर कर लिया, तो इसीलिए कहलाता है स्यूडो यूनिपोलर न्यूरॉन। कहां पर पाया जाता है, डॉर्सल रूट गैंग्लियन ऑफ स्पाइनल कॉर्ड, डॉर्सल रूट गैंग्लियन ऑफ स्पाइनल कॉर्ड। समझ रहे, समझ रहे बेटा। तो अपने ने जो न्यूरॉन बनाया है ये कौन सा बनाया है, मल्टीपोलर न्यूरॉन है। ये कौन सा न्यूरॉन है, मल्टीपोलर न्यूरॉन है। अब जरा यहां पर देखो दो तरीके के न्यूरॉन मैं यहां पर बताऊंगी, एक वो है जिसमें माइलिन शीथ होती है उसको बोलेंगे माइलिनेटेड, एक वो है जिसमें माइलिन शीथ नहीं होती है उसको बोलेंगे अनमाइलिनेटेड। अब यार जिसमें माइलिन शीथ होती है, माइलिन शीथ होती है, इसमें नहीं होती है। अब यार श्वान सेल किसमें होंगे, सोचने वाली बात है, इस माइलिन शीथ को सिक्रीट करने वाले थे श्वान सेल, श्वान सेल किसमें होंगे, तो याद रखना है बेटा चाहे माइलिन शीथ हो चाहे माइलिन शीथ ना हो, श्वान सेल तो होंगे ही होंगे। अगर वो पीएनएस का न्यूरॉन है, अगर वो पीएनएस का न्यूरॉन है तो फर्क नहीं है कि माइलिन है या नहीं है, श्वान तो बैठा ही होगा। अब बात ये है कि वो माइलिन रिलीज भी कर सकता है, माइलिन रिलीज नहीं भी कर सकता है। फायदा क्या है, क्यों माइलिन रिलीज करा रहे हैं यार, क्यों माइलिन रिलीज करा रहे हैं, इसका मैं तुम्हें बड़ा सिंपल सा एग्जाम्पल देती हूं। एक न्यूरॉन है मेरे पास ये, ठीक है ऐसे, ओके बड़ा कर लेते हैं, हाँ। दूसरा न्यूरॉन है मेरे पास अगेन ये चांद सा रोशन चेहरा है ना, ये न्यूरॉन है। एक पे तुमने व्हाइट कलर का माइलिन शीथ बनाया, यहां है माइलिन शीथ इस वाले पे, ठीक है, थोड़े थोड़े गैप के बाद, नोड ऑफ रणवीर के बाद।
इसके पास कोई माइलिन शीथ नहीं है। न्यूरॉन का काम क्या है? न्यूरॉन का काम है मैसेज लेकर जाना, समझो इंपल्स को लेकर जाना। मैसेज हमेशा इसी दिशा में ट्रैवल होता है, यानी कि फ्रॉम डेंड्राइट टू सेल बॉडी, सेल बॉडी टू एक्सॉन, एंड देन इसके बाद अगला न्यूरॉन आ जाएगा। जितना भी मैसेज एक न्यूरॉन के अंदर अंदर ही ट्रैवल हो रहा है, वो मैसेज इलेक्ट्रिकल सिग्नल की फॉर्म में होता है। किसकी फॉर्म में होता है बच्चों? इलेक्ट्रिकल सिग्नल। यानी कि एक इलेक्ट्रिकल सिग्नल अगर यहां पहुंचा तो फटाफट से इलेक्ट्रिकल सिग्नल यहां पहुंचेगा, फिर बेटा यहां से होता हुआ ये इलेक्ट्रिकल सिग्नल यहां पहुंचेगा, और फिर ये इलेक्ट्रिकल सिग्नल कन्वर्ट हो जाएगा केमिकल में, और उस केमिकल का नाम है न्यूरोट्रांसमीटर। क्या नाम है? न्यूरोट्रांसमीटर। यानी कि अगर तुम चाहते हो कि न्यूरॉन के अंदर अंदर तुमको मैसेज भेजना है, तो किस फॉर्म में भेजोगे? इलेक्ट्रिकल सिग्नल, माने वो चार्ज वार, जो सोडियम आयन पोटेशियम आयन, ये इलेक्ट्रिकल सिग्नल के फॉर्म में जाएगा। अगर तुम चाहते हो कि एक न्यूरॉन से अगले न्यूरॉन पे मैसेज जाए, ये देखो अगले न्यूरॉन पे मैसेज जाए, तो यार ये जो गैप है ना, ये जो गैप है, इस गैप में इलेक्ट्रिकल भी हो सकता है और केमिकल भी हो सकता है, लेकिन विद इन वन न्यूरॉन हमेशा इलेक्ट्रिकल होगा। अब यार यहां पर कोई भी माइलिन नहीं है, ध्यान से देखो यहां कोई भी माइलिन नहीं है, तो अपना इलेक्ट्रिकल सिग्नल दौड़ता जाएगा, बहुत बढ़िया है ना, चल के जा रहा है, आराम से चल के जा रहा है। ऊपर देखो, ऊपर वाले पे देखो, यहां माइलिन है, यहां से चला इलेक्ट्रिकल सिग्नल, यहां पहुंचा, अरे इंसुलेटर आ गया। अब क्या करें? इंसुलेटर पे तो जा नहीं सकते, वहां से तो चार्जेस आदान प्रदान नहीं हो सकता है जहां माइलिन शीथ है। अब बेटा जंप करेगा सिग्नल, क्या किया? ठप्पा खा लिया, जंप करा, फिर क्या आ गया? इंसुलेटर आ गया, फिर ठप्पा खा लिया, यानी कि जंप करा, फिर क्या आ गया? इंसुलेटर आ गया, फिर क्या आ गया? ठप्पा खा लिया और जंप करा, और फिर बेटा ऐसे चल के आया। अब आप एक गली में जाते हैं चलकर एक जगह से दूसरी जगह, फिर दूसरी जगह आप जाते हैं उसी जगह तक जंप करके, आप कब जल्दी पहुंचेंगे बताइए? आप कब जल्दी पहुंचेंगे? किस केस में जल्दी पहुंचेंगे? अगर आप चल के जाएंगे तो जल्दी पहुंचेंगे, या फिर कूदते हुए जाएंगे तो जल्दी पहुंचेंगे? बताओ, कूदोगे तो जल्दी पहुंचोगे या फिर चल के जाओगे तो जल्दी पहुंचोगे? अब कोई बच्चा दिमाग नहीं लगाएगा, मैम मैं तो दौड़ के जाऊंगा, दौड़ने का ऑप्शन ही नहीं है, नो ऑप्शन ऑफ रनिंग, ओनली ऑप्शन इज चल के जाना है या कूद के जाना है। कब जल्दी पहुंचोगे? बिल्कुल सही बात है बेटा, जब तुम जंप करोगे ना तब मामला थोड़ा फास्ट हो जाएगा, करके देख लो। जिस कमरे में बैठे हो ना, जिस कोने में बैठे हो, दरवाजे तक जंप करके जाओ और दरवाजे तक चल के जाओ, जंप करके जल्दी पहुंच जाओगे। तो माइलिन क्यों लगाई हमने? माइलिन इसीलिए लगाई ताकि जब हमें मैसेज जल्दी में भेजना होता है तो अपने माइलिन वाले न्यूरॉन के थ्रू भेज सकते हैं। इस टाइप की कंडक्शन को जिसमें मैसेज जंप करके जाता है, उस टाइप की कंडक्शन को बेटा हम बोलते हैं सॉल्टेटरी कंडक्शन। क्या बोलते हैं? सॉल्टेटरी कंडक्शन, दैट इज जंपिंग कंडक्शन। तो यार ये वाला जो मामला है ये फास्ट हो गया, ये वाला मामला फास्ट हो गया, और ये वाला जो मामला है ये कंपैरेटिवली स्लो हो गया। इसको यहां डाल देते हैं, कंपैरेटिवली ये स्लो हो गया। ठीक है बेटा, हुआ कि नहीं हुआ? राइट, तो ये डिफरेंस है आपके माइलिनेटेड और नॉन माइलिनेटेड न्यूरॉन में। यानी कि जब भी आपको स्पीड इंक्रीज करनी है, जब भी बेटा आपको स्पीड इंक्रीज करनी है ना इंपल्स की, तो आप क्या करो, या तो माइलिनेशन कर दो, अगर आपने माइलिनेशन कर दी तो स्पीड बढ़ जाएगी, या फिर आप क्या करिए, डायामीटर बढ़ा दीजिए न्यूरॉन का, डायमीटर क्या करिए, बढ़ा दीजिए। अगर बेटा डायमीटर बढ़ गया तो जल्दी जल्दी करंट पास होगा, तब भी स्पीड क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। या फिर आप टेम्परेचर इंक्रीज कर दीजिए, अगर आपने टेम्परेचर भी इंक्रीज कर दिया तो हाई टेम्परेचर में और फास्ट आपके आयंस खुलेंगे और वो मैसेज जल्दी से ट्रांसफर हो जाएगा। अब आता है बेटा इसका इंपॉर्टेंट टॉपिक, दैट इज कंडक्शन ऑफ नर्व इंपल्स। क्या है? कंडक्शन ऑफ नर्व इंपल्स। रेडी है? किस किस बच्चों को इसमें डाउट रहता है कि कौन कब अंदर आ रहा है, कौन कब बाहर जा रहा है, बताओ? कंडक्शन ऑफ नर्व इंपल्स किसको डाउट रहता है बेटा? आज तक अगर आपको डाउट है ना, तो आपने मेरे से ये चीज समझी नहीं है कभी। हाँ, ये मैं गारंटी कहती हूं, जिस बच्चे ने मेरे से एक बारी कंडक्शन समझ लिया तो वो कभी भी किसी भी चैप्टर में सोडियम पोटेशियम का खेल नहीं भूलेंगे, कभी भी नहीं भूलेंगे। किस किस को रहता है? हाँ, मतलब आज तक आपने मेरे से नहीं पढ़ा तभी रहता है। जैसे बेटा बायोटेक एक तुम्हारे लिए बहुत बड़ा वो था ना,
कि बायोटेक बायोटेक समझ नहीं आती, जेनेटिक्स समझ नहीं आती। आज अगर आपने मेरे से पढ़ लिया बायोटेक और जेनेटिक्स तो आपको हो ही नहीं सकता ना समझ आए, क्योंकि हमने कल इतने अमेजिंग क्वेश्चंस किए पेडिग्री के, आज मैं वो बच्चे का पीडीएफ भी शेयर करूंगी, और बेटा हमने न्यूमेरिकल्स करे, एवरीथिंग वुड बी क्लियर वंस यू विल स्टडी इट फ्रॉम मी। तो अगले 10 मिनट कितने, अगले 10 मिनट आप बिल्कुल फोकस हो जाएं इस पे, क्योंकि अब जो मैं बताने वाली हूं ये आपका बेस बनाएगा, सिर्फ इसके लिए नहीं एमबीबीएस के लिए भी, एमबीबीएस में भी बहुत ज्यादा ये यूज होता है, ये सेम कॉन्सेप्ट कार्डियक साइकिल में भी यूज होता है, ये सेम कॉन्सेप्ट मसल में भी यूज होता है, क्योंकि आपका हार्ट को सिग्नल ब्रेन भेजता है, आपकी मसल को सिग्नल ब्रेन भेजता है, तो यार सिग्नल कैसे जा रहा है ये समझ लेते हैं। हर जगह ये एप्लीकेबल है, हर जगह बिल्कुल सेम है, ठीक है। चलो कंडक्शन करते हैं, ये मान लीजिए एक न्यूरॉन है, ये ठीक है, ये दूसरा न्यूरॉन है। अभी मैंने आपको एक चीज बताई, न्यूरॉन के अंदर जब भी मैसेज जाएगा वो इलेक्ट्रिकल सिग्नल की फॉर्म में जाएगा, यानी कि यहां से लेकर एक कोने से लेकर इसके दूसरे कोने तक जो मैसेज जाएगा वो इलेक्ट्रिकल सिग्नल की फॉर्म में जाएगा। सेम वे इस न्यूरॉन में भी मैसेज किस फॉर्म में जाएगा, इलेक्ट्रिकल सिग्नल। अब बीच में बचा ये गैप, इस गैप में दोनों चीजें हो सकती हैं, इलेक्ट्रिकल सिग्नल की फॉर्म में भी जा सकता है और केमिकल सिग्नल की फॉर्म में भी जा सकता है, लेकिन डायरेक्शन ऑफ मैसेज हमेशा सेम रहेगी। हमेशा बेटा मैसेज डेंड्राइट से जाएगा सेल बॉडी में, सेल बॉडी से जाएगा एक्सॉन में, फिर डेंड्राइट से जाएगा सेल बॉडी में और सेल बॉडी में जाएगा एक्सॉन में। कभी भी इंपल्स की डायरेक्शन उल्टी नहीं होगी, कभी ऐसा नहीं होगा कि यार एक्सॉन मैसेज इधर लेके जा रहा है, ना ना ना, डेंड्राइट ही साइटोन को देगा, साइटोन ही किसको देगा, एक्सॉन को देगा। अब ये गैप वाला हम थोड़ी देर में पढ़ेंगे, अभी हम क्या पढ़ने वाले हैं इस इलेक्ट्रिकल वाले को, कि अगर मैसेज न्यूरॉन के बीच बीच में ही जाना है तो किस तरीके से जाएगा, किस तरीके से जाएगा। सिंस इलेक्ट्रिकल और केमिकल दोनों यूज हो रहे हैं तो इन टोटालिटी हम बोल सकते हैं कि इलेक्ट्रोकेमिकल है, इलेक्ट्रोकेमिकल मोड ऑफ कंडक्शन है। तो अभी सबसे पहले अपन लोग क्या पढ़ेंगे, इलेक्ट्रिकल कंडक्शन पढ़ेंगे, फिर मैं केमिकल वाला भी कराऊंगी, इलेक्ट्रिकल कंडक्शन, ठीक है। चलो अब मान लो ये तुम्हारा एक्सॉन है, ये एक्सॉन है, ऊपर कहीं ऐसे कर लेते हैं, ये एक्सॉन है, ऊपर बेटा सेल बॉडी है, नीचे एक्सॉन टर्मिनल है। एक्सॉन के अंदर का माल मसाला क्या है, एक्सोप्लाज्म है। अब इस एक्सॉन को अगर मैं ऐसे रख सकती हूं, कैन आई कीप इट लाइक दिस, बेटा ऐसे था, डायरेक्शन ही तो चेंज की है, एक्सॉन ऐसे था, मैंने ऐसे कर दिया, कर दे यस और नो, कर दे, कर देते हैं, तुमने यस बोला नो बोला, मैं तो कर रही हूं, ठीक है। तो अपन ने इसको ऐसे लिटा दिया, ठीक है, थोड़ा बड़ा करके बना लिया, ये लिटा दिया, फिर दोबारा लिटा दिया, और फिर दोबारा लिटा दिया, ओके लिटा दिया। अब यार इस एक्सॉन के अंदर जो भी है, इस एक्सॉन के अंदर जो भी है वो इसका एक्सोप्लाज्म है, क्या है, एक्सोप्लाज्म, यानी कि दिस इज एक्सोप्लाज्म, दिस इज एक्सोप्लाज्म, दिस इज एक्सोप्लाज्म, राइट और रॉन्ग, है ना। अब एक्सॉन की ये जो मेम्ब्रेन है इसको बोलेंगे हम लोग एक्सोलेमा, क्या बोलेंगे, एक्सोलेमा। तो मैं लेबल कर देती हूं, इस मेम्ब्रेन का नाम है एक्सोलेमा, ठीक है, लेमा, और इसके अंदर जो माल मसाला है ये है एक्सोप्लाज्म, ठीक है, लिख दिया। अब हमेशा याद रखना है तो ये सेल ही है, तो क्या ये सेल ही। अब सेल के अंदर जब भी सेल रेस्ट कर रहा है, अंदर हमेशा दो चीजें ज्यादा होती है, एक्सोप्लाज्म साइटोप्लाज्म ही तो है एक तरीके का, अंदर हमेशा दो चीजें ज्यादा होती हैं, और वो दो चीजें कौन सी हैं याद रखना है। अंदर सेल के अंदर हमेशा किसकी कंसंट्रेशन ज्यादा होती है, पोटेशियम आयन की एंड नेगेटिवली चार्ज्ड प्रोटीन की, हर सेल के अंदर, इट इज नॉट जस्ट अबाउट न्यूरॉन, हर सेल के अंदर पोटेशियम आयन और नेगेटिवली चार्ज प्रोटीन ज्यादा होते हैं, और हर सेल के बाहर, ये देखो ये सेल है, इसके बाहर हमेशा सोडियम आयन का कंसंट्रेशन ज्यादा होता है, हमेशा जब सेल रेस्ट कर रहा है, किस सिचुएशन में रेस्ट कर रहा है। अब जरा बाहर सिर्फ पॉजिटिव चार्ज है, अंदर यार पॉजिटिव भी है और नेगेटिव भी है, बाहर पॉजिटिव चार्ज है, अंदर पॉजिटिव भी है और नेगेटिव भी है, तो ज्यादा पॉजिटिव कहां हुआ बताओ बच्चों, बाहर अकेला पॉजिटिव है, अंदर पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों हैं, तो ज्यादा पॉजिटिव कहां हुआ, ज्यादा पॉजिटिव वहां होगा जहां सिर्फ पॉजिटिव है, यानी कि ज्यादा पॉजिटिव आपका रहेगा बाहर, बाहर यानी कि आपका पॉजिटिव चार्ज हो गया, इफेक्टिव चार्ज की बात हो रही है बेटा, किसकी बात हो रही है, इफेक्टिव चार्ज की, और अंदर लेस पॉजिटिव हो गया,
मैं ये नहीं कह रही अंदर नेगेटिव हो रहा है, मैं ये कह रही हूं अंदर बाहर के कंपैरिजन में लेस पॉजिटिव हो गया। इस लेस पॉजिटिव को दर्शाने के लिए हम लिख लेते हैं माइनस। बेटा दिस माइनस डज नॉट मीन एक्चुअल माइनस, इट मींस इट इज लेस पॉजिटिव देन द आउटसाइड। यस, इतनी बात क्लियर हो गई। ये जो सिचुएशन है ये रेस्टिंग सिचुएशन है, अभी जो सिचुएशन है अभी कोई मैसेज नहीं आया, दिस इज बेसिकली रेस्टिंग पोटेंशियल। ये कैसा पोटेंशियल है? रेस्टिंग पोटेंशियल, पोटेंशियल, ठीक है। इसमें इफेक्टिवली देखा जाए तो सेल के अंदर नेगेटिव चार्ज है, इस वजह से इसका पोटेंशियल डिफरेंस जब हमने कैलकुलेट किया, हम कैलकुलेट कर सकते हैं कैथोड रे ऑसिलोस्कोप से, इसका लेवल आता है, इसका वैल्यू आता है -70 मिलीवोल्ट्स। माइनस क्यों आया? क्योंकि बेटा सेल के अंदर का देखा जाता है, सेल के अंदर कंपैरेटिवली नेगेटिव है बाहर से, तो हमने इसको जब कैलकुलेट किया तो जब सेल रेस्ट कर रहा होता है तो उसका पोटेंशियल डिफरेंस, फिजिक्स में पढ़े हो ना, कैलकुलेट हो सकता है पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, -70 मिलीवोल्ट्स। इस समय पर क्या सोडियम को अंदर आने की इजाजत है? इस समय पर क्या पोटेशियम को बाहर जाने की इजाजत है? बताओ, क्या इस समय पर सोडियम को अंदर आने की इजाजत है? तुम बोलोगे हां। क्या इस समय पर पोटेशियम को बाहर जाने की इजाजत है? हां। क्यों है भैया? क्यों है? क्योंकि इस समय जो लीकी चैनल्स हैं, लीकी चैनल वो होते हैं बेटा जिन पे कोई गेट नहीं लगा होता, नो गेट चैनल, कोई गेट नहीं है, कोई गार्ड नहीं बैठा, वो कह रहा है मतलब गेट ऐसे खुला पड़ा हुआ है, ओपन है, बाहर आना बाहर जाओ, अंदर जाना अंदर जाओ। यानी कि इन लीकी चैनल्स के थ्रू सोडियम अंदर आता है, मैं हिंदी में लिख रही हूं ताकि तुम हमेशा याद रहे, पोटेशियम बाहर जाने की कोशिश करता है, बट फिर भी हमारी बॉडी इस -70 को पता है कैसे मेंटेन करती है? क्योंकि इस समय चल रहा होता है सोडियम पोटेशियम पंप। क्या चल रहा होता है बेटा? सोडियम पोटेशियम पंप। मैं पंप बनाने वाली हूं, यहां क्या बनाने वाली हूं? पंप बनाने वाली हूं। ये रहा पंप, ये लेमा वाले को रब कर रही हूं, आई एम जस्ट रबिंग इट, क्योंकि आपको पता चल चुका है लेमा, ठीक है। तो यहां पर चलता है सोडियम पोटेशियम पंप, सोडियम पोटेशियम पंप। पंप का मतलब होता है मोटर चल रही है। मोटर क्या करती है? मोटर का काम है यस, 3 सोडियम को बाहर फेंकना, 2 पोटेशियम को अंदर लेके आना। जब भी ये चलेगा, एक बारी चलने पे 3 सोडियम बाहर 2 पोटेशियम अंदर। ये चलता कैसे है? बेटा एटीपी यूज करता है। ये क्या यूज करता है? एटीपी यूज करता है, ठीक है, एटीपी यूज करता है। एक बारी चलने पर 3 सोडियम बाहर 2 पोटेशियम अंदर। कैसे याद करें कि कितना सोडियम बाहर कितना पोटेशियम अंदर? बेटा इसको याद करने की ट्रिक है, सिखाऊं ट्रिक मैं बेटा आपको सिखाती हूं। इसको याद करने की ना एक बड़ी अच्छी ट्रिक है, इसको याद करने की ट्रिक ये कहती है 3 सोडियम आउट, आउट एंड इन। आउट में कितने अक्षर हैं? 3। इन में कितने अक्षर हैं? 2, ठीक है। सोडियम में कितने अक्षर हैं? Na, 2। यानी कि आउट के 3 को मैच करने के लिए कौन बाहर जाएगा? आउट करने के लिए मुझे कौन चाहिए? 3 ही सोडियम चाहिए, ठीक है, 3 सोडियम चाहिए। और इन में कितने अक्षर हैं? 2, यानी कि अपने को 2 पोटेशियम चाहिए। आउट एंड इन के हिसाब से आप कर सकते हो। आउट कौन जा रहा है? बड़ा वाला जा रहा है। कितना आउट जा रहा है? 3 आउट जाएंगे। कौन जाएंगे? क्योंकि आउट में 3 अक्षर है, 3 सोडियम। अगर मैं 3 Na भी लिखूंगी तो भी 3 ही अक्षर बनते हैं, अगर मैं 2 पोटेशियम लिखूंगी तो 2 अक्षर बनते हैं। यानी कि इसके 3 अक्षर आउट से मैच हो रहे हैं, इसके 2 अक्षर इन से मैच हो रहे हैं। यस बच्चों, यस, हां जी, हो रहे मैच? हो रहे हैं बच्चों? हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं? बता दो फटाफट से। ओके, तो यार सिंस लीकी चैनल खुले थे, गेट नहीं लगा हुआ था, सोडियम अंदर आ रहा था, पोटेशियम बाहर जा रहा था, इसी वजह से बेटा पंप चलाना पड़ा। पंप चलाने से क्या बेनिफिट हुआ? इस पंप ने फिर से सोडियम को बाहर भेजा, इसने पोटेशियम को अंदर लेके आया, ताकि बेटा अंदर पोटेशियम ज्यादा रहे और बाहर सोडियम ज्यादा रहे। तो पंप हेल्प कर रहा है, किस में हेल्प कर रहा है? कि बाहर सोडियम और अंदर पोटेशियम बना रहे, ठीक है, पंप मदद कर रहा है। क्योंकि अगर पंप ना होता तो यार ये तो उल्टा हो जाता मामला,
तो लीकी चैनल को बैलेंस करने के लिए हमारे पास पंप है। इस समय पर जब बेटा सोडियम अंदर आ रहा था, पोटेशियम बाहर जा रहा था, तो किसकी परमेबिलिटी ज्यादा है? तो आप याद रखेंगे पोटेशियम की परमेबिलिटी क्या है? ज्यादा है। तो मैं लिख रही हूं यहां पर, दिस इज इंपॉर्टेंट, इस समय पर पोटेशियम की परमेबिलिटी ज्यादा थी। मूव दोनों कर रहे थे लेकिन पोटेशियम की परमेबिलिटी ज्यादा थी। बीच बीच में हिंदी वर्ड्स यूज कर रही हूं ताकि तुम्हें याद रहे। अभी ये सिचुएशन कौन सी है? रेस्टिंग सिचुएशन है। चलो अब कहते हैं कि मैसेज आया। क्या आया? मैसेज आया। तो मैसेज के लिए ये आ गया मैसेज, ठीक है, ये मैसेज आ गया। हर कोई मैसेज आके परेशान नहीं कर सकता न्यूरॉन को। मैसेज आना चाहिए थ्रेशहोल्ड स्टिमुलस का, तभी कोई बात बनेगी। थ्रेशहोल्ड स्टिमुलस का मैसेज आएगा तभी बेटा बात बनेगी। ये जो थ्रेशहोल्ड स्टिमुलस है पता है कितना होता है? -55 to -60 millivolts। अगर इस लेवल का स्टिमुलस आएगा तब जाके कुछ सोचेंगे। मान लो आ गया, जैसे ही बेटा इस लेवल का स्टिमुलस आएगा, ठीक है, वोल्टेज गेटेड सोडियम चैनल विल ओपन। वोल्टेज गेटेड चैनल ऑफ किसके? सोडियम विल ओपन। देखो ये लीकी चैनल नहीं है, लीकी तो थे, कोई गेट ही नहीं था, अंदर बाहर करते रहो। ये है वोल्टेज गेटेड, इन पे गेट लगा हुआ है। किसका? वोल्टेज का। वो कह रहे हैं कि यार अगर ये वोल्टेज आएगी तभी हम खुलेंगे। और जैसे ही सोडियम चैनल वोल्टेज गेटेड खुले, ये जो बाहर सोडियम बैठा था ना, ये दौड़ के अंदर आएगा। तो सारा का सारा सोडियम अंदर आने की कोशिश कर रहा है। दिस विल लीड टू इनफ्लक्स ऑफ सोडियम। अगर पॉजिटिव चार्ज अंदर आएगा तो सेल के अंदर कौन सा चार्ज हो जाएगा? नेट इफेक्टिव चार्ज इनसाइड द सेल वुड बी पॉजिटिव, नेट इफेक्टिव चार्ज आउटसाइड द सेल इज गोइंग टू बी नेगेटिव। इज दिस क्लियर? इस स्टेज को जब बेटा जो मेम्ब्रेन है इसकी पोलराइजेशन ही उल्टी हो गई। पहले यार मेम्ब्रेन के बाहर पॉजिटिव था, अब मेम्ब्रेन के अंदर पॉजिटिव हो गया है। पहले के टाइम पर मेम्ब्रेन को हम लोग बोल रहे थे पोलराइज्ड। क्या बोल रहे थे इस मेम्ब्रेन को? पोलराइज्ड। अब बेटा इसी मेम्ब्रेन को मैं बोलूंगी डीपोलराइज्ड। क्या बोलूंगी? डीपोलराइज्ड। यानी कि अब उल्टा हो गया ना मामला, पहले बाहर पॉजिटिव था अब अंदर पॉजिटिव हो गया है, डीपोलराइज। इस सिचुएशन में हम लोग बोलते हैं कि यार एक्शन पोटेंशियल जनरेट हो गया है, अब रेस्टिंग पोटेंशियल नहीं रहा। क्या हो गया? एक्शन पोटेंशियल। और किस वैल्यू का हुआ? +30 millivolts। +30 मैंने क्यों किया? प्लस क्यों लिखा? क्योंकि बेटा अंदर प्लस आ गया ना, अंदर प्लस आ गया, और जो अंदर चार्ज होता है वही आपका पोटेंशियल डिफरेंस में चार्ज आता है। यस, वही पोटेंशियल डिफरेंस में चार्ज आता है, ठीक है। +30 + +35 इतना, 35 लिख लो, 35 लिख लो, +35, ओके, +35 millivolts। नर्व इंपल्स इसको बोलते हैं, एक्शन पोटेंशियल इसको बोलते हैं, कि जैसे ही थ्रेशहोल्ड स्टिमुलस का वैल्यू आएगा, वोल्टेज गेटेड चैनल खुलेंगे, सोडियम धड़ाक से अंदर आएगा। अब बेटा ये जो मैसेज है ये आगे जाएगा। अब ये जो थ्रेशहोल्ड स्टिमुलस है ये इस जगह को छोड़ के इस जगह पे मैसेज भेजेगा तो अगले हिस्से से सोडियम अंदर आएगा, फिर बेटा ये आगे वाले हिस्से में मैसेज भेजेगा तो अगले हिस्से सोडियम आएगा। ये चलता रहेगा, मामला चलता रहेगा, ठीक है। इतना हिस्सा डीपोलराइज हुआ, फिर अगला हिस्सा डीपोलराइज होगा। जैसे इतना डीपोलराइज किया, फिर इसको डीपोलराइज करेंगे, फिर इसको डीपोलराइज करेंगे, तो ऐसे ऐसे अपने डीपोलराइज करते जाएंगे। अब मान लो बेटा ये वाला हिस्सा डीपोलराइज है, अब अगले हिस्से की टर्न है, तो पिछला वाला हिस्सा वापस आएगा। वापस आने को बोलते हैं रीपोलराइजेशन। वापस आने को क्या बोलते हैं बच्चों? रीपोलराइजेशन। रीपोलराइजेशन के वक्त भी वोल्टेज गेटेड चैनल्स खुलेंगे, लेकिन किसके? पोटेशियम के। वोल्टेज गेटेड चैनल ऑफ पोटेशियम विल ओपन। इधर ले आते हो, ऑफ पोटेशियम विल ओपन। तो यार पोटेशियम अंदर था, तो पोटेशियम बाहर दौड़ेगा, ठीक है, भेज दो बाहर। इसको बोला जाता है इफ्लक्स ऑफ पोटेशियम। अगर इतना सारा पॉजिटिव चार्ज बेटा बाहर चला गया तो बाहर कौन सा चार्ज आ जाएगा? बाहर आ जाएगा पॉजिटिव, और बच्चों अंदर आ जाएगा नेगेटिव। क्या ये सिचुएशन रेस्टिंग जैसी नहीं है? बताओ क्या ये सिचुएशन रेस्टिंग जैसी नहीं है?
रेस्टिंग वाली सिचुएशन पे जब तुम देखोगे तो भी बाहर पॉजिटिव था, रीपोलराइजेशन पे देख रहे हो तो भी बाहर पॉजिटिव आ गया है, रेस्टिंग वाले पे देखोगे तो अंदर नेगेटिव चार्ज था, रीपोलराइजेशन पे देखोगे तो भी अंदर नेगेटिव है। डिफरेंस कहां है? एक अंतर है यार, एक अंतर है। चलो मैं देखती हूं कौन बताता है। एक अंतर है, यस बता दो फटाफट से। एक अंतर है, हां जी कौन सा अंतर है? आई एम लुकिंग एट द कॉमेंट्स, मैं कॉमेंट्स देख रही हूं किसका अंतर है। वेरी गुड वेरी गुड, चार्ज तो बैलेंस हो गए, एक चीज गड़बड़ हो गई है। एक चीज गड़बड़ ये है कि रेस्टिंग वाले में सोडियम बाहर था, अब सोडियम अंदर है। रेस्टिंग वाले में पोटेशियम अंदर था, अब पोटेशियम बाहर है। इन दोनों को देखना बेटा, एक चीज गड़बड़ हो गई है, आयंस की गड़बड़ हो गई। चार्ज बैलेंस हो गया, आयंस की गड़बड़ हो गई है। इस आयन की गड़बड़ को ठीक करने के लिए हमने किसकी मदद ली? मोटर की मदद ली। और ये मोटर कौन है? यस बेटा, ये मोटर कौन है आप जानते हैं? ये मोटर है सोडियम पोटेशियम पंप। ये पंप एक एटीपी यूज करके क्या करेगा? ये पंप एक एटीपी यूज करके 3 सोडियम को बाहर फेंकेगा और 2 पोटेशियम को अंदर लेकर आएगा बाय यूटिलाइजेशन ऑफ 1 एटीपी मॉलिक्यूल। ठीक है, बाय यूटिलाइजेशन ऑफ 1 एटीपी मॉलिक्यूल। तो फिर से अपने पंप लगाएंगे, पंप की मदद से सोडियम बाहर आएगा, पोटेशियम अंदर आएगा। चार्ज तो पहले बैलेंस थे, बात खत्म पंप से। यस पंप से 3 सोडियम आउट, आउट में 3 ओ यू टी, 3 एन ए, इन आई एन 2 के। ठीक है, 2 के समझ आ गया ना, वो ट्रिक से याद रखेंगे। तो सोडियम पोटेशियम पंप चलेगा और इस पंप से हम लोग आयंस को भी बैलेंस कर देंगे, आयंस को भी बैलेंस कर देंगे। अब ये सारी इंफॉर्मेशन को मैं ग्राफिकल फॉर्म में उतारने वाली हूं। किसकी फॉर्म में उतारने वाली हूं? ग्राफिकल फॉर्म में। तो लेट अस ड्रॉ द ग्राफ। ठीक है, ओके तो ये मान लीजिए 0 लेवल है, ये नीचे नेगेटिव होगा। ये लेवल ले लेते हैं -55 और ये लेवल ले लेते हैं -90। मिलीवोल्ट्स में है, इधर मामला मिलीवोल्ट्स में। चलिए, तो अभी जब रेस्टिंग था तब किस सिचुएशन में था? जब बेटा न्यूरॉन रेस्टिंग था तो -70 के करीब था, तो यहां पर तकरीबन, ठीक है, यहां पर तकरीबन था। ठीक है, जैसे ही बेटा थ्रेशहोल्ड लेवल का स्टिमुलस आया, -55 का स्टिमुलस आया, इसने स्पीडें पकड़ ली। ठीक है, सोडियम आयन फटाफट से अंदर जाने लग गए। कहां तक अंदर गए? +35 तक। कहां तक अंदर गए? +35 तक मामला चला गया। तो यहां पर +35, फिर बेटा ये डीपोलराइज करेगा। डीपोलराइज करने का मतलब है अब क्या हो रहा है? इफ्लक्स ऑफ पोटेशियम। समझो, यहां पर क्या हो रहा था? इनफ्लक्स ऑफ सोडियम, जिसकी वजह से पोटेंशियल डिफरेंस -70 से उठ के कितना आ गया है? +35 तक आ रहा है। फिर बेटा रीपोलराइजेशन हुई, जिसकी वजह, जो किस वजह से हुई? इफ्लक्स ऑफ पोटेशियम की वजह से। रीपोलराइजेशन में हमारी कोशिश थी कि हम +35 से फिर से -70 पर आ जाएं, पर -70 से थोड़ा सा नीचे गिर जाते हैं। मतलब जितनी देर के लिए सोडियम चैनल खुला था उतनी देर के लिए पोटेशियम चैनल खुलना चाहिए था, लेकिन पोटेशियम चैनल थोड़ा ज्यादा देर के लिए खुल जाता है। थोड़ा ज्यादा देर के लिए खुल जाने का मतलब है इसका लेवल -70 की जगह -90 तक चला जाता है, यानी कि इतना लेवल एक्स्ट्रा चला गया। देख रहे हो, इतना लेवल एक्स्ट्रा चला गया। फिर बेटा सोडियम पोटेशियम पंप इसको वापस -70 पे ले आते हैं। ये जो एक्स्ट्रा चला गया ना, वो क्यों हुआ? क्योंकि सोडियम पोटेशियम के गेट थोड़े ज्यादा देर के लिए खुले थे, पोटेशियम के गेट थोड़े ज्यादा देर के लिए खुले। इसको बोलते हैं हाइपरपोलराइजेशन। क्या बोलते हैं? हाइपरपोलराइजेशन। ठीक है, इधर है अपना डीपोलराइजेशन, इधर है अपना रीपोलराइजेशन और ये है अपना हाइपरपोलराइजेशन। ठीक है, डीपोलराइजेशन इज ड्यू टू इनफ्लक्स ऑफ सोडियम, रीपोलराइजेशन इज ड्यू टू इफ्लक्स ऑफ पोटेशियम। क्या ये ग्राफ समझ आया? रेस्टिंग सिचुएशन हमारी 70 पे है, -70, फिर -55 का स्टिमुलस आया, हम ऊपर चल दिए। नीचे आना चाहते थे -70 पे, लेकिन गलती से -90 पे चल दिए, फिर वापस आ गए, गलती करी वापस आ गए। यस बेटा बता, क्या ये चीज समझ आ गई? यस बता दो फटाफट से। हां
हाँ जी अच्छा एक बात बताओ, अब मैं ना एक पोल कराने वाली हूं, आप लोगों में से कितने बच्चे ऑलरेडी, जो हमारा क्रैश कोर्स था 5000 वाला और 2000 में भी था, 79 में भी था, कितने बच्चे उस क्रैश कोर्स के में ऑलरेडी एनरोल्ड है? जस्ट आई जस्ट वॉन्ट टू नो द नंबर्स, ठीक है? कितने बच्चे ऑलरेडी एनरोल्ड है? यस 5000, 2000 और 79 जो भी है. ये प्लस के स्टूडेंट है, मतलब बेसिकली मैं पूछना चाह रही हूँ आप में से कितने बच्चे प्लस वाले हैं? नोट्स क्यों नहीं मिल रहे? मेरा टेलीग्राम ज्वाइन करो, टेलीग्राम पे है सारे नोट्स, सी पाउजा बायोलॉजी, ठीक है? या लिंक ट्री से ले लो. ओके 57%, 50-50 है. ओके ओके 50-50 है. आई गॉट इट, आई गॉट इट, आई गॉट इट. कह रहे मैं तो ऑफलाइन हूं आपके सेंटर पे. बेटा मेरा तो कोई सेंटर ही नहीं है, मैं ऑनलाइन पढ़ाती हूँ. और मैंने आपको बताया था कि मैं क्यों ऑनलाइन पढ़ाती हूँ, आपने सुनी थी मेरी बात. मैंने एनिमल टिश्यूज में बेटा बात बताई थी, व्हाई डू आई प्रेफर ऑनलाइन. क्यों? क्योंकि ऑफलाइन में जाऊंगी बेटा, मुझे 40 बच्चा देखेगा, 50 देखेगा, 100 देखेगा, लेकिन बेटा यहां पर 4000, 5000, जब सेशन खत्म होता है उसके बाद बेटा 30000, 1 लाख एक हफ्ते में, इतने बच्चे मेरी नॉलेज से बेनिफिट ले पाते हैं. तो यार मेरा जो एम है वो एम है कि मैं फ्री ऑफ कॉस्ट मैक्सिमम पढ़ाऊं आपको, जितना मैं कोशिश कर सकती हूँ. बेटा मैं फाइट करती हूँ, आप जब एक कंपनी का हिस्सा होते हो तो आपकी यू नो यू हैव टू फॉलो सर्टेन रूल्स ऑल्सो. बट मेरी कोशिश पता है क्या है, आप किसी से पूछेंगे मैम की कोशिश फ्री में दे दो, फ्री में. क्यों? क्योंकि मुझे पता है यार बच्चों के लिए 2000, 200, 2 लाख देना कितना ज्यादा मुश्किल है. बच्चों गाइडेंस के नाम पर क्या क्या बेचा जाता है कई बार, एंड आई फील रियली बैड फॉर दैट. तो मेरी कोशिश है कि यार मैं हर चीज आपको फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करूं, या मिनिमम से मिनिमम कॉस्ट में प्रोवाइड करूं अगर मुझे रूल्स के हिसाब से ही चलना है. और मैं चाहती हूं मैं हर बच्चे तक पहुंचू. 1 लाख 2 लाख नहीं है सीमित बेटा, मिलियंस तक सीमित है. 18 लाख बच्चों ने पेपर देना है, अभी तो जस्ट मुझे 1 लाख 2 लाख बच्चे जानते हैं. मैं चाहती हूं 18 लाख के 18 लाख बच्चे मुझे जाने, ताकि बेटा बेनिफिट हो उनका और उनको कहीं भी पैसे वेस्ट करने की, 1000 भी देने की, 500 रुपए भी देने की जरूरत ना पड़े, 1 रुपए भी देने की जरूरत ना पड़े, ठीक है? बस इस वजह से आप मुझे ऑफलाइन में जल्दी कहीं नहीं देखोगे, क्योंकि यार मेरा विजन है. विजन मतलब मैं इस चीज में बहुत स्ट्रांगली बिलीव करती हूं कि यार अब अगर मेरे पास इंटरनेट है तो क्यों ना यार मैं इस इंटरनेट को बहुत पॉजिटिवली यूज करूं. इंटरनेट सिर्फ रीले देखने, शॉर्ट्स देखने और ये वेब सीरीज देखने के लिए काम नहीं आता है, नेटफ्लिक्स देखने के काम नहीं आता है. इंटरनेट से बेटा आप चांद तक पे जा सकते हो, और इसी इंटरनेट से आप नीट क्रैक करोगे. अभी तो इट्स जस्ट वेरी रीसेंट, ऑनलाइन जस्ट अभी आया है. लोगों को लगता है कि ऑफलाइन में टच है, बच्चा बेटा कोई टच नहीं है. मैंने ऑफलाइन में 6 साल पढ़ाया है, और वही उससे बेहतर चीज अलग तरीके से मैं आपको यहां पढ़ाती हूं. तो क्या टच है यार, क्या टच है, कौन सा टच एक्स्ट्रा है? कोई टच एक्स्ट्रा नहीं है. पढ़ने वाला आदमी होना चाहिए, पढ़ने वाला आदमी है तो यार वो यहां बैठ के फ्री ऑफ कॉस्ट भी पढ़ेगा. नहीं पढ़ने वाला है ना, उसको 2 लाख की क्लास में बिठा दो वहां, है ना, होम ट्यूशन दिलवा दो, स्पेशल ट्यूशन दिलवा दो, अलग से ट्यूटर ले आओ, वो तब भी नहीं पढ़ेगा. पढ़ने वाला आदमी होना चाहिए. तो इट्स नॉट अबाउट द प्लेटफॉर्म, इट्स नॉट अबाउट ऑनलाइन ऑफलाइन, इट्स अबाउट द माइंडसेट ऑफ द स्टूडेंट. उसको पढ़ना है तो यार वो सारी तैयारी फ्री ऑफ कॉस्ट कर सकता है, फ्री ऑफ कॉस्ट. आपको जो जो चाहिए तैयारी के लिए आई एम प्रोवाइडिंग. यहां पर डिटेल लेक्चर चल रहा है, हर शाम को आपके मॉक टेस्ट हो रहे हैं, और कल तो बेटा मॉक टेस्ट में एक ऐसा ट्विस्ट आने वाला है कल से कि आपको लगेगा ही नहीं कि यार, मतलब यू विल फील कि यार मैम ने फ्री में इतना सब कैसे दे दिया. क्योंकि बेटा मैं जानती हूं जब आपके पेरेंट्स कमाते हैं ना, वो 1 रुपया भी कैसे निकलता है, ठीक है? हो सकता है आपके पेरेंट्स बहुत अच्छा कर रहे हो, इंशाल्लाह बहुत अच्छा कर रहे हो, लेकिन जब आप कमाई करने निकलते हैं तो 1000, 2000, 50000, 1 लाख, 10 लाख कमाना बेटा आसान नहीं है, आसान नहीं है. तो इसी वजह से बेटा अब जो तुम्हारा समय है ना, वो पेरेंट्स को गिव बैक करने का है. अब कुछ नहीं लेना उनसे, कुछ नहीं लेना जब तक नीट नहीं होता, नथिंग. आपने जो आस्क करनी थी ना, जो उधार लेना था अपने मां बाप से, वो ले चुके हो. अब जो आपका समय है वो उनको गिव बैक करने का. आप उन्हें अपना रिजल्ट दिखाइए, यहां से पढ़ के दिखाइए. कल जो सुपर मॉक टेस्ट आपके शुरू होने वाले हैं फ्री ऑफ कॉस्ट, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट,
आप उनसे बेहतर प्रैक्टिस नहीं कर पाएंगे। आपने हमेशा मेरे क्वेश्चंस का लेवल देखा जो मैं 5 बजे फ्री ऑफ कॉस्ट कराती हूं, कल से ये चीज डबल हो जाएगी। कितनी डबल? राज खोल दूं, अभी बता दूं कल क्या है। कल से बेटा एक नहीं दो दो क्लासेस उसमें लगेंगी, एक बॉटनी की होगी, एक जूलॉजी की होगी। जैसे बिल्कुल पेपर आता है ना 50-50 क्वेश्चंस, वैसे ही 50-50 क्वेश्चंस हम करने वाले हैं। अटेम्प्ट आपको 45-45 करने हैं, 45-45 बोलो, वो हम करने वाले हैं। एक नहीं दो, और उतने टाइम में करने वाले हैं, 45 मिनट्स में बेटा, 45 मिनट्स में हम लोग करने वाले हैं, ठीक है। तो आई टोटली अंडरस्टैंड, मुझे पेन होता है यार बहुत, मुझे अंदर से लगता है कि समटाइम्स यू आर मेड टू पे फॉर सच क्वेश्चंस एंड ऑल दैट, बट इन माय क्लास, इन सीप मैम क्लास, आई विल फाइट फॉर यू एवरी टाइम। मुझे बेटा लड़ाई भी करनी पड़े ना ऑर्गेनाइजेशन से, वो भी मैं करती हूँ। अभी आप देखेंगे ये चीज, बट वो चीज मैं आपको लड़ाई करके फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करूंगी, क्योंकि यार सिलेक्शन पैसों से नहीं होता। सिलेक्शन किससे होता है? सिलेक्शन होता है बेटा आपके एटीट्यूड से, आपकी डेडिकेशन से, आपके हार्ड वर्क से। मैं आपको हर वो क्वेश्चन प्रोवाइड करूंगी जो पेपर में आ सकता है बिना किसी अमाउंट के, लेकिन आपको मुझे प्रॉमिस करना पड़ेगा। आपसे बेटा मुझे प्रॉमिस चाहिए कि हाँ मैम हम वो हर क्लास अटेंड करेंगे, तुम्हारा बस मुझे एक घंटा चाहिए, एक नहीं कितने 70 मिनट्स तकरीबन मुझे डेली चाहिए आपके प्रैक्टिस में, बायो में। आपका एक क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा जो आपको लगेगा मैंने नहीं देखा हुआ। ईच एंड एवरी टाइप ऑफ क्वेश्चंस वी आर गोइंग टू डिस्कस। फिर तुम किसी इंस्टीट्यूट के, ऑफलाइन इंस्टीट्यूट के मॉक टेस्ट में बैठ जाना, किसी के मॉक टेस्ट में बैठ जाना, तुम वहां पर रॉक करोगे। आपने कल देखा, कल हमने पेडिग्री एनालिसिस किया, परसों देखा हमने जेनेटिक्स के न्यूमेरिकल किए, किस लेवल के न्यूमेरिकल, हर टाइप के, फैक्टोरियल वाला न्यूमेरिकल, वो जो प्रोबेबिलिटी वाला किया था, कहीं आपने नहीं सुना होगा आज तक, सुना था मेरे से पहले किसी और से सुना था फैक्टोरियल वाले न्यूमेरिकल, कि मेरे को 4 बच्चे चाहिए, क्या प्रोबेबिलिटी है कि 2 लड़के होंगे 2 लड़कियां होंगी, नहीं सुना था, ठीक है। तो परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन तक जैसी चीजें भी बेटा आपको मैं प्रोवाइड कर रही हूं। तो जस्ट आपसे बेटा मुझे एक प्रॉमिस चाहिए कि मैम हम सिलेक्शन के लिए काम करेंगे, आपने अगर हम पे मेहनत की, हम आप पे मेहनत करेंगे, हम मेक श्योर करेंगे कि बायो में हमारा एक क्वेश्चन गलत ना हो, हम मेक श्योर करेंगे हमारी एक क्लास ना खाली जाए, हम मेक श्योर करेंगे हम एक टेस्ट ना लाइव छोड़ दें, करेंगे यस। क्योंकि मुझे बेटा सिर्फ एक चीज चाहिए आपसे, बिना पेमेंट के सिलेक्शन चाहिए, दैट्स इट। बस अब सिलेक्शन ले आओ यार, मेरा जो ये पूरा मेहनत है ना, ये सब मेहनत सफल हो जाएगा, सब कुछ सफल हो जाएगा। और अपने पेरेंट्स को प्राउड फील कराओ यार, जस्ट इमेजिन, कभी भी लगे ना यार हार रहे हैं, अब लग रहा है कि हार चुके हैं, कई बार लगता है कि 100 नंबर आ रहे हैं, 200 नंबर आ रहे हैं, 300 आ रहे हैं, 250 आ रहे हैं, अंदर से फील होता है कि अब शायद जंग हार चुके हैं, है ना। कई बार लगता है कि यार लगातार 200 नंबर आ रहे हैं, 200 में तो कुछ भी नहीं मिलता है, है ना, 150 में तो क्वालिफिकेशन मार्क्स होते हैं 150, 200 में तो कुछ नहीं मिलता है। जब भी लगे अंदर से कि यार अब शायद हार चुके हैं, तब याद रखना जंग का फैसला उसी दिन होता है, जिरह का फैसला उसी दिन होता है जिस दिन बेटा एक्चुअल एग्जाम होगा, एक्चुअल जंग होगी। तो कौन जीता है कौन हारा है, इट इज वेरी सून टू टेल, ठीक है। आप मैदान में उतरो, पूरे कॉन्फिडेंस से उतरो, किसी के चाहे 600 आ रहे हो, आप 200 वाले भी उससे कम नहीं हो। आपने अगर आने वाले 40 दिन कर लिए, बायो को अपनी स्ट्रेंथ बना लिया, क्योंकि यही बायो है बेटा जिसमें तुम 360 आउट ऑफ 360 एक्सपेक्ट कर सकते हो। फिजिक्स केमिस्ट्री में थोड़ा सा ट्रिकी हो जाता है यही काम करना, तो यार क्यों ना बायो को अपनी स्ट्रेंथ बनाए, और 720 में से 360 तो अपने ऐसे मक्खन की तरह पक्के कर लें, बाकी फिर जो समय बचेगा उसको हम देंगे फिजिक्स और केमिस्ट्री में, और कोशिश करेंगे उसमें भी हमारे 160 150 इतने आ रहे हो। क्या इतना कर सकते हैं हम? क्या बायो को अपनी स्ट्रेंथ बना सकते हैं? बिल्कुल बना सकते हैं, यस यस बच्चों। तो वही है, अंदर से जिस दिन लगे कि हार चुके हैं, उस दिन अपने आपको मेरी बातें याद कराना कि जिरह का फैसला तो उसी दिन होगा जिस दिन जंग होगी, ठीक है। और अभी जंग हुई नहीं है, अभी 7 मई आया नहीं है, तो अभी हम नहीं मान सकते हैं कि हम हार गए, हम मानेंगे ही नहीं जब तक बेटा हम एग्जाम में नहीं बैठेंगे। यू नेवर नो, मिराकल्स होते हैं, यू नो चमत्कार होते हैं, लेकिन चमत्कार बेटा सिर्फ उसकी लाइफ में होते हैं जो एक्चुअल में उनके लिए मेहनत करता है। पिछले 2 साल कुछ नहीं किया, कोई बात नहीं, आप आने वाले 40 दिन भी करो, फायदा होगा, कुछ ना कुछ तो जरूर होगा, ठीक है। संघर्ष
संघर्ष बेटा जरूर है आपकी लाइफ में, लेकिन संघर्ष से सफलता जरूर मिलेगी। आज नहीं तो कल होगा, लेकिन बेटा संघर्ष सफल जरूर होगा। ठीक है, तो संघर्ष करिए, ठीक है, करिए उस संघर्ष को। कल से दो स्पेशल क्लासेस के लिए रेडी हो? बता दो एक बारी। कल से बेटा एक बॉटनी की और एक जूलॉजी की, ये अपना चलता रहेगा क्रैश कोर्स, इसको नहीं रोक रही हूं। बट क्या आप दो स्पेशल क्लासेस के लिए बैठने के लिए रेडी है, 40-40 मिनट्स ईच? यस। अगर तुम उस संघर्ष के लिए, स्ट्रगल के लिए रेडी नहीं हो, तो यार फिर जरे का फैसला तो तुमने आज ही कर दिया, हार तो तुमने आज ही मान ली, हार तो तुमने आज ही मान ली। मैं मेक श्योर करूंगी कि हर रोज 100 क्वेश्चन करा के, हर रोज 100 क्वेश्चन करा के, आप पता नहीं कितने हजार क्वेश्चन कर लेंगे। अभी तक मुझे याद भी नहीं है मैंने कितने क्वेश्चंस करा दिए, कितने मॉक टेस्ट हो गए हैं, तो मैं काउंट नहीं कर रही हूं कि 5,000 है, 10,000 है, 5 लाख है, 1 लाख है। मुझे बस चाहिए कि आने वाले 40 दिन तुम ये मेरे साथ 100-100 क्वेश्चन कर लो, एंड वन ऑफ द बेस्ट क्वेश्चन हम निकालने वाले। फिर तुम किसी इंस्टीट्यूट का कोई AIATS कुछ दे देना जाके, AIMT AITS व्हाटएवर इट इज, यू आर गोइंग टू रॉक। बस ये क्लास साथ में दो प्रैक्टिस क्लास, ये क्लास दो प्रैक्टिस क्लास, ओके? यस बच्चों, चलिए टाइम वही रहेगा 5 बजे, एक क्लास 5 बजे और एक क्लास 5:45 पे, 5 and 5:40, 6:30 बजे खत्म। ठीक है, जनरली हम 6 बजे खत्म करते हैं, उसको हम 6:30 बजे खत्म कर देंगे। एक क्लास 5 to 5:40, एक क्लास हो जाएगी 5 to 5:40, दूसरी क्लास हो जाएगी 5:45 to 6:30। दैट्स इट, 6 की जगह 6:30 खत्म कर रहे हैं, और कुछ नहीं कर रहे हैं। लेकिन टू पिन द पॉइंट क्लास होगी, 50-50 क्वेश्चन दोनों के, एंड वी आर गोइंग टू मेक श्योर दैट हम हर टाइप का एक एक क्वेश्चन निकाल दें। ठीक है, चलो बेटा आ जाओ। तो ये बात हो गई न्यूरॉन की, न्यूरॉन के बारे में हमने क्या क्या बातें कर ली है, न्यूरल सिस्टम हो गया है, इलेक्ट्रिकल ट्रांसमिशन हो गई है, एक मिनट रुको इसको मैं बाद में लेकर आती हूँ, ये आ जाओ, बॉडी ये भी हो गया है। टाइप्स ऑफ न्यूरॉन बेटा मैंने आपको बता दी, एग्जाम्पल पूछी जाएगी, एग्जाम्पल पूछी जाएगी। एम्ब्रियोनिक स्टेज में यूनिपोलर, बाइपोलर, आई के रेटिना में मल्टीपोलर मोस्टली आपकी बॉडी में, और स्यूडो यूनिपोलर, डोर्सल रूट गैंग्लियन ऑफ स्पाइनल कॉर्ड, डोर्सल रूट गैंग्लियन ऑफ स्पाइनल कॉर्ड। अभी मैंने आपको ये वाला सारा सिस्टम समझा दिया है, एक्शन पोटेंशियल बेटा पूरा समझा दिया है। ठीक है, यानी कि किस तरीके से मैसेज जाता है, दिस इज डायग्राम ऑफ एनसीईआरटी, ये बेटा एनसीईआरटी का डायग्राम है। ये देखो डीपोलराइजेशन हो रही है, क्या हो रही है, डीपोलराइजेशन हो रही है, और फिर बेटा पहले ये वाला हिस्सा डीपोलराइज था, फिर ये होगा, फिर ये होगा, फिर ये होगा, इस तरीके से मैसेज आगे जाता जाएगा और पीछे वाला हिस्सा रिपोलराइज होता जाएगा। अभी तो हमने बात की थी ट्रांसमिशन ऑफ नर्व इंपल्स विद इन द न्यूरॉन, विद इन द न्यूरॉन किस हिसाब से गया, आपके इलेक्ट्रिकल सिग्नल की फॉर्म में गया, है ना बेटा, विद इन द न्यूरॉन किस फॉर्म में गया, इलेक्ट्रिकल सिग्नल। अब बात करते हैं बेटा गैप की, किसकी बात करते हैं, गैप की। गैप में बेटा ट्रांसमिशन इलेक्ट्रिकल भी हो सकती है और केमिकल भी हो सकती है, यह डिपेंड करता है किस चीज पर, डिपेंड करता है कि कितना गैप है, ये डिपेंड करता है कि गैप का डायमेंशन क्या है। अगर तो यार गैप है लेस देन 2 नैनोमीटर, कितना है, लेस देन 2 नैनोमीटर, बड़ा ही थोड़ा सा गैप है यार, तो यार जो इलेक्ट्रिकल सिग्नल यहां है वो जंप करके यहां आ जाएगा, जो इलेक्ट्रिकल सिग्नल यहां है वो जंप करके यहां आ जाएगा। लेकिन बेटा अगर ये गैप, गैप का नाम है साइनेप्टिक क्लेफ्ट, क्या है गैप का नाम, साइनेप्टिक क्लेफ्ट। लेकिन बेटा अगर ये गैप मोर देन 2 नैनोमीटर है, मतलब बीच में इनके स्पेस ज्यादा है, तो उड़ के नहीं आ सकता यार सिग्नल, तो उस केस में हमें केमिकल की जरूरत पड़ेगी, और उस केमिकल का नाम है न्यूरोट्रांसमीटर। तो यार आपकी बॉडी में इलेक्ट्रिकल वाले साइनाप्सिस भी हैं, केमिकल वाले साइनाप्सिस भी हैं, खुद सोच के देखो कौन सा फास्ट होगा, खुद सोच के देखो कौन सा फास्ट होगा, बताओ। ऑब्वियस ही बात है इलेक्ट्रिकल वाले में गैप बड़ा कम है, फटाफट से मैसेज आ रहा था और वो सेकंड वाले में चला जाएगा, ठीक है, ये थोड़ा फास्ट होगा। केमिकल वाले में थोड़ा मेहनत लगेगी, क्यों, क्योंकि यहां पर अपने को केमिकल निकालना पड़ेगा, एसिटाइल कोलिन, एड्रेनालिन, न्यूरोट्रांसमीटर्स निकालने पड़ेंगे, ठीक है, ये वाला थोड़ा सा स्लो होगा। लेकिन बेटर कौन सा है, बेटर कौन सा है, बेटर बेटा आपका केमिकल वाला है, क्यों, क्योंकि केमिकल वाले में आपके पास चॉइस है कि तुम स्टिमुलेटरी न्यूरोट्रांसमीटर भी रिलीज कर सकते हो और इनहिबिटरी भी कर सकते हो। अगर तुम्हें आगे वाले को स्टिमुलेट करना है तो स्टिमुलेटरी, अगर तुम्हें इनहिबिट करना है तो इनहिबिटरी, तो ये थोड़ा सा बेनिफिशियल है, बॉडी में आपके दोनों है, दोनों है। तो अब यार बात करते हैं केमिकल वाले में, केमिकल में किस तरीके से होता है, ठीक है, किस तरीके से होता है कर ले। चलो मान लो बेटा ये न्यूरॉन है ऊपर वाला, ये उसका साइनाप्टिक नॉब है, साइनाप्टिक नॉब है,
इस साइनेप्टिक नॉब के अंदर ये क्या है, साइनेप्टिक वेसिकल है, क्या है, साइनेप्टिक वेसिकल है, ठीक है। और इसके सामने बेटा ये दूसरा न्यूरॉन है, जिसके ऊपर क्या प्रेजेंट है, जिसके ऊपर प्रेजेंट है रिसेप्टर्स, न्यूरोट्रांसमीटर के रिसेप्टर। और ये न्यूरोट्रांसमीटर बैठा किसके अंदर है बेटा, ये न्यूरोट्रांसमीटर बैठा इसके अंदर, दिस इज न्यूरोट्रांसमीटर, ये जो हरे रंग का दिख रहा है ना, निसल ग्रैन्यूल ने बनाया है ये न्यूरोट्रांसमीटर। जब भी बेटा मैसेज आएगा, ऊपर से मैसेज आएगा, सबसे पहले क्या होगा, सबसे पहले क्या होगा, बाहर से कैल्शियम आयन अंदर की तरफ आएंगे, बाहर जो स्पेस है सेल के बाहर उसमें से बेटा कैल्शियम आयन अंदर आएंगे। जैसे कैल्शियम आयन अंदर आएंगे, ये जो अपना साइनेप्टिक नॉब है, साइनेप्टिक वेसिकल है, ये इसके पास आ जाएगा, किसके पास आ जाएगा, मेम्ब्रेन के पास आ जाएगा और फ्यूज कर जाएगा। मेम्ब्रेन के पास आकर क्या हो जाएगा, फ्यूज कर जाएगा। जैसे बेटा ये मेम्ब्रेन से आकर फ्यूज कर गया, जैसे ये मेम्ब्रेन से आके फ्यूज कर गया, इसमें से सारा न्यूरोट्रांसमीटर निकल गया, ये न्यूरोट्रांसमीटर निकल के अपने रिसेप्टर पे जाएगा। अब जैसा न्यूरोट्रांसमीटर होगा वैसा ही अगले वाले न्यूरॉन में मैसेज चला जाएगा। अगर स्टिमुलेटरी है तो आगे डीपोलराइजेशन हो जाएगी, अगर इनहिबिटरी है तो आगे रीपोलराइजेशन हो जाएगी, ठीक है। अब इस ऊपर वाले न्यूरॉन को हम लोग क्या बोलते हैं, इस ऊपर वाले न्यूरॉन को बोलते हैं प्रीसाइनाप्टिक न्यूरॉन, प्रीसाइनाप्टिक न्यूरॉन। ये जो बीच का जंक्शन है इसको बोलते हैं साइनाप्स, और ये जो नीचे वाला न्यूरॉन है इसको बोलते हैं पोस्ट साइनाप्टिक न्यूरॉन। क्या बोलोगे, पोस्ट साइनाप्टिक न्यूरॉन, ठीक है। ये कौन है भैया, मंथन विचारों का बेटा, मिस्टर वी, आप अब चैनल से होने वाले हो परमानेंटली हाइड, ठीक है, कभी दिखोगे ही नहीं, गायब हो चुके हो बाप, ठीक है। हाँ, बड़ा शौक आ रहा था वी 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 लिखने का, ठीक है, वी तो वी है, हम है वी, ठीक है। प्रीसाइनाप्टिक, बीच का जंक्शन साइनाप्स, और ये हो जाएगा आपका पोस्ट साइनाप्टिक न्यूरॉन। इस मेम्ब्रेन को क्या बोलेंगे, प्रीसाइनाप्टिक मेम्ब्रेन, इस मेम्ब्रेन को क्या बोलेंगे, पोस्ट साइनाप्टिक मेम्ब्रेन। क्या हुआ, कैल्शियम आयन अंदर आए, ये वेसिकल जाके फ्यूज किया मेम्ब्रेन से, सारा माल मसाला बाहर आ गया, ठीक है, सारा का सारा माल मसाला बाहर आ गया है, ओके, यस। चलिए, अब आपके पास दो तरीके के न्यूरोट्रांसमीटर हो सकते हैं, या तो आपके पास एक्साइटेटरी न्यूरोट्रांसमीटर होंगे, फायदा तो यही है ना, एक्साइटेटरी न्यूरोट्रांसमीटर, या फिर बेटा आपके पास इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर हो सकते हैं, इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर हो सकते हैं, ठीक है। एक्साइटेटरी की एग्जाम्पल क्या है, एपिनेफ्रिन, एपिनेफ्रिन बेटा एक हार्मोन भी है और एक न्यूरोट्रांसमीटर भी है, इसका भाई नॉरएपिनेफ्रिन, एपिनेफ्रिन नॉरएपिनेफ्रिन और एसिटाइल कोलिन और ग्लूटामेट, ये सब क्या है, एक्साइटेटरी हैं। इनहिबिटरी में कौन आ जाएगा, डोपामीन, क्या आ जाएगा, डोपामीन, सेरोटोनिन, सेरोटोनिन और गाबा, गामा अमीनो ब्यूटायरिक एसिड, गाबा, गाबा, गामा अमीनो ब्यूटायरिक एसिड, ठीक है बच्चों। तो ये हो गया आपका इलेक्ट्रिकल ट्रांसमिशन ऑफ नर्व इंपल्स, ठीक है। विद दिस वी आर डन विद द फर्स्ट पार्ट ऑफ द चैप्टर। ये बेटा आपका एनसीईआरटी का डायग्राम है, वही है, कैल्शियम आयन अंदर आ रहे हैं, इसके साथ फ्यूज कर रहा है, न्यूरोट्रांसमीटर निकल रहे हैं, अपने रिसेप्टर से जुड़ रहे हैं। दो तरीके के साइनाप्सिस बताए, बॉडी में इलेक्ट्रिकल साइनाप्स है अगर बेटा गैप क्या है, कम है, 2 नैनोमीटर से कम है, अगर गैप 2 नैनोमीटर से ज्यादा है तो यार केमिकल साइनाप्स है, ये थोड़ा सा तेजी से हो जाएगा, ठीक है, बहुत आसानी से गैप जंक्शन की मदद से हो जाएगा, किसकी मदद से, गैप जंक्शन की मदद से हो जाएगा। लेकिन बेटा यहां पर अपने को स्पेसिफिक रिसेप्टर चाहिए होते हैं केमिकल साइनाप्स में, और तो बेटा नेक्स्ट आपके न्यूरॉन में जाता है। ये फास्ट है, ये हमारे सिस्टम में है लेकिन रेयर है, ये बेटा थोड़ा स्लो है लेकिन इसमें बेनिफिट है कि तुम एक्साइटेशन भी करा सकते हो, मन आया तो इनहिबिशन भी करा सकते हो। चलो बेटा शुरू है, यस बेटा, लिंकट्री नोट्स आर एम्प्टी, ये कौन है बेटा, मिस बेगम, मुझे लग रहा है आपके आपके में एम्प्टी होंगे, मैं यहां पर खोल के दिखा दूंगी ना तो आप लोग हैरान हो जाएंगे, यार किसको लग रहा है कि लिंकट्री नोट्स आर एम्प्टी, क्या मुझे अब खोल के दिखाना पड़ेगा, यहां डू आई नीड टू प्रूव इट, अगर ऐसा हो गया, ये देखो ये बेटा अल्तफ, क्या नाम था बच्ची का, क्या नाम था बच्ची का, पता नहीं क्या नाम था बच्ची का, हाँ जो मिस बेगम डैश बेगम, बेटा ये लिंकट्री से ही खोले हैं मैंने, कौन कह रहा है कि लिंकट्री के नोट्स एम्प्टी हैं, कोई नोट्स एम्प्टी नहीं है, एक एक चीज लिखी हुई है बेटा, आपका इंटरनेट स्लो है,
ठीक है, मैं कोई भी यहां पे खोलूंगी ना, इफ आई ओपन एनीथिंग, कुछ भी यहां पर खोलू कुछ भी एम्प्टी नहीं मिलेगा तुमको, ठीक है, कुछ भी एम्प्टी नहीं मिलेगा। ये देखो हो रहा है, लोड होने में बेटा समय लगता है, ये देखो लोड होने में समय लिया मेरे इंटरनेट ने, फिर ये देखो एवरी हैंड रिटन नोट इज देयर। ठीक है, तो मिस बेगम आपका इंटरनेट थोड़ा स्लो चल रहा है, बाकी और कोई दिक्कत नहीं है, मेरी साइड से कोई दिक्कत नहीं है, आप मेरे पे ना वो मत आया करो, थोड़ी थोड़ी देर में आ जाएंगे, मैम ये नहीं मिल रहा, मैम ये नहीं मिल रहा, अब क्लिक नहीं हो रहा, अब ओटीपी नहीं आ रहा, नोट्स में कुछ दिखाई नहीं दे रहा, अब मैम खाना नहीं खाया जा रहा, खाना खा लिया अब मैम इजेशन नहीं हो पा रही है, ठीक है इसमें भी मदद कर दो हमारी, ठीक है पेपर भी हमारे लिए दे आओ। तो हर चीज बेटा आप ऐसे ब्लेम गेम मत खेला करो, ठीक है, पहले अच्छे से चेक करा करो, पहले अच्छे से चेक किया करो, फिर बेटा मेरे पास आया करो। आपको कम से कम 10 बारी चेक करनी चाहिए चीजें, 10 बारी चेक करोगे तब मेरे पास आओ, ऐसे तो बेटा क्राइम है मेरे पास आना, इतनी भरी क्लास में हमें बोल रहे नोट्स नहीं खुल रहे और मैंने अप्रूव कर दिया। ठीक है बेटा, आप मल्टीपल टाइम्स चेक किया करो बिफोर सेइंग एनीथिंग टू मी, ठीक है, क्योंकि एनर्जी वेस्ट होती है ना पूरी क्लास की, पूरी क्लास का टाइम वेस्ट हुआ, हमने वो नोट्स खोल के दिखाए तो इट्स जस्ट वेस्टेड ऑफ टाइम। चलो, तो दो तरीके का नर्वस सिस्टम है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। सेंट्रल नर्वस सिस्टम में दो चीजें आती हैं, एक तो आता है तुम्हारा दिमाग जो मुझे कम लग रहा है, और स्पाइनल कॉर्ड, ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में बाकी का सामान, पेरिफेरी सेंटर में तुम्हारे ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड है, बाकी बेटा जितने भी नर्व्स वर्व्स है ना वो सब पेरिफेरल है। तो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में तुम्हारे पास आ जाएंगी नर्व्स, ठीक है, क्या आ जाएंगी, नर्व्स आ जाएंगी। अब यार अगर नर्व्स की बात करें, नर्व्स की बात करें तो कुछ नर्व्स आपके ब्रेन से निकलती हैं, कहां से निकलती है, ब्रेन से निकलती है, उनको हम लोग बोलेंगे क्रेनियल नर्व्स। पहले के समय में बेटा क्रेनियल नर्व्स याद भी कराते थे, क्रेनियल नर्व्स। कुछ नर्व्स आपके स्पाइनल कॉर्ड से निकलते हैं, उनको बोलते हैं स्पाइनल नर्व्स, क्या बोलते हैं, स्पाइनल नर्व्स। और बेटा ये पेरिफेरल नर्वस सिस्टम दो हिस्सों में डिवाइडेड है, एक का नाम है सोमैटिक नर्वस सिस्टम, सोमैटिक नर्वस सिस्टम, नर्वस सिस्टम को मैं एनएस लिख रही हूं, एक है ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। देखो जो सोमैटिक नर्वस सिस्टम है वो मैसेज लेकर जाएगा फ्रॉम सीएनएस टू वॉलंटरी ऑर्गन, कहां पर, सीएनएस टू वॉलंटरी ऑर्गन। अगर आपको मैसेज ब्रेन स्पाइनल कॉर्ड से किसी वॉलंटरी ऑर्गन जैसे मेरे हाथ पांव इन तक भेजना है तो सोमैटिक का मदद लोगे। ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम मैसेज लेकर जाएगा फ्रॉम सीएनएस टू इनवॉलंटरी ऑर्गन्स प्लस ग्लैंड्स, ग्लैंड्स भी तो इनवॉलंटरी हो गए, ठीक है, इन तक मैसेज लेकर जाना है। अब ये जो ऑटोनॉमिक है ये आगे डिवाइडेड है दो हिस्सों में, किसमें, सिंपथेटिक एंड पैरासिंपथेटिक, सिंपथेटिक एंड पैरासिंपथेटिक, ठीक है। ये सिंपथेटिक तुम्हारे साथ सिंपथी दिखाता है जब तुम बहुत मुसीबत में होते हो, मुसीबतें कब आती हैं तुम पे, मुसीबत तब आएगी जब तुम्हारे पीछे चीता दौड़ रहा होगा, जब तुम्हारे पीछे कोई डॉग पड़ जाएगा, जब तुम्हारे पीछे तुमसे पैसे, जिससे तुमने पैसे उधार लिए थे ना, जिस गुंडे से, वो गुंडा डंडा लेके और हॉकी लेके तुम्हारे पीछे दौड़ेगा। या फिर असली मुसीबत तब आएगी जब तुम्हारा फोन अनलॉक्ड फॉर्म में मम्मी के हाथ लग जाएगा, ठीक है। तो जब जब मुसीबत आएगी बॉडी को सिंपथी दिखाने के लिए कौन आएगा, सिंपथेटिक नर्वस सिस्टम। मुसीबत कब आती है, इमरजेंसी। पता थोड़ा था कि पीछे शेर आ जाएगा, पता थोड़ा था कि पीछे चीता दौड़ रहा है, पता थोड़ा था कि फोन अनलॉक्ड फॉर्म में मम्मी के हाथ में जा चुका है। तो जब भी इमरजेंसी सिचुएशन होगी सिंपथी दिखाने के लिए, तुमसे संतावना दिखाने के लिए सिंपथेटिक आएगा, जो तुम्हारा हार्ट रेट इंक्रीज करेगा, ब्रीदिंग रेट इंक्रीज करेगा, तुम्हारे ग्लूकोज का लेवल बढ़ाएगा, ठीक है, ये सारे काम करेगा, सिंपथी दिखा रहा है तुम्हारा। पैरासिंपथेटिक बेटा उल्टा है, ठीक है, ये है रेस्ट एंड डाइजेस्ट। रेस्ट एंड डाइजेस्ट मतलब जब इमरजेंसी नहीं है, नॉर्मल कंडीशन है, तो उस समय डाइजेस्टिव सिस्टम पे सारी एनर्जी चली जाएगी, भैया खाना डाइजेस्ट कर लो, ठीक है। तो पैरासिंपथेटिक रेस्ट एंड डाइजेस्ट है, ये हार्ट रेट को नॉर्मल करेगा, बढ़ाएगा नहीं, कम भी नहीं करेगा, ये क्या करेगा, हार्ट रेट को नॉर्मल करेगा, ठीक है, ब्रीदिंग रेट को भी क्या करेगा, नॉर्मल करेगा, कम नहीं बोलेगा। नो वन विल से कि पैरासिंपथेटिक डिक्रीज करते हैं, एवरीवन विल से वो हाई से नॉर्मल पर लेकर आते हैं, ठीक है। नहीं बेटा मिशकत, साइनाप्टिक क्लेफ्ट और साइनाप्स सेम नहीं है, क्लेफ्ट गैप का नाम है कि कितना गैप है, नैनोमीटर में तुम्हें बताना रहेगा, 1 नैनोमीटर, 2, 3। साइनाप्स इज द नेम ऑफ जंक्शन, जंक्शन मतलब पूरी जगह का नाम है साइनाप्स, ठीक है। क्लेफ्ट इज द नेम ऑफ डिस्टेंस, गैप कितना है, साइनाप्स इज द जंक्शन, ओके। चलिए डन हो गया,
डन हो गया। सो ये बात हो गई आपके नर्वस सिस्टम की। नर्वस सिस्टम की टाइप्स बेटा मैं आपको यहां पर दिखा देती हूँ, ये देख लीजिए। हाँ, नर्वस सिस्टम की बेटा शुरुआती किस फाइलम में हुई थी? हाइड्रा में हुई थी। हाइड्रा में सिर्फ एक नेटवर्क ऑफ न्यूरॉन था और कुछ नहीं था बेटा, इसके पास जंजाल था न्यूरॉन का। फिर इंसेक्ट में आए, इंसेक्ट में ब्रेन आया, गैंग्लिया आया, न्यूरल टिश्यू आए, फिर बेटा हमारे में तो प्रॉपर डेवलप्ड नर्वस सिस्टम बनने लग गया। हम सारी एक्टिविटीज हमारी लंग्स की, हार्ट की, किडनी की, ये सब कंट्रोल्ड क्यों है? ये सब बेटा आपके नर्वस सिस्टम की वजह से ही है। अगर यार नर्वस सिस्टम को देखे, जैसे मैंने बताया सीएनएस और पीएनएस, सीएनएस में ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड आ जाएंगे, पीएनएस में एसएनएस जो वॉलंटरी ऑर्गन तक लेके जाएगा मैसेज, और यहां पर एएनएस आ जाएगा। एएनएस इज फर्दर डिवाइडेड इनटू सिंपैथेटिक एंड पैरासिंपैथेटिक। सबसे पहला बेटा शुरू करने वाली हूं, दैट इज गोइंग टू ब्रेन। आर यू रेडी टू स्टडी द ब्रेन? किसको ब्रेन औखा लगता है, डिफिकल्ट लगता है? आज के बाद बेटा तुम्हें ब्रेन जो है वो कतई डिफिकल्ट नहीं लगेगा, क्योंकि तुम्हारी खोपड़ी शुरू से खोल कर दिखा दूंगी मैं यहां पर, ठीक है? टॉकिंग अबाउट ब्रेन, ठीक है, टॉकिंग अबाउट ब्रेन कहां गया? चलो अभी नहीं दिख रहा, रुक जाओ। टॉकिंग अबाउट ब्रेन बेटा, मान लो ब्रेन ये है, मान लेते हैं ये है, मानना है बेटा तुम्हें, क्या करना है? मानना है ये है अपना ब्रेन। ब्रेन अब इतना इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है, इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है, तो ब्रेन को क्या करना पड़ता है? प्रोटेक्ट करना पड़ता है। क्या करना पड़ता है? प्रोटेक्ट करना पड़ता है। तो प्रोटेक्शन बेटा इसकी तीन चीजों से होती है। किस कितनी? तीन चीजों से। सबसे पहली चीज जो इसको प्रोटेक्ट करती है वो है इसका बोनी बॉक्स। क्या है बेटा? बोनी बॉक्स। ये कल पढ़ा था ना, फ्रंटल, पेराइटल, ऑक्सीपिटल, ये बोनी बॉक्स। इस बोनी बॉक्स को हम क्या बोलते हैं? क्रेनियम बोलते हैं। समझो, इस बोनी बॉक्स को क्या बोलते हैं? क्रेनियम बोलते हैं। कितनी बोन्स थी? कितनी बोन्स थी? आठ, दो पेयर्ड, रेस्ट अनपेयर्ड, फ्रंटल, दो पेराइटल, दो टेम्पोरल, एक ऑक्सीपिटल, अंदर की साइड पे बटरफ्लाई शेप्ड स्फेनॉइड और एक एथमॉइड, ठीक है? क्रेनियम प्रोटेक्ट कर रहा है। ये अपना एक तरीके से नेचुरल हेलमेट है। क्या है बेटा? नेचुरल हेलमेट है। अब ब्रेन और क्रेनियम के बीच में क्या आती है? मेनिंजेस आती है। क्या आती है? मेनिंजेस आती है। तीन तरीके की मेनिंज आएगी। सबसे बाहर वाली जो मेनिंज है, सबसे बाहर वाली, ये द आउटर मोस्ट मेनिंज इज गोइंग टू बी ड्यूरा मेटर। टफ मेनिंज है। क्या नाम है? ड्यूरा मेटर, ठीक है। देन आती है बीच में बेटा, एक जंजाल की तरह प्रेजेंट होती है। किसकी तरह प्रेजेंट होती है? जाले की तरह। ये मैं जाला बना देती हूं, जैसे मकड़ी का जाला होता है ना, उस तरीके से प्रेजेंट होगी। इसका नाम है अरेकनॉइड। मिडल वन इज अरेकनॉइड, ठीक है। और इसके अंदर, सबसे अंदर, बड़ी सॉफ्ट सी मेनिंज होती है जो ब्रेन को डायरेक्टली टच कर रही है। देखो, टच कर रही है ब्रेन को। दिस इज कॉल्ड एज पिया मेटर। पिया मेटर। तो यार सबसे बाहर आउटर मोस्ट एंड दिस वन इज द इनर मोस्ट। अगर तुमसे कोई पूछे कौन सा मेनिंज ब्रेन को टच करता है, तो तुम बोलोगे द मेनिंज विच टचेस द ब्रेन, दैट इज पाया मेटर। अगर तो कोई तुमसे पूछे बाहर से अंदर तक का अरेंजमेंट दिखाओ, तुम बोलोगे ड्यूरा मेटर, अरेकनॉइड, पाया मेटर। कैसे याद रखोगे? डी ए पी। एक मिनट, कैसे याद रखोगे? डी ए पी, डैप। बाहर से अंदर आए तो डैप, अंदर से बाहर गए तो पैड, ठीक है, डैप और पैड, ठीक है। अब यार ध्यान देना, जो स्पेस अरेकनॉइड और पाया मेटर के बीच में है, ये स्पेस, ठीक है, स्पेस में मैं व्हाइट कलर कर रही हूं, जो स्पेस अरेकनॉइड और पाया मैटर के बीच में है, इस स्पेस को हम लोग बोलते हैं सब अरेकनॉइड स्पेस। क्या बोलोगे बेटा इस स्पेस को? इस स्पेस को बोलोगे सब अरेकनॉइड स्पेस। अब ये स्पेस बेटा खाली नहीं है, इस स्पेस में भरा हुआ है कुछ। क्या भरा हुआ है? एक फ्लूइड भरा हुआ है जिसका नाम है CSF। CSF, दिस इज सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड। सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड क्या काम करता है बेटा? ये CSF, ये CSF काम करता है, किस काम आता है? ये आपके ब्रेन को बायंसी प्रोवाइड करेगा, शॉक से बचाएगा, ब्रेन को हल्का करेगा। क्या करेगा? हल्का करेगा, शॉक एब्जॉर्बर का काम करता है। ये क्या है? ब्रेन के लिए शॉक एब्जॉर्बर है। तो यार इन तीन तरीकों से, इन तीन तरीकों से हम लोग ब्रेन को प्रोटेक्ट करते हैं। कौन से तीन तरीके बताए? क्रेनियम, बोनी बॉक्स, फिर अंदर मैनेंजेस, डीएपी या पीएडी। बाहर से अंदर डीएपी, अंदर से बाहर पीएडी। फिर अरेकनॉइड और पाया मेटर के बीच में प्रेजेंट है, क्या प्रेजेंट है? यस, इट इज प्रेजेंट, दैट इज
CSF, ठीक है. कौन सा मैलेंज डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में? पाया मैटर डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में. कौन सा मैलेंज टफ है? टफ वाला, बार वाला होगा. ये ड्यूरा मैटर टफ है. कौन सा जाले की तरह, मकड़ी के जाले की तरह? अरेकनॉइड. कौन सा है? अरेकनॉइड. सो विद दिस वी आर डन विद द प्रोटेक्शन ऑफ ब्रेन. अब जरा ब्रेन के बारे में बात कर लेते हैं. कर लें बात, चलो कर लेते हैं. यस. ब्रेन बेटा आपका तीन हिस्सों में डिवाइडेड है. फोर ब्रेन, मिड ब्रेन, हाइंड ब्रेन. बेटा अगले 20 मिनट में ब्रेन हो जाएगा, ये मैं बता रही हूं. नेक्स्ट 20 मिनट्स ब्रेन वुड बी डन. लेकिन अगर तुमने ये 20 मिनट्स इधर उधर देखा, इधर उधर कहीं और झक मारी, ठीक है, चैट में इधर उधर बात करी, दैट इज गोइंग टू बी द वेस्टेज ऑफ योर ब्रेन. बेटा मैं आपको बता रही हूं, आपका ब्रेन अगर आप मंडी में बेचने जाए ना, सबसे महंगा बिकेगा. क्यों? अब आप कहेंगे मैम मंडी में बेच लेते हैं, सही रहेगा ब्रेन को, है ना. जैसे सब्जी मंडी नहीं होती, वैसे ब्रेन मंडी में होती है. आप मंडी में ब्रेन को बेचने जाएंगे तो सबसे महंगा बिकेगा. पता क्यों महंगा बिकेगा आपका ब्रेन? क्योंकि बेटा खाली है, अनयूज्ड है, फर्स्ट हैंड है ना. बड़ी भैया अनयूज्ड चीज को तो अच्छे भाव मिलते हैं. जो चीज खाली होती है, यूज नहीं होती है, उसके भाव बहुत बढ़िया होते हैं मंडी में, तो काफी महंगा बिकेगा बेटा. आप अगर इसको अगले 10 मिनट नहीं सुनेंगे तो आप इसको मंडी में जाके बेच देना, क्योंकि आप यूज ही नहीं कर रहे. यूज नहीं कर रहे तो ठीक है ना. लेकिन अगर यूज कर लिया तो बेटा सेकेंड हैंड हो जाएगा ब्रेन. अभी फर्स्ट हैंड है, ठीक है, अभी क्या है, फर्स्ट हैंड है. तो ब्रेन के बेटा तीन हिस्से हैं. पहला फोर ब्रेन, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन एंड हाइंड ब्रेन, ठीक है. जो अपना फोर ब्रेन है, दैट इज एक्चुअली डेवलप्ड फ्रॉम प्रोजेंसेफेलॉन पार्ट ऑफ एम्ब्रियोनिक ब्रेन. जब एम्ब्रियो में देखते हैं तो प्रोजेंसेफेलॉन से बनता है ये, मेसेंसेफेलॉन से बनता है. सेफेलिक टर्म इज ऑलवेज रिलेटेड टू ब्रेन, ठीक है. ये रोम्बेंसेफेलॉन, रोम्बेंसेफेलॉन से बनता है. फोर ब्रेन में तीन हिस्से आते हैं. सबसे पहले बेटा फोर ब्रेन में आता है ब्रेन का लार्जेस्ट पार्ट, दैट इज कॉल्ड एज सेरिब्रम. क्या नाम है बेटा? सेरिब्रम. ये सबसे बड़ा हिस्सा है, लार्जेस्ट पार्ट. देन बेटा फोर ब्रेन में आता है डायनसेफेलॉन. डायनसेफेलॉन फर्दर डिवाइडेड है, तीन हिस्सों में. कौन से हिस्से हैं? एपिथैलेमस, देन आ जाएगा थैलेमस एंड देन आ जाएगा हाइपोथैलेमस. पता है आपको हाइपोथैलेमस इसका पार्ट है. ओके, नेक्स्ट आपका आ जाएगा ऑल्फैक्टरी लोब्स. ये तीन हिस्से हैं आपके फोर ब्रेन के. किसके? फोर ब्रेन के. चलो मिड ब्रेन पे आ जाओ. मिड ब्रेन के बेटा दो हिस्से हैं, कॉर्पोरा क्वाड्रीजेमिना. क्वाड का क्या मतलब होता है? कॉर्पोरा क्वाड्रीजेमिना, ठीक है, दैट इज क्रूरा सेरिब्राइ. नेक्स्ट आ जाइए इधर हाइंड ब्रेन पे, सेरिबेलम. सेरिबेलम जो है वो सेकेंड लार्जेस्ट पार्ट है ब्रेन का, ठीक है, सेकेंड लार्जेस्ट पार्ट. पॉन्स, देन मेड्यूला. ये जो मेड्यूला है, मेड्यूला आखिरी हिस्सा है ब्रेन का, एंड इसी आखिरी हिस्से से क्या स्टार्ट हो जाती है? स्पाइनल कॉर्ड. अब मुझे उस छेद का नाम बताओ जिसमें से स्पाइनल कॉर्ड निकलती है. कल बताया था ऑक्सीपिटल बोन में एक छेद है जिसमें से स्पाइनल कॉर्ड निकलती है. कैन यू प्लीज टेल मी द नेम ऑफ दैट ओपनिंग अपर्चर? यस, बताओ बताओ, कल बताया था, मैं नहीं बताऊंगी. नन नन न, आई विल नॉट टेल. एक एपर्चर का नाम बताया था, कह रहे हैं एटलस. खड़े हो जाओ जिसने बोला एटलस, खड़े हो जाइए, और पूरी क्लास में अभी अगला एक घंटा खड़े रहेंगे आप. यस, दैट इज कॉल्ड एज, वेरी गुड, फोरमेन मैग्नम. जो एपर्चर है फोरमेन मैग्नम है. उस फोरमेन मैग्नम में मान लो ऊपर मेड्यूला है, मेड्यूला से यहां से स्पाइनल कॉर्ड निकल के आ रही है. तो ब्रेन के कौन से हिस्से से स्पाइनल कॉर्ड एक्सटेंडेड है? दैट इज कॉल्ड एज मेड्यूला ऑब्लोंगेटा. अब मान लीजिए आपका जो ब्रेन है वो एक वृक्ष है. क्या है? ब्रेन वृक्ष है. तो यार ये लो वृक्ष, ठीक है, वृक्ष की कोई ना कोई टहनी तो होती है ना, कोई ना कोई टहनी होती है. उस टहनी को हम लोग बोलते हैं स्टेम. स्टेम होता है. अब इस स्टेम में तीन ऑर्गन्स ब्रेन के ना लाइन में आते हैं. सबसे यहां पर आता है मिड ब्रेन. क्या आता है? मिड ब्रेन. थोड़ा सा और नीचे भी डायग्राम बनाऊंगी तो और क्लियर होगा. यहां पर आता है पॉन्स, फिर आता है मेड्यूला, और फिर उसके बाद स्पाइनल कॉर्ड. यानी कि अगर ब्रेन आपका ये वृक्ष है तो उसकी स्टेम पता है कौन बना रहा है? मिड ब्रेन, पॉन्स एंड मेड्यूला. इस स्टेम को हम लोग बोलते हैं ब्रेन स्टेम. क्या बोलते हैं बेटा इसको? ब्रेन स्टेम बोलते हैं. तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रॉम एग्जामिनर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू कि ब्रेन स्टेम कौन कौन बनाता है. आप बोलेंगे मिड ब्रेन बना रहा है, फिर उसके नीचे कौन आता है? पॉन्स, ये मैं बना के भी दिखा दूंगी अभी, और कौन आता है? मेड्यूला. याद हो गया?
याद हो गया ब्रेन स्टेम कौन कौन बना रहा है। चलो अब चलते हैं बेटा सेरिब्रम द लार्जेस्ट पार्ट पे। किस पे चलते हैं? सेरिब्रम। ठीक है, सेरिब्रम इज द लार्जेस्ट पार्ट। एक्चुअली बेटा सेरिब्रम दो हिस्सों में डिवाइडेड है, लेफ्ट एंड राइट हेमिस्फीयर। लेफ्ट हेमिस्फीयर ये आपका ये वाला हिस्सा, टच करो सब बच्चे, लेफ्ट हेमिस्फीयर और राइट हेमिस्फीयर। लेफ्ट हेमिस्फीयर एंड राइट हेमिस्फीयर में डिवाइडेड है। अब यार ये दोनों हेमिस्फीयर आपस में जुड़े हुए हैं, आपको पता है आपस में जुड़े हुए हैं। मान लो बेटा ऐसे बना देते हैं, जस्ट अ सेकेंड, लेट मी ड्रॉ इट। ठीक है, ये देखिए ये आपका सेरिब्रम है, ये एक लेफ्ट हेमिस्फीयर और एक राइट हेमिस्फीयर। देख रहे हो, लेफ्ट हेमिस्फीयर राइट हेमिस्फीयर। ये जो लेफ्ट और राइट हेमिस्फीयर हैं आपस में बेटा जी जुड़े हुए हैं। ये देखो मैंने जोड़ दिया, कैसे जोड़ा ये क्वेश्चन आता है। दे आर जॉइंड बाय कॉर्पस कैलोसम। कॉर्पस कैलोसम, ये जो कॉर्पस कैलोसम है ये बेटा एक्चुअल में दोनों हेमिस्फीयर को जोड़ने वाला ट्रैक्ट ऑफ नर्व फाइबर है। नर्व फाइबर से ही बनता है, क्या है? कॉर्पस कैलोसम है। ये जो पूरा का पूरा सेरिब्रम है इट इज एक्चुअली सराउंडेड बाय कॉर्टेक्स रीजन, सराउंडेड बाय सेरिब्रल कॉर्टेक्स। क्या है? सेरिब्रल कॉर्टेक्स से बेटा जी ये सराउंडेड है। ठीक है, जिसमें जो आउटर वाला हिस्सा है, बाहर वाला हिस्सा है, उसको हम लोग बोलते हैं ग्रे मैटर, ग्रे मैटर। एंड बेटा जी जो अंदर वाला हिस्सा है, इनर पार्ट है बच्चों, क्या बोलोगे? व्हाइट मैटर। व्हाइट वाला व्हाइट क्यों है? क्योंकि इसमें माइलिनेटेड रीजन आता है, माइलिनेटेड पार्ट आएगा। ग्रे वाला ग्रे क्यों है? क्योंकि अनमाइलिनेटेड पार्ट है। अनमाइलिनेटेड में आपकी सेल बॉडी है, एक्सॉन टर्मिनल है, अनमाइलिनेटेड इसमें पार्ट है। ठीक है, ये जो पूरी की पूरी सेरिब्रल कॉर्टेक्स है ये कितनी लेयर से बनी हुई है? आप बोलेंगे ये पूरी की पूरी सेरिब्रल कॉर्टेक्स 6 लेयर्ड कॉर्टेक्स है। कितनी लेयर्ड है? 6 लेयर्ड कॉर्टेक्स है। अब यार इसका जो सेरिब्रल कॉर्टेक्स है वो एक्चुअली में डिवाइडेड है, कैसे? मतलब इट इज प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ कॉन्वल्जंस, इस तरीके से बेटा, कॉन्वल्जन की फॉर्म में प्रेजेंट है। तो बना के दिखाओ ऐसे, ये पहाड़ ये खाई, ये पहाड़ ये खाई, ये पहाड़ ये खाई, मतलब सीधा नहीं है। सरफेस एरिया बढ़ाने के लिए बेटा क्या प्रेजेंट है यहां पर? कॉन्वल्जंस प्रेजेंट है। ये जो ऊपर की तरफ जा रहा है, ऊपर पहाड़ है, इस पहाड़ को हम लोग बोलते हैं जायराए। क्या बोलते हैं? जायराए, सिंगल जायरस। ये जो नीचे आ रहा है इसको बोलते हैं सल्काए। क्या बोलते हैं? सल्कस और सल्काए। ठीक है, सल्कस और सल्काए, फिशर भी होता है इसका, वन ऑफ द टाइप, अगर लंबा हो जाए काफी ज्यादा। जैसे ये फिशर है, ये लॉन्गिट्यूडनल फिशर है। यस बेटा, क्लियर हो गया सेरिब्रम? सेरिब्रम क्लियर हो गया? ओके, जॉइंड बाय कॉर्पस कैलोसम, बाहर वाला मैटर ग्रे मैटर, अंदर वाला व्हाइट मैटर। ग्रे ग्रे इसीलिए क्योंकि वहां पर साइटॉन है, एक्सॉन टर्मिनल है। व्हाइट व्हाइट इसीलिए क्योंकि वहां पर माइलिनेटेड एक्सॉन प्रस्तुत है। और बेटा अपना ये जो सेरिब्रम है इस तरीके से पहाड़ जा रहा है सल्काए की फॉर्म में प्रेजेंट है। ब्रेन इज एक्ट, सेरिब्रम इज एक्चुअली द साइट ऑफ इंटेलिजेंस। आप कितने इंटेलिजेंट है? क्या हो गया, आवाज नहीं आ रही? आवाज आ रही है? चेक करो, आवाज आ रही है बताना। यस, यस बेटा शुरू करें। हाँ जी, अब आवाज आ रही है? आवाज आ रही है, ठीक आ रही है, चलो बढ़िया। तो ये बात हो गई आपकी सेरिब्रम की, तो मैं फटाफट से यहां से पढ़ देती हूँ कि क्या क्या कंट्रोल करता है। तो ब्रेन बेटा आप जानते हैं जैसे कि कमांड सेंटर है, साइट ऑफ प्रोसेसिंग, विजन, हियरिंग, मेमोरी, इंटेलिजेंस सब ब्रेन के पास है। क्या कंट्रोल करता है? बॉडी का ये सारे बेटा बैलेंस अभी मैं बताती हूँ कैसे कैसे करता है। लुक एट द डायग्राम ऑफ एनसीईआरटी। अगर आप एनसीईआरटी का डायग्राम देखें, ये जो ब्रेन है ये पता कैसे है? ये बंदा ऐसे खड़ा है, ऐसे खड़ा है, देख रहे हो? अब देखो
पीछे की साइड पर इसका हाइंड वाला पोर्शन होगा, क्या होगा, हाइंड वाला पोर्शन होगा, आगे वाला फोर वाला पोर्शन होगा। तो यार ये जो ब्रेन है दिस इज काइंड ऑफ, ये देखिए ठीक आ रहा है, हाँ ठीक आ रहा है, यस दिस इज द सेरिब्रम। इसमें आप जायराय सेल का देख पा रहे हैं, इसमें सेरिब्रल हेमिस्फेयर है, लेफ्ट एंड राइट सेरिब्रल हेमिस्फेयर। ये जुड़े कैसे हुए हैं, ये देखो लेफ्ट और राइट सेरिब्रल हेमिस्फेयर जुड़े कैसे हुए हैं, विद द हेल्प ऑफ कॉर्पस कैलोसम जुड़े हुए हैं। अब जरा नीचे आ जाइए, कहां आ जाइए, नीचे आ जाइए। यहां पर इस जगह पर मैं ब्लैक कलर से बेटा बना देती हूं, ये जो जगह है दिस इज अ जगह विच इज अ सेंट्रल पार्ट ऑफ दिस बॉल एंड इसको बोलते हैं अपने लोग मिड ब्रेन। क्या बोलते हैं बेटा इसको, मिड ब्रेन। अब यहां पर इस मिड ब्रेन के नीचे वाली साइड आपको दिखेगा थोड़ा सा डायनसेफेलॉन का हिस्सा, जिसमें आ जाएंगे थैलेमस एंड हाइपोथैलेमस। बेटा ये लेबल करने के लिए भी आ सकता है। नीचे आ जाओ, थोड़ा नीचे आ जाओगे तो ये वृक्ष की तरह हिस्सा दिखेगा, इसको हम लोग बोलते हैं सेरिबेलम। ये जो पेड़ की तरह दिख रहा है ना, दिस इज एक्चुअली सेरिबेलम। याद रखना है सेरिबेलम के जस्ट सामने, सेरिबेलम के जस्ट सामने आपको क्या दिखाई देता है, पॉन्स दिखाई देता है, और पॉन्स के तुरंत नीचे यहां पर क्या दिखाई देता है, मेड्यूला दिखाई देता है। ठीक है, तो ये अपना सेरिबेलम है, दिस इज सेरिबेलम। सेरिबेलम के जस्ट सामने पॉन्स, पॉन्स के नीचे क्या है, मेड्यूला। ठीक है, ऊपर कर लो इसको थोड़ा सा, पॉन्स के नीचे क्या है अपना, मेड्यूला। यस ठीक है, क्लियर हो गया, क्लियर हो गया। तो यार आपका जो हाइंड वाला पोर्शन है वो पीछे की साइड पे, ये देखो पॉन्स, सेरिबेलम, मेड्यूला पीछे की साइड पर, पीछे से स्पाइनल कॉर्ड निकल रही है। ये आपका फ्रंट वाला हिस्सा है, फ्रंट वाला हिस्सा है। ओके चलो ये हमने कर लिया, प्रोटेक्शन की बात हो गई है। नेक्स्ट फोर ब्रेन पे हम लोग आ गए थे, सेरिब्रम कर रहे थे। सेरिब्रम में हमने देखा कि दीज टू हेमिस्फीयर्स दीज आर कनेक्टेड बाय कॉर्पस कैलोसम। ठीक है, ये भी हमने कर लिया। बाहर वाला हिस्सा क्या होता है, ग्रे मैटर, अंदर वाला हिस्सा क्या होता है, व्हाइट मैटर। एंड व्हाइट मैटर वो होगा जो माइलिन शीट से ढका होगा। ठीक है, माइलिन शीट से ढका होगा। आगे चलते हैं, यस दिस इज इंपॉर्टेंट। अब यार जो कवरिंग थी, सेरिब्रल कॉर्टेक्स थी, इस सेरिब्रल कॉर्टेक्स के एक्चुअली तीन एरियाज हैं। कितने हैं, तीन एरियाज हैं। पहला मोटर एरिया, फिर सेंसरी एरिया। मोटर क्या होता है और सेंसरी क्या होता है, बेटा अभी के अभी आप समझ लीजिए कि कोई भी अगर इंफॉर्मेशन आपके ऑर्गन से ब्रेन की तरफ जाती है तो यार वो इंफॉर्मेशन कौन लेकर जाता है, सेंसरी न्यूरॉन लेकर जाते हैं। ठीक है, सेंसरी यानी कि वो लेकर जा रही है। अगर कोई रिस्पांस ब्रेन आगे जनरेट करता है, भेजता है रिसेप्टर तक, तो वो इंफॉर्मेशन मोटर न्यूरॉन्स लेकर आते हैं। तो यार जहां से सारी इंफॉर्मेशन आ रही होती है वो सेंसरी एरिया है, आ रही है ना नीचे से, जहां से इंफॉर्मेशन ये भेज रहे हैं मोटर, वो क्या हो जाएगा, मोटर एरिया। एक एरिया और है बेटा जिसका नाम है एसोसिएशन एरिया। इस पे क्वेश्चन बेटा पीवाईक्यू, पे अटेंशन, पीवाईक्यू में आ चुका है कि एसोसिएशन एरिया के तीन काम कौन से हैं। आप बोलोगे मेमोरी, आप बोलोगे कम्युनिकेशन, आप बोलोगे इंटरसेंसरी एसोसिएशन। मेमोरी, कम्युनिकेशन और इंटरसेंसरी, बहुत सारे सिग्नल आ रहे हैं ना। जैसे मान लो बेटा ये कोई कप है, मेरे पास अभी कप पड़ा नहीं है, मान लो ये कप है, ये बड़ा गर्म है। अगर बेटा ये गर्म कप को मैं टच करूंगी तो इंफॉर्मेशन मेरी स्किन से भी जाएगी, यार गर्म है, हो सकता है मैं पीछे हो जाऊं। ठीक है, पीछे हो जाऊं कि गिर ना जाए चाय। ठीक है, तो इंफॉर्मेशन मेरी मसल से भी गई कि मैं पीछे हो गई, हो सकता है मैं साथ में चीख मार दूं ऐसे करके, तो इंफॉर्मेशन मेरे वोकल कोड से भी गई। तो कितनी सारी सेंसरी इंफॉर्मेशन ब्रेन के पास चली गई। इस सारी सेंसरी इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करने का काम कौन करेगा, इंटरसेंसरी एसोसिएशन। समझ गए, यस इंटरसेंसरी एसोसिएशन। तो ये बात हो गई आपके सेरिब्रम की, इंटेलिजेंस, रीजनिंग, मैथमेटिकल सॉल्विंग, मैप्स देखना, ये सारी चीजें, लॉजिकल एक्सप्लेनेशन, ये सब चीजें आपका सेरिब्रम कंट्रोल करता है। ठीक है, नेक्स्ट आता है फोर ब्रेन का हिस्सा जिसका नाम है थैलेमस। क्या है बच्चों, थैलेमस। थैलेमस क्या करता है, थैलेमस बेटा मेजर कोऑर्डिनेटिंग सेंटर फॉर सेंसरी एंड मोटर सिग्नलिंग। क्या मतलब है इसका, थैलेमस बेटा एक रिले सेंटर का काम करता है। रिले सेंटर समझते हो, रिले सेंटर का मतलब होता है कि जो इंपल्स, यहां रिले रेस देखी आपने, रिले रेस देखिए, रिले रेस में क्या होता है कि एक डंडा होता है, मशाल सी होती है सबके पास, एक आदमी दौड़ रहा है, फिर वो मशाल अगले वाले को देगा, वो अगला दौड़ेगा, फिर वो मशाल उससे अगले वाले को देगा, अगला दौड़ेगा। दिस इज रिले रेस। ये क्या है बेटा, रिले रेस है। अब रिले सेंटर यहां पर क्या कर रहा है कि जो भी इंफॉर्मेशन सेंसरी ब्रेन को भेजनी है वो थैलेमस से होके ही जाएगी, जो ब्रेन ने मोटर इंफॉर्मेशन नीचे भेजनी है वो थैलेमस से होकर ही जाएगी। ठीक है, सो इट्स अ मेजर कोऑर्डिनेटिंग सेंटर फॉर सेंसरी एंड मोटर। डायरेक्ट क्वेश्चन आएंगे, नेम द मेजर कोऑर्डिनेटिंग सेंटर, तो तुम बोलोगे थैलेमस। थैलेमस के नीचे ये देखो बहुत बढ़िया डायग्राम है,
ये देखो कि ये थैलेमस है, थैलेमस से जस्ट नीचे जो ब्लू कलर का तुम्हें दिखाई दे रहा है ये और कोई नहीं है, ये हाइपोथैलेमस है। हाइपोथैलेमस पे भी बहुत बारी पीवाईक्यू आ चुके हैं। हाइपोथैलेमस के क्या काम होते हैं भैया? हाइपोथैलेमस इज द थर्मो रेगुलेटरी सेंटर ऑफ द बॉडी। आपकी बॉडी का टेम्परेचर 37 डिग्री सेंटीग्रेड किस वजह से है? हाइपोथैलेमस की वजह से है। हाइपोथैलेमस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ईटिंग, तुम्हें कब भूख लगेगी, तुम्हें कब प्यास लगेगी, ठीक है, दैट इज कंट्रोल्ड बाय हाइपोथैलेमस। इट इज ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर सेक्सुअल डिजायर, सेक्सुअल डिजायर को कंट्रोल करने के लिए भूख सेंटर, हंगर सेंटर, थर्स्ट सेंटर इसी के पास है। तो यहां पर मैं लिख लेती हूं, हंगर सेंटर है इसके पास, ठीक है, थर्स सेंटर है। सारे नोट्स बेटा मेरे टेलीग्राम पे, टेलीग्राम मेरे ही नाम से सीप पाहुजा बायोलॉजी सर्च करोगे, सबसे बड़ा चैनल लाखों में, उसमें बच्चे उसमें घुस जाना, ठीक है, फेक वाले मत घुसना, 1,60,000 से ऊपर है उसमें आना, ठीक है। न्यूरो सिक्रेटरी सेल्स हैं बेटा हाइपोथैलेमस के पास जो हार्मोन सिक्रीट करते हैं, जैसे जो हम कल करेंगे, कौन से न्यूरो सिक्रेटरी सेल्स हैं? RH है, रिलीजिंग हार्मोन, IH है, जो कि पिट्यूटरी को आगे कंट्रोल करते हैं, पिट्यूटरी को कंट्रोल करते हैं। अब एक चीज बेटा आपको मैंने बतानी है, वो है बेटा लिम्बिक सिस्टम। क्या बताना है? लिम्बिक सिस्टम। लिम्बिक सिस्टम इज अ स्पेशल टाइप ऑफ सिस्टम इन फोर ब्रेन, जो कि क्या करता है, जो कि क्या करता है बेटा, फंक्शन देखो, इट इज कॉल्ड एज द इमोशनल ब्रेन। क्या बोलते हो लिम्बिक सिस्टम को? इमोशनल ब्रेन बोलते हो। क्या बोलते हो? इमोशनल ब्रेन। ये इमोशनल ब्रेन करता क्या है? ये बेटा आपके सेक्सुअल बिहेवियर को रेगुलेट करेगा। इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इमोशनल रिएक्शंस, लाइक जब बहुत एक्साइटमेंट होती है, ठीक है, प्लेजर खुशी होती है, रेज गुस्सा आता है, फियर डर लगता है, और मोटिवेशन के लिए। तो क्वेश्चन आता है लिम्बिक सिस्टम किसके पास है? फोर मिड हाइंड, तुम बोलोगे फोर के पास है। या बॉडी का इमोशनल ब्रेन किसको बोलते हैं? तुम बोलोगे लिम्बिक सिस्टम को बोलते हैं। जब आप मेरा 11th का लेक्चर वाला देखेंगे ना, जो मैंने 11th क्लास को पढ़ाया हुआ, उसमें मैं ये भी बताती हूँ कि लिम्बिक सिस्टम में एमिग्डाला है, हिप्पोकैम्पस है, न्यूक्लियाई सेरिब्रेंस है। तो बता देती हूँ लिम्बिक सिस्टम की अगर बात करें, बता दूं, बड़ा अच्छा सेंटर है, एक गजनी वाला सेंटर है, इसलिए बता रही हूं। एक है एमिग्डेला, ठीक है, एमिग्डेला क्या करता है? एमिग्डेला बेटा आपके फियर को, डर को अग्रेशन में कन्वर्ट करता है, गुस्से में कन्वर्ट करता है। मान लो तुम, पता है क्या हो, तुम्हारे पीछे गुंडे लगे हुए हैं, ठीक है, मूवी में चलते, तुम्हारे पीछे विलन है, तुम हीरो हो मूवी के, तुम्हारे पीछे गुंडे लगे हुए हैं, तुम्हें बड़ा डर लग रहा है, हो ये तो मुझे मार देंगे, तो तुम डर में चलते जा रहे हो, दौड़ते जा रहे हो, गुंडे तुम्हारे पीछे दौड़ रहे हैं, ठीक है। फिर आगे एक ऐसी दीवार आई जहां से तुम कूद नहीं पा रहे हो अभी भी, लेकिन तुम्हें डर लग रहा है कि अब मैं क्या करूं, क्योंकि आगे ब्लाइंड एंड आ गया। तब बेटा वो गुंडे तुम्हारे नजदीक आ रहे हैं, अब तुम्हें लग रहा है डर, गुंडे आ रहे हैं नजदीक, तुम्हें लग रहा है आज तो मारा जाऊंगा, लेकिन अब बेटा तुम्हें या तो करना है मरना है, डू और डाई वाली सिचुएशन है। तो तुम अपने इस डर को कन्वर्ट कर लोगे गुस्से में, और फिर तुम लकड़ी वकड़ी सोच के उठा के उसको मारना शुरू कर दोगे, ठीक है, यू विल ट्राई टू प्रोटेक्ट योर सेल्फ। तो जब तुम्हारा डर अग्रेशन में, गुस्से में कन्वर्ट हुआ, दैट इज एमिग्डाला। नेक्स्ट आता है बेटा हिप्पोकैम्पस। क्या आता है? हिप्पोकैम्पस। हिप्पोकैम्पस बेटा गजनी सेंटर है, इसको मैं गजनी सेंटर ही बोलती हूं, क्योंकि बेटा ये शॉर्ट टर्म मेमोरी को कन्वर्ट करता है लॉन्ग टर्म मेमोरी में, ठीक है, ये गजनी सेंटर है। शॉर्ट टर्म मेमोरी को लॉन्ग टर्म मेमोरी में कन्वर्ट करता है। यही तो प्रॉब्लम थी आमिर खान को, अगर आप याद करेंगे गजनी में आमिर खान को क्या दिक्कत थी, गजनी में आमिर खान को ये दिक्कत थी कि उसे याद नहीं रहता था, तो टैटू बनवा के बैठता था घर में, उसने इतना सब लगा रखा था। मेरे ख्याल से तुम्हारे जमाने की मूवी नहीं है, तुमने देखी भी नहीं होगी, मेरे जमाने की मूवी देखी है, बिकॉज यू गाइज आर जेन जी, हम कहां ये मूवीज देखते हैं, वी वॉच, है ना, हम तो अलग टाइप की मूवीज देखते हैं। देखिए, यस, चलो, तो ये है बेटा हिप्पोकैम्पस। अगर ये खराब हो जाए तो शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉन्ग टर्म में कन्वर्ट नहीं होती है, ये आपके लिम्बिक सिस्टम का हिस्सा है। चलो मिड ब्रेन पे आ जाओ। मिड ब्रेन बेटा फोर ब्रेन और हाइंड ब्रेन के बीच में लोकेटेड, आपने देखा था ना सेंटर में, लेट मी जस्ट शो यू द फोटो, ये रहा मिड ब्रेन, दिख रहा है, दिस इज द मिड ब्रेन, पूरे ब्रेन के सेंटर में, या फिर मैं बोलूं ऊपर फोर ब्रेन है, नीचे हाइंड ब्रेन है, ठीक है। तो सेंटर में क्या है, ये सेंटर में क्या है, मिड ब्रेन है, इसीलिए इसको बोला मिड ब्रेन। बोल सकते हैं, बताओ, बोल सकते हैं? हाँ, चलो,
अब चलते मिड ब्रेन पे। मिड ब्रेन बेटा फोर ब्रेन के थैलेमस, हाइपोथैलेमस और हाइंड ब्रेन के पॉन्स के बीच में लोकेटेड है। इसको इसमें मैंने एक नाम बताया, दैट इज कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमिना। बताया कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमिना। ये चार राउंड स्वेलिंग्स हैं। क्या हैं? चार राउंड स्वेलिंग। दो सुपीरियर कॉलिकुलाई होते हैं, दो इंफीरियर कॉलिकुलाई होते हैं। बेटा बस इनका फंक्शन कर लो। क्या काम है मिड ब्रेन का? मिड ब्रेन में ये जो कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमिना है ना, कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमिना, इसमें जो सुपीरियर कॉलिकुलाई है, जैसे मान लो आपको कोई इधर से आवाज मारता है तो यार आप उसको देखने के लिए हेड टर्न कर रहे हो। दिस विजन थिंग इज कंट्रोल्ड बाय सुपीरियर कॉलिकुलाई। इंफीरियर कॉलिकुलाई, मान लो आपको कोई कहता है अपना कान दिखा यार, मतलब कान में तेरे कुछ खुसफुस फुसफुस करना है, तो यार वो कौन करता है? इंफीरियर कॉलिकुलाई करता है। ठीक है, इंफीरियर कॉलिकुलाई करता है। यानी कि कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमिना में सुपीरियर कॉलिकुलाई, सुपीरियर कॉलिकुलाई क्या करता है? सुपीरियर कॉलिकुलाई बेटा विजुअल रिफ्लेक्स कंट्रोल करता है। ठीक है, विजुअल रिफ्लेक्स कंट्रोल करता है। और इंफीरियर कॉलिकुलाई क्या करेगा? ऑडिटरी रिफ्लेक्स कंट्रोल करेगा। क्वेश्चन आता है मिड ब्रेन इज लोकेटेड बिटवीन डैश एंड डैश। तुम बोलोगे मिड ब्रेन इज लोकेटेड बिटवीन थैलेमस एंड पॉन्स। ठीक है, थैलेमस एंड पॉन्स, दैट इज कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमिना। यस, और मिड ब्रेन बेटा कौन सी साइड पे? डॉर्सल साइड पे। यहां पे याद रखना, डॉर्सल साइड। ओके, चलिए लास्ट आ जाता है बेटा ब्रेन में अपना हाइंड ब्रेन। हाइंड ब्रेन में तीन हिस्से हैं, कौन कौन से? पॉन्स, सेरिबेलम एंड मिड्यूला। पॉन्स, सेरिबेलम एंड मिड्यूला। बताऊं सेरिबेलम के बारे में? सेरिबेलम के बारे में बेटा ध्यान दो, सेरिबेलम एक वृक्ष की तरह स्ट्रक्चर है। अगर मैं इसको बनाऊं, इस सेरिबेलम में टोटल तीन लोब्स हैं, थ्री लोब्स। जैसे सेरिब्रम में दो थे ना हेमिस्फीयर, इसमें तीन है। जैसे ये एक हेमिस्फीयर है, ये दूसरा हेमिस्फीयर है, और दोनों को जोड़ने वाला बीच में एक कीड़े की तरह लोब है। कैन यू सी? सो दीज हेमिस्फीयर्स आर नॉट सेरिब्रल, दे आर सेरिबेलर हेमिस्फीयर। आर यू फॉलोइंग मी बेटा? क्या सब बच्चे मेरे साथ हैं अभी? सेरिबेलर हेमिस्फीयर है। ये कौन है जिसको बड़ी हंसी आ रही है? एक मिनट रुको, बस यही चल रहा है कि किसने किसको छोड़ दिया, हम अकेले रह गए, हमें तो किसने बताया नहीं, ये बिजनेस है, ये इधर से छोड़ के चला गया, हमें अपनी पढ़ाई से कोई लेना देना नहीं है। हमें अपनी जिंदगी में अपनी पढ़ाई से कोई लेना देना नहीं है। कौन क्या कर रहा है कहीं बैठकर, उसकी चर्चा परिचर्चा आप कर रहे हैं कहीं और बैठकर। मैं देख रही हूं बेटा आज रेड डे है, आज व्हाइट डे है, आज ब्लैक डे है, सब देख रहे हो बेटा। ठीक है, आई एम लुकिंग एट दिस, बट ना मुझे तुम पर बड़ा वो फील होता है, दुख फील होता है ये सब देख के। पता है क्यों? क्योंकि यार अगर तुम ये दिन ही मनाते रह जाओगे ना, और किसी की जिंदगी में क्या चल रहा है यही सब देखते रह जाओगे, तुम्हारी जिंदगी में यार आने वाले मई वाले महीने में फिर अच्छा नहीं चलेगा। क्योंकि एक एक दिन की इतनी ज्यादा वैल्यू है ना, एक एक क्लास की इतनी ज्यादा वैल्यू है कि मैं क्या बताऊं। ठीक है, तो प्लीज फोकस करिए, आप क्या चाहते हैं? मैं ब्रेन करा के छोड़ दूं बेटा? आई एम ऑल्सो ऑन फास्ट, मैंने भी फास्ट रखा है, मैंने सुबह का कुछ भी नहीं खाया हुआ, नथिंग, जस्ट वन एप्पल। मैं चाहूं तो बेटा ब्रेन छोड़ के चली जाती हूँ, कहूंगी आईज और ईयर कल कर लेंगे, या आईज और ईयर तुम खुद पढ़ लेना, डाउट हो तो शाम को 5 बजे पूछ लेना। करते हैं बेटा ऐसे टीचर, करते हैं, छोड़ के बीच में चले जाते हैं। ठीक है, बोलेंगे 10 घंटे, आएंगे 3 घंटे, बहुत करते हैं। लेकिन बेटा जितना मैं बोलती हूँ ना उतना मैं करती हूँ, चाहे अभी आई एम नॉट एबल टू स्टैंड, बट स्टिल आई विल स्टैंड, आई विल कंप्लीट। चाहे तुम ना बैठ पाओ, तुम्हें बेटा बैठने में दिक्कत हो रही है, मैं देख रही हूँ ना, 2500 से 2600 से सीधा बैठने में 500 को तो दिक्कत हुई, वो निकल गए, वो दिन बना रहे हैं जाके इधर उधर, है ना, वीडियोज बना रहे हैं बैठकर इधर उधर, इधर उधर ग्रुपों में भेज रहे हैं, फैन क्लब चला रहे हैं, ये सब कर रहे हैं। लेकिन बेटा आई विल नॉट डू,
चाहे यहाँ पर एक बच्चा हो, चाहे दो हो, चाहे हजार हो, चाहे 10,000 हो, मेरे लिए वो बच्चा मैटर करता है जो आखिरी तक टिकेगा, और मैं आई और ईयर करवा के जाऊंगी। तो पहले हाइंड कर लो, तभी आई और ईयर समझ पाएंगे। नहीं तो बेटा आज किसी और का तुम डे मना रहे हो, 7 मई को बेटा तुम्हारा ब्लैक डे ना हो जाए, नहीं तो बहुत बुरा हो जाएगा, ठीक है? क्योंकि मैटर जो करता है ना, वो तुम्हारा एग्जाम करता है, तुम्हारी तैयारी करती है। एवरीवन इज डूइंग देयर जॉब, इट्स देयर लाइफ, यू आर नो वन, ठीक है? रियलाइज करो, सेल्फिश बनो। क्या बनो? सेल्फिश बनो, सेल्फिश हो जाओ अपने लिए, ठीक है? दो बेटा तीन लोब्स हैं एक तरीके से, दो सेरिबेलर हेमिस्फेयर है, और बीच में बेटा ये जो कीड़े की तरह दिखाई दे रहा है, ये क्या है? वर्मिस है। ये क्या है बेटा? वर्मिस है। ये जो इसके सेरिबेलर हेमिस्फेयर है, दीज आर ऑल्सो कवर्ड बाय अ कॉर्टेक्स जिसका नाम है सेरिबेलर कॉर्टेक्स। क्या है ये? सेरिबेलर। जैसे वहां पर सेरिब्रल कॉर्टेक्स थी, यहां पर है सेरिबेलर कॉर्टेक्स। ये बेटा 3 लेयर्ड कॉर्टेक्स है। इसमें भी क्या होगा? बाहर वाला मटीरियल क्या होगा? ग्रे मैटर होगा, आउटर मटीरियल, आउटर वन वुड बी ग्रे मैटर। और इनर मटेरियल क्या होगा? माइलिनेटेड होगा, अनमाइलिनेटेड होगा, दैट इज गोइंग टू बी माइलिनेटेड होगा, दैट इज गोइंग टू बी व्हाइट मैटर। अब यार इसका जो ग्रे और व्हाइट मैटर है ना, वो एक ट्री की तरह बना हुआ है, देखो ऐसे, ठीक है? ट्री की तरह, जैसे ट्री में पत्ती होती है ना, ऐसे वेन्स होती है, इस तरीके से। तो ये वाला हिस्सा हो गया ग्रे, ये वाला कौन सा हिस्सा हो गया? व्हाइट। सिंस बेटा ट्री की तरह दिखाई दे रहा है और आपकी जिंदगी में बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा निभाता है, इसीलिए इसको बोलते हैं आर्बर वीटे। क्या बोलते हैं इसको? आर्बर वीटे। आर्बर वीटे का क्या मतलब है? आर्बर वीटे का मतलब है ट्री ऑफ लाइफ। क्या बोलते हैं इसको? ट्री ऑफ लाइफ। तो अगर आपसे कोई पूछे आर्बर वीटे किस हिस्से में मिलता है, तुम बोलोगे आर्बर वीटे हमें दिखता है सेरिबेलम में, ट्री ऑफ लाइफ, ट्री ऑफ लाइफ। क्या काम है इसका? इसका काम क्या है बेटा? इसका बेसिकली काम है प्रिसिजन ऑफ वॉलंटरी एक्शन। आपने कभी सुई में धागा डाला है? सुई में धागा डाला है तो जब आप सुई में धागा डालते हो ना, कितना प्रिसीजन चाहिए, ऐसे करके देखना होता है, फिर गीला कर रहे हैं, फिर डाल रहे हैं, वो प्रिसीजन वाला काम सेरिबेलम कराता है। पॉस्चर, इक्विलिब्रियम, ये मेंटेन कौन कराता है? सेरिबेलम कराता है, ठीक है? तो पॉस्चर और इक्विलिब्रियम मैं लिख देती हूँ आपके पॉस्चर को कंट्रोल करना, इक्विलिब्रियम बॉडी का मेंटेन करना, और बहुत ही फाइनर टास्क जैसे कि सुई में धागा डालने का काम कौन करता है? सेरिबेलम। अब जो बंदे दारू पीते हैं, है ना, ओवर ड्रिंकिंग कर लेंगे, द पीपल हु विल डू ओवर ड्रिंकिंग, आपने देखा यार ऐसे लोटपोट कर रहे हैं, कभी सड़क पे गिर रहे हैं, नाली में गिर रहे हैं, इधर उधर गिर रहे हैं, है ना, अपने आप को संभाल नहीं पा रहे। यानी कि जो लोग एक्सेसिव अल्कोहल का कंजम्पशन करते हैं, एक्सेसिव की बात हो रही है, एक्सेसिव अल्कोहल कंजम्पशन करेंगे, अल्कोहल बेटा डायरेक्टली अफेक्ट करता है उनके सेरिबेलम को। इस वजह से ही तो वो अपना पोस्चर मेंटेन नहीं कर पा रहे हैं, ना सीधे खड़े हो पा रहे हैं, ना बैठ पा रहे हैं, कभी किसी के ऊपर गिर रहे हैं, कभी किसी के ऊपर गिर रहे हैं, और फिर अल्टीमेटली नाली में जाके गिर जाते हैं, राइट? तो अल्कोहल कंजम्पशन अफेक्ट सेरिबेलम, किसको अफेक्ट करता है? सेरिबेलम को इंपैक्ट करता है। अब आ जाइए बेटा मेड्यूला पे, किस पे आ जाइए? मेड्यूला पे। मेड्यूला की अगर बात करें, मेड्यूला की बेटा जी अगर बात करें, तो मेड्यूला में एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, ये ब्रेन से उल्टा है, जैसे ब्रेन में बाहर ग्रे है अंदर व्हाइट है, इसमें बेटा आउटर साइड पर व्हाइट है, यस, स्पाइनल कॉर्ड में भी ऐसे होता है, और इसमें इनर साइड पर क्या है? ग्रे है। यही मामला किस में देखा जाता है? स्पाइनल कॉर्ड में भी देखा जाता है, बिकॉज इट इज कनेक्टेड टू स्पाइनल कॉर्ड, तो दोनों में मामला सेम है। क्या कंट्रोल करता है बेटा? मेड्यूला जो है ना, ये सारी इनवॉलंटरी एक्टिविटीज को कंट्रोल करेगा। किसको? इनवॉलंटरी एक्टिविटीज को। जैसे जैसे बेटा इसके पास कार्डियक सेंटर है जो आपके हार्ट रेट को कंट्रोल करेगा, इसके पास रेस्पिरेटरी सेंटर है जो आपकी ब्रीदिंग रेट को कंट्रोल करेगा, रेस्पिरेटरी सेंटर है, इसके पास बेटा वेसोमोटर सेंटर है, वेसोमोटर सेंटर आपकी वेसल के डायमीटर को बड़ा या छोटा करेगा, इसके पास उल्टी वाला सेंटर भी तो है, वॉमिटिंग सेंटर भी मेड्यूला के पास है, ये हमने डाइजेशन में गिरा था, स्वॉलोइंग सेंटर भी मेड्यूला के ही पास है, और पता है क्या है इसके पास? इसके पास रास है। क्या है? रास है। थोड़ा सा आउट ऑफ एनसीईआरटी बेटा, एनसीईआरटी में रास के बारे में बात नहीं की गई, ये RAS है, रस है, रस बोल लो, वो रास था, ये रस है। रस इज रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम, थोड़ा सा एक्स्ट्रा बता दूं, रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम है ये। रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम क्या करता है? ये रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम
जब आप में से कोई लाइब्रेरी में बैठा है, स्कूल में बैठते होंगे, लाइब्रेरी में कई बार हम ऐसी किताब पढ़ते हैं जो हमें बहुत ही अंदर डीपली ले जाती है ना। तो लाइब्रेरी में कौन आ रहा है, कौन जा रहा है, हमें पता ही नहीं चल रहा। क्यों? क्योंकि बेटा ये जो रस है ना, रस इज वर्किंग एज अ गेटकीपर। गेटकीपर का क्या मतलब है कि इस समय अगर तुम किताब पढ़ रहे हो तो तुम्हारा पूरा फोकस किताब में है। इधर से कोई आ रहा है, आवाजें आ रही हैं, वो रस, रस बीइंग गेटकीपर, तुम्हारे ब्रेन तक पहुंचने ही नहीं दे रहा। मतलब मेड्यूला में जो रस है वो उस अननेसेसरी इंफॉर्मेशन को वहीं रोक दे रहा है। गेटकीपर का क्या काम होता है? अननेसेसरी लोगों को रोक देना। तो मेड्यूला के अंदर रस प्रेजेंट है जो कि अननेसेसरी इंफॉर्मेशन को जाने नहीं दे रहा। कि अगर तुम पढ़ रहे हो तो कोई बात कर रहा है, सो रहा है, लड़ रहा है, आ रहा है, वो तुम्हें नहीं पता चलेगा, पता ही नहीं चलेगा। ऐसा हमारे साथ मूवी देखते हुए भी होता है। तुम तो कह रहे हो मैम पढ़ाई में तो ऐसा नहीं होता, हमारा तो अटेंशन स्पैन ऐसे टूटता है। ऐसा बेटा जब तुम मूवी देखने जाते हो हॉल में बैठे, हॉल में बैठे होगे तो बेटा तुम्हें नहीं पता चलेगा कि इधर तुम्हारे साथ कौन आके बैठ गया। यू आर सो एनग्रॉस्ड इन वॉचिंग शाहरुख खान, सलमान खान, ठीक है। क्यों ये वाली इंफॉर्मेशन तुम्हारे ब्रेन तक नहीं पहुंची? क्योंकि बेटा गेटकीपर था, और वो गेटकीपर कौन था? रस। दैट इज रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम, ठीक है। हैरी पॉटर देखते हो? चलो, ग्रेट कीपर ऑफ कॉन्शियसनेस, ओके। चलिए, तो ब्रेन स्टेम मैंने आपको पहले बता दिया, अब चलते हैं अगले टॉपिक पे। दैट बच्चों इज गोइंग टू बी रिफ्लेक्स एक्शन एंड रिफ्लेक्स आर्क। रिफ्लेक्स एक्शन क्या होता है? जब इमीडिएट रिस्पॉन्स आता है, स्पॉन्टेनियस रिस्पॉन्स आता है। जैसे मान लो ये गर्म कप है, इस गर्म कप को पकड़ते हो, फटाफट रिस्पॉन्स आएगा, अरे भैया रख दो इसको। दैट इज रिफ्लेक्स एक्शन, जिसमें तुम सोचते नहीं हो। तुम ना, तुम्हारे भाई ने तुम्हें थप्पड़ मारा, तुमने खटाक से मार दिया, रिस्पॉन्स आया कि नहीं आया, है ना। तुम्हारे भाई ने तुम्हें ऐसे थप्पड़ मारा, तुमने उसके खटाक बिना सोचे मार दिया, दैट इज रिस्पॉन्स, है ना। तुम्हारी मम्मी तुम्हें ऐसे मारने के लिए आ रही है, तुम ऐसे कर रहे हो, दिस इज इमीडिएट रिस्पॉन्स। तुम सोच ही नहीं रहे, बस ऐसे कर रहे हो, है ना। चाहे मम्मी ने मारना ना हो, फिर भी तुम ऐसे कर लो, दिस इज इमीडिएट रिस्पॉन्स, ठीक है। सो अगर आप बिना सोचे, विदाउट कॉन्शियस एफर्ट अगर कुछ करते हो जिसमें स्पाइनल कॉर्ड से मामला डन हो जाता है, तुम्हें सीएनएस इतना, ब्रेन इतना चाहिए ही नहीं, दैट इज कॉल्ड एज रिफ्लेक्स एक्शन। और रिफ्लेक्स एक्शन के वक्त जो इंफॉर्मेशन जाती है वो किस फॉर्म में जाती है? एक रिफ्लेक्स आर्क की फॉर्म में जाती है। जरा रिफ्लेक्स आर्क बना दूं तुम्हें? हाँ जी, रिफ्लेक्स आर्क स्टार्ट होती है एक रिसेप्टर ऑर्गन से। कहां से स्टार्ट होगी? रिसेप्टर, ठीक है। रिसेप्टर, जैसे कि ये गर्म है तो रिसेप्टर मेरी स्किन हो गई, स्किन से बेटा ये इंफॉर्मेशन गई किसके पास? स्पाइनल कॉर्ड के पास, सीएनएस लिख देती हूं मैं, किसके पास गई? सीएनएस के पास गई। कौन लेकर गया? सेंसरी न्यूरॉन्स लेकर गए, ठीक है। फिर सीएनएस में स्पाइनल कॉर्ड ने सोचा, अरे यार ये तो गर्म है, अगर ज्यादा देर रखा तो क्या कहते हैं, जल जाएगी स्किन। तो यार यहां से रिस्पॉन्स आया, यहां से कैसा आया? रिस्पॉन्स आया, ठीक है। ये देखो कौन लेकर आए? मोटर न्यूरॉन्स लेकर आए। कौन लेकर आए रिस्पॉन्स? मोटर न्यूरॉन्स लेकर आए, और रिस्पॉन्स आया इफेक्टर ऑर्गन के पास। इफेक्टर है अपनी मसल, इफेक्टर कौन है बेटा जी? अपनी मसल है। मसल तक रिस्पॉन्स आ गया कि भैया इसको छोड़ दे नहीं तो तू जल जाएगा। तो दैट इज गोइंग टू बी द होल आर्क, रिसेप्टर, सेंसरी, सीएनएस, मोटर न्यूरॉन एंड इफेक्टर। पांच चीजें हो गई। इस पूरे पाथवे को हम लोग बोलते हैं रिफ्लेक्स आर्क। पूरे पाथवे को बेटा क्या बोलते हैं? रिफ्लेक्स आर्क। वन ऑफ द एग्जांपल इज नी जर्क रिफ्लेक्स। आपके यहां घुटने पे वो टोंग्स लगाते हैं, आपका घुटना बाहर की तरफ आता है, वो क्या है? रिफ्लेक्स एक्शन है। हर रिफ्लेक्स एक्शन में इसी तरीके की रिफ्लेक्स आर्क बनेगी। सीएनएस के पास ही बेटा कुछ न्यूरॉन्स होते हैं, उन न्यूरॉन्स को हम बोलते हैं कनेक्टर न्यूरॉन। जैसे सेंसरी न्यूरॉन लेकर आ रहे हैं, मोटर न्यूरॉन लेकर जा रहे हैं, तो सीएनएस के पास जो जोड़ने वाला काम कर रहे हैं वो कौन है? कनेक्टर न्यूरॉन्स है। क्या है? कनेक्टर न्यूरॉन्स। चलो, है ना। चलो, जैसे सडन विड्रॉल ऑफ बॉडी पार्ट्स, कोई बहुत ठंडी चीज हो, बहुत गर्म चीज हो, आप बेटा किसी स्कैरी चीज को देख लेंगे, दैट इज बेसिकली डन बाय द रिफ्लेक्स एक्शन, ठीक है जी। हाँ जी, ये रहा आपका नी जर्क रिफ्लेक्स। कैन यू सी दिस? दिस इज योर नी जर्क रिफ्लेक्स। देखो, टोंग लगाया, स्टिमुलस गया। स्टिमुलस बेटा किस न्यूरॉन से गया? एफरेंट पाथवे से होते हुए। एफरेंट पाथवे में सेंसरी न्यूरॉन होते हैं। सेंसरी न्यूरॉन से होते हुए कहां गया? आपकी स्पाइनल कॉर्ड में गया। ये क्या है? स्पाइनल कॉर्ड। देखो, स्पाइनल कॉर्ड की एक्सप्लेनेशन नहीं है एनसीईआरटी में, बट डायग्राम दे दिया है। अगर डायग्राम दे दिया तो यार एक्सप्लेनेशन मतलब दे दी है इसने।
स्पाइनल कॉर्ड में बाहर की साइड पर वाइट मैटर है, अंदर की साइड पर ग्रे मैटर है, बीच में जो न्यूरॉन्स हैं जिनको कनेक्टर बोला है यही इंटर न्यूरॉन्स है, ठीक है, इंटर न्यूरॉन्स है। तो मैसेज जा रहा है सेंसरी यानी कि एफरेंट पाथवे से होते हुए किसके पास, स्पाइनल कॉर्ड के ग्रे मैटर के पास। यहां पर क्या हुआ, फैसला हुआ कि यार क्या करना है, घुटने को ऊपर लेकर जाना है, ठीक है। यहां से क्या चले, मोटर न्यूरॉन्स चले, ठीक है, मोटर न्यूरॉन चले और किस पे जुड़ गए, मसल पे, ठीक है। इफेक्टर हेयर इज मसल और इस मसल ने आपका रिस्पांस जनरेट किया और आपका घुटना आगे की तरफ आ गया, आगे की तरफ आ गया। ये जो रिस्पॉन्स आया मोटर न्यूरोन के द्वारा, एक तो इस मसल पे आया और बेटा इस मसल पे आया, ठीक है जी। ओके, यस, समझ आ गया। वैसे तो बेटा जो रिफ्लेक्सेस हैं वो स्पाइनल कॉर्ड कंट्रोल करते हैं, बट देयर आर सर्टेन रिफ्लेक्सेस व्हिच आर कंट्रोल्ड बाय ब्रेन आल्सो। तो रिफ्लेक्सेस के बारे में थोड़ा सा बता दूं, कुछ बेटा सेरिब्रल रिफ्लेक्सेस हैं और कुछ क्या है, स्पाइनल। सेरिब्रल रिफ्लेक्स की एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल इज गोइंग टू बी सलाइवेशन। बेटा पिज्जा सामने आता है तो कैसे सलाइवेशन होती है, सेरिब्रल रिफ्लेक्स। वॉमिटिंग, Swallowing, this is cerebral reflex. बाकी के जो होंगे वो अपने spinal reflexes होंगे, क्या होंगे, spinal reflexes होंगे। अब कुछ बेटा reflex action ऐसे होते हैं जो बचपन से आ रहे हैं, बचपन से, एक छोटे पैदा होते बच्चे को ही पता है, these are called as unconditioned reflexes। इसमें सीखना नहीं पड़ रहा, जैसे बेटा by birth देखें बच्चे को, क्या तुम सिखाते हो कि कैसे आंखें झपकनी है, बताओ क्या बच्चे को सिखाते हो कैसे आंखें झपकनी है। हाँ कह रहे हैं सल्लू भाई ही भाई है, ठीक है ईशान शर्मा, सल्लू भाई भाई है। जैसे बेटा बच्चे को नहीं सिखाते ब्लिंकिंग करना, बच्चे को दूध सक करना नहीं सिखाते, सक लेंगे, ये उसे पहले से आता है, ये उसे पहले से आता है क्योंकि अनकंडीशनड है। जैसे सलाइवेशन ऑन टेस्टिंग, ऑन टेस्टिंग, बच्चे के मुंह में कुछ भी डालोगे, दूध डालोगे, दलिया डालोगे, अपने आप सलाइवेशन होगी, ठीक है। सो ये है अनकंडीशन, जिसमें लर्निंग इन्वॉल्व नहीं है, कोई कंडीशन नहीं लगी हुई। फिर बेटा आते हैं अपने पास कंडीशन रिफ्लेक्सेस, कंडीशनड, कंडीशनड मतलब जिसमें बेटा लर्निंग चाहिए, लर्निंग आ जाए, लर्निंग आ जाए। जैसे कि बेटा साइकिल चलाना, आज क्या आप साइकिल चलाते हुए सोचते हो कि पहिया, पैर ऊपर करना नीचे करना, नहीं करते, जिसको साइकिल चलाना आता है वो आता है। ड्राइविंग, ड्राइविंग एक बारी मैंने सीख ली तो यार मैं गाने सुनते हुए सफर हा ही था मैं सफर का रहा, अब ये मैं गाना सुन रही हूं, मैं गाना गुनगुना भी रही हूं, लेकिन बेटा मेरे गियर वेयर अपने आप चेंज हो रहे हैं क्योंकि अब वो रिफ्लेक्स बन चुका है। जैसे बेटा गिटार प्लेइंग, कोई भी गिटार हो गया, पियानो हो गया, एनी इंस्ट्रूमेंट, बेटा जब स्टार्टिंग में होता है तो सारे गामा ए बी सी डी कॉर्ड ये सब देखना पड़ता है, सोचना पड़ता है कि अरे इसको दबाना है, इसको दबाना है, बट वंस यू आर प्रो इट बिकम्स अ काइंड ऑफ रिफ्लेक्स। एंड सलाइवेशन ऑन थिंकिंग, सोच कर भी बेटा सलाइवेशन हो जाए, थिंकिंग और जस्ट सीइंग द फूड, फूड को देखने से, सामने पिज्जा है देखने से सलाइवेशन हो रही है। इसमें लर्निंग क्या है, लर्निंग है कि तुमने पहले कभी पिज्जा खाया था, तुम्हारी मेमोरी में स्टोर है कि बड़ा टेस्टी था, तो आज भी तुम बस देखोगे तो सलाइवेशन हो जाएगी, या फिर देखो ही मत, इमेजिन करो, इमेजिन पाव भाजी, इमेजिन मोमोज, इमेजिन छोला भटूरा, बस सोचने से, बेटा मैंने सुबह से कुछ नहीं खाया तो मेरे को तो सोचने से बहुत ज्यादा हो रहा है, मेरे कंडीशन रिफ्लेक्स बिल्कुल ठीक काम कर रहे हैं, ठीक है। तो ये बात हो गई आपके रिफ्लेक्सेस की। ओके, सो विद दिस वी आर डन विद स्पाइनल कॉर्ड, ब्रेन एंड न्यूरॉन। तो एक अपना हिस्सा इस चैप्टर का पूरा हो गया। अब क्या बचा, अब बचे आपके सेंस ऑर्गन, जिसमें हम लोग डिस्कस करते हैं आई और ईयर। क्या बता दूं, ईयर और आई, यस, शुड वी डू दिस, रेडी है सब बच्चे, कल के लिए तो नहीं छोड़े ना। हाँ जी, अब जिस तरीके से बेटा मैं बताने वाली हूँ, सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स यहाँ डिस्कस करूंगी, आंखों से तुम देखते कैसे हो और कानों से तुम सुनते कैसे हो, अगला आधा घंटा बस मुझे चाहिए, हाफ एन आवर में बेटा आपकी एनसीईआरटी आई और ईयर की टिप्स पे हो जाएगी, एनसीईआरटी आई और ईयर की टिप्स पे हो जाएगी, ठीक है। तो बात करते हैं बेटा सेंसरी रिसेप्शन की। कर ले निश्चय बैच में, एक मिनट, क्या लिख रहा बच्चा,
बेटा आलिया बेगम, आपने जितने क्वेश्चन पूछ रहे हो सब सेंसलेस क्वेश्चन है मेरे लिए। पहले आपने बोला कि लिंक ट्री में मुझे पीडीएफ नहीं दिख रही, सेंसलेस आपको पता चल गया। अब आप मेरे से पूछ रहे हो निश्चय और फास्ट ट्रैक के बीच में अंतर। बेटा ये नाम कंपनी देती है, मेरे हिसाब से तो कोई नाम नहीं, दिस इज जस्ट अ कोर्स। मैं तो इसको क्रैश कोर्स में नहीं बोलूंगी, क्रैश में बच्चे क्रश हो जाते हैं, मैं तुम्हें क्रश थोड़ा करती हूँ, ठीक है, क्रश थोड़ा करती हूँ। तो ये कोई फास्ट ट्रैक है, ये निश्चय है, ये कल को इसका नाम सुपर फास्ट हो जाए, कल को इसका नाम लक्ष्य हो जाए, उम्मीद हो जाए, इसका नाम भविष्य हो जाए, कुछ भी हो जाए, मेरे पढ़ाने का तरीका हमेशा वही रहेगा। मैं आपको तब भी डिटेल में पढ़ाऊंगी, चाहे कितना छोटा कोर्स हो चाहे कितना बड़ा कोर्स हो, बस समय का फेर फेर है। वहां पे मैं आई पढ़ाने में 2 घंटे लूंगी, यहां आई पढ़ाने में मैं 15 मिनट लूंगी, दैट इज द डिफरेंस। तो आपको अगर 15 मिनट में आई समझनी है तो पहले थोड़ा सा करके आना पड़ेगा, ठीक है, पहले थोड़ा सा बैकग्राउंड होना चाहिए तभी आप कर पाएंगे, ठीक है। चलो, सेंसरी रिसेप्शन एंड प्रोसेसिंग, बहुत बातें कर रही है अरे बच्ची सच्ची में। ओके, सो सेंसरी ऑर्गन बेटा हमारे साउंड कलर टेस्ट को डिटेक्ट करते हैं, बहुत सारे सेंस ऑर्गन है। हम बेटा नोज से क्या सूंघते हैं, स्मेल सूंघते हैं। नोज वाले जो रिसेप्टर हैं, आपको पता था श्नाइडेरियन मेम्ब्रेन है, सच रिसेप्टर्स आर कॉल्ड एज, क्या बोलते हैं उनको, ऑल फैक्ट्री रिसेप्टर। क्या बोलते हो बेटा, ऑल फैक्ट्री रिसेप्टर, ठीक है। आप टंग से क्या लेते हैं, टेस्ट लेते हैं, देख रहे हो टंग बना भी दी है, इनको बोलेंगे गस्टेटरी रिसेप्टर। टंग के ऊपर क्या है, गस्टेटरी रिसेप्टर। तो यार सेंस ऑफ टेस्ट इज गोइंग टू बी गस्टेशन, सेंस ऑफ स्मेल इज गोइंग टू बी ऑल्फैक्शन। बट क्या ये दोनों अलग अलग काम करते हैं? आप में से किस बच्चे को आज तक जुकाम हुआ है? अगर आपको जुकाम हुआ है तो आप जानते हैं जब बेटा नाक बंद होता है ना, तो मम्मी के द्वारा बनाए गए उस राजमा चावल, उस राजमा चावल का भी टेस्ट क्या होता है, डिफरेंट हो जाता है ना, उस राजमा चावल का भी टेस्ट क्या हो जाता है, डिफरेंट हो जाता है। क्या हो गया यार, अरे पोल आ गया बीच में, ओहो ओ मेजोरिटी विंस। चलो बढ़िया, 80% कह रहे हैं अभी करो, तो अभी करेंगे, गुड 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 गुड। चलो, तो मैं क्या कह रही थी कि यार जब टेस्ट की बात आती है तो नाक और टंग अलग अलग नहीं है। जब नाक बंद होता है तो उसी राजमा चावल का टेस्ट नहीं आता है, वही मैगी का टेस्ट नहीं आता है, यानी कि सेंस ऑफ ऑल्फैक्शन एंड सेंस ऑफ गस्टेशन इज लिंक्ड। अगर आपका नोज ब्लॉक होगा तो जो वोलेटाइल जो उसकी स्मेल है उससे जो टेस्ट आना है वो आप नहीं ले पाएंगे। आईज किसके लिए बेटा, देखने के लिए, और ईयर किसके लिए, सुनने के लिए है। अब देखो, बोथ नोज एंड टंग डिटेक्ट डिसॉल्व्ड केमिकल। बेटा ये क्वेश्चन आ चुका है, नोज और टंग क्या डिटेक्ट करते हैं, डिसॉल्व्ड केमिकल को डिटेक्ट करते हैं। नोज से ऑल्फैक्टरी स्मेल, टंग से गस्टेटरी, मैंने बता दिया। एंड देयर फंक्शन इज सिमिलर एंड रिलेटेड। रिलेटेड पे फोकस करें, क्योंकि यहां पर आपको कहानी याद रखनी है किसकी, जुकाम की। जब जुकाम होता है तो टेस्ट वैसा फील नहीं होता, जबकि मम्मी ने तो सेम मसाले डाले थे, है ना, मम्मी ने तो सेम मसाले डाले थे। ये आपके टंग है, टंग के ऊपर देख रहे हो ऐसे दाने दानेदार, ये क्या थे, ये थे बेटा पैपिले, याद है, फिलीफॉर्म पैपिले, फंजी फॉर्म पैपिले और आपके सर्कमवेलेंट पैपिले। ये देखो यहां भी पैपिले थे, यहां आप कौन से थे, फंजी फॉर्म पैपिले थे और बीच में फिलीफॉर्म थे। अब इन पैपिले के ऊपर क्या प्रेजेंट है, टेस्ट बड। दिस इज अ स्ट्रक्चर ऑफ अ टेस्ट बड। क्या है, टेस्ट बड है बेटा। यहां पर आप कुछ खाते हैं, मोमोज खाते हैं, उसका टेस्ट बेटा यहां से होते हुए आपकी ब्रेन के पास चला जाता है। ये रिसेप्टर सेल्स हैं, ये क्या है बेटा, रिसेप्टर सेल्स हैं जो परसीव करते हैं उस टेस्ट को। इसका इतना डायग्राम आएगा नहीं, बस जस्ट आप देख लीजिए, देख लीजिए, ठीक है। ये देखो, आपने कुछ टेस्ट खाया, इसने रिसीव किया और यहां से आपकी नर्व निकल गई कहां पर, ब्रेन के पास। कहां निकल गई, ब्रेन के पास, बताने के लिए कि भैया आपने क्या खाया है। अब आते हैं बेटा इंपॉर्टेंट, जो कि डिटेल में पढ़ना है, दैट इज गोइंग टू बी आई, ठीक है, आई, ठीक है, आई बेटा। ये देख लो, अखियां, आंखें हैं कहां पर, ऑर्बिट में है, जो कि ऑर्बिट होता है बेटा यहां पर आपकी स्कल में ना खोखलापन है, जब एक्चुअल में आपको मैंने स्कल दिखाई थी तो एक खोखलापन था, ठीक है। ऑर्बिट्स ऑफ आई, ये सॉकेट्स बने हुए, इसके अंदर आपकी आईज प्रेजेंट है। अब एक ह्यूमन एडल्ट आई में कितनी लेयर्स हैं, कितनी लेयर्स है, थ्री लेयर्स हैं, ठीक है, थ्री लेयर्स हैं। सबसे बाहर वाली लेयर का नाम है स्क्लेरा। क्या है स्क्लेरा, बीच वाली कोरोइड, सबसे अंदर वाली रेटिना। स्क्लेरा, कोरोइड एंड रेटिना। स्क्लेरा जो है वो आईज को बाहर से कवर करती है, किससे बनी हुई है, डेंस कनेक्टिव टिश्यू। अब पीछे से तो बेटा ये स्क्लेरा है, लेकिन आगे लेंस के आगे थोड़ा परत लगा देंगे, लेंस के आगे स्क्लेरा जो है वो आगे कन्वर्ट हो रही है ट्रांसपेरेंट पार्ट में, जिसका नाम है कॉर्निया।
कॉर्निया फॉर्म्स द एंटीरियर मोस्ट पोर्शन ऑफ द स्क्लेरा, याद रखना है। ये मैं आपको लिखवा दूं या यहीं से करा दूं? लिखवा दो या यहीं से करा दो? इसमें सारे एनसीईआरटी इंक्लूडेड है, सारे पॉइंट्स इंक्लूडेड है। व्हाट डू यू से, शुड आई राइट इट और शुड आई जस्ट गो विद दिस? इसका भी पोल कराना पड़ेगा। बताओ, पोल बताओ, जैसा पोल कहेगा मैं वैसा बता दूंगी। मेरे को चार स्लाइड लगनी है, दो स्लाइड ईयर की है, दो स्लाइड आई की है। ये यार तुम ऐसे पोल मत किया करो, ऐसे पोल मत किया करो यार। दिस इज ऑलमोस्ट 50%, 50-50 पोल है ये, 50-50 पोल है, ऑलमोस्ट 50%। चलो मैं एक पेज पे बस लिखवा देती हूं, आउटर वाला हिस्सा। आउटर मोस्ट लेयर कौन सी है? स्क्लेरा। फाइब्रस कोटिंग है, याद रखना है। इसका नाम क्या है? स्क्लेरा। ठीक है, अभी की अभी सारी की सारी आई याद हो जाएगी इस पेज में। स्क्लेरा, स्क्लेरा का जो एंटीरियर पोर्शन है, एंटीरियर 1/6 पोर्शन है, वो क्या बनाता है? आगे वाला पोर्शन क्या बनाता है? कॉर्निया। क्या बनाता है? कॉर्निया। कॉर्निया बेटा एक तरीके का रिफ्रैक्टिंग सर्फेस है, रिफ्रैक्टिंग सर्फेस है, ठीक है जी। ये एक ट्रांसपेरेंट रीजन है। कॉर्निया की खास बात क्या है? कॉर्निया में कोई भी ब्लड वेसल नहीं है बेटा, बड़ी अमेजिंग बात है। इट इज ए वैस्कुलर, तभी बेटा इसकी सर्जरी करनी सबसे आसान है, सर्जरी करनी सबसे आसान है, क्योंकि इसमें कभी भी रिजेक्शन नहीं होता है ऑन ट्रांसप्लांट। ऑन ट्रांसप्लांट कॉर्निया में रिजेक्शन कभी नहीं होता है, क्यों? क्योंकि ये वैस्कुलर है, कोई डब्ल्यूबीसी पहुंचता ही नहीं वहां तक। तो किसी का भी कॉर्निया, तुम्हारा कॉर्निया मैं लगा लेती हूँ, मेरा कॉर्निया तुम लगा लो, कोई दिक्कत नहीं होगी। क्यों? क्योंकि वहां तक डब्ल्यूबीसी पहुंचते नहीं है उसको लड़ाई करने के लिए, ठीक है। ये एंटीरियर पोर्शन है। पोस्टीरियर की बात करेंगे, पोस्टीरियर 5/6 पोर्शन कौन सा है? इसको एक्चुअली अपने स्क्लेरा बोलते हैं, स्क्लेरा बोलते हैं। किन फाइबर से बना हुआ है? व्हाइट कोलाजन फाइबर, व्हाइट कोलाजन फाइबर। तभी तो बेटा तुम्हारी आंखें सफेद हैं, साइड से सफेद दिख रहा है, सफेदा पोर्शन। ये जो बेटा सफेद वाला पार्ट है ना, दिस इज एक्चुअली स्क्लेरा। तो स्क्लेरा इज बेसिकली व्हाइट ऑफ योर आई। स्क्लेरा क्या है? व्हाइट ऑफ आई है, व्हाइट सफेद पार्ट ऑफ द आई इज स्क्लेरा। और जहां लेंस है उसके आगे कॉर्निया है, ठीक है, जहां लेंस है उसके आगे कॉर्निया है। अब आ जाइए बेटा मिडल वाले हिस्से में। किस वाले हिस्से में आ जाइए बेटा? मिडल वाले हिस्से में आ जाइए। मिडल में जो पीछे वाला हिस्सा है उसको बोलते हैं कोरोइड। मिडल में जो पोस्टीरियर पार्ट है उसको बोला जाता है कोरोइड। कोरोइड क्या है? पिगमेंटेड पार्ट है। क्या है कोरोइड? पिगमेंटेड पार्ट है। पिगमेंटेड का मतलब है थोड़ा सा ब्लूइश से कलर का है। किस कलर का है बेटा जी? ब्लूइश कलर का है। इसमें ना मैं किस कलर का है? ब्लूश। एंड दिस ब्लूश इज बेसिकली ड्यू टू मेलेनिन, मेलेनाइज्ड पोर्शन है। क्या काम है इसका? इट प्रिवेंट्स इंटरनल रिफ्लेक्शन, प्रिवेंट्स इंटरनल रिफ्लेक्शन। यानी कि जो तो रेज आपकी रेटिना पे चली गई ठीक है, लेकिन जो एक्स्ट्रा रेज है उनको कौन प्रिवेंट करता है? कोरोइड प्रिवेंट करता है। अब जरा आगे आ जाइए, आगे आ जाइए। आपकी आंखें ब्लू हैं, ब्लैक हैं, ग्रे हैं, ग्रीन है, हेजल है, वो चीज क्या है? वो है बेटा आपकी आयरिस। लेट मी जस्ट शो दिस इन द डायग्राम। ये देखो, हैव अ लुक एट दिस, हैव अ लुक एट दिस। सबसे बाहर मैंने क्या बताया? स्क्लेरा, विच इज द व्हाइट ऑफ आई। कैन यू सी व्हाइट ऑफ आई? ये स्क्लेरा बेटा आगे जाके क्या बन गया? ये बन गया कॉर्निया, ठीक है, कॉर्निया बन गया। अब अंदर की लेयर आ जाइए। इसके अंदर की लेयर कौन सी है? कोरोइड। इसने बनाई नहीं, मैं बना देती हूं। ये अंदर की लेयर कौन सी है आपकी? कोरोइड, ठीक है। ये कोरोइड आगे की साइड पर आके क्या बनाती है? सीलिरी बॉडी बनाती है। क्या बनाती है? सीलिरी बॉडी। इस सीलिरी बॉडी के ऊपर यहां पर क्या लगा हुआ है? आयरिस। कैन यू सी द आयरिस? आयरिस इज द वन जो आपकी आंखों को कलर देता है, द कलर्ड पार्ट। तो आपकी आंखें ब्राउन, भूरी, ब्लैक, ग्रीन, ग्रे, हेजल किस वजह से है? आयरिस की वजह से है। ये जो आयरिस है इसके पास मसल्स भी हैं। क्या है? मसल्स हैं। मसल्स कौन सी है? आइरिडियल मसल। ये मसल क्या करती हैं? ये बीच में जो खाली जगह है ना, प्यूपिल, इस प्यूपिल के डायमीटर को कंट्रोल करती हैं। तो यार जब हम
सूरज के सामने जाते हैं तो हमारा प्यूपिल जो है वो छोटा हो जाता है ना, क्योंकि बहुत रोशनी आ जाती है, और जब हम अंधेरे में जाते हैं तो प्यूपिल ऐसे डायलेट हो जाता है। ऑल थैंक्स टू विच मसल, वो मसल कौन सी है बेटा, आइरिडियल मसल, दैट इज नॉट सीलियरी मसल। सीलियरी मसल लेंस के डायमीटर को कंट्रोल करती है, आइरिडियल मसल प्यूपिल के डायमीटर को कंट्रोल करती है। ठीक है, यस, बात समझ आई। तो अब मैं लिखने वाली हूं आयरिस के बारे में। आयरिस क्या देता है, कलर देता है आई को, और बेटा इसके पास मसल्स हैं जिनका नाम है आइरिडियल मसल। ये मसल किसका डायमीटर कंट्रोल करती हैं, डायमीटर ऑफ लेंस और प्यूपिल। बच्चों बताओ, डायमीटर ऑफ प्यूपिल। लेंस का डायमीटर कौन कंट्रोल करता है, सीलियरी मसल। ठीक है, ये जो प्यूपिल का डायमीटर है, जब आप जाते हो सन में तो यार प्यूपिल कॉन्स्ट्रिक्ट हो जाता है रोशनी में जाओगे तो, अगर आप जाओगे डार्कनेस में तो ये क्या हो जाएगा, डायलेट हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, डायलेट हो जाएगा। बात समझ आई, ठीक है, बात समझ आई। अब यार इस कोरोइड ने आगे आकर क्या बनाई, ये सीलरी बॉडी बनाई। ये क्या बनाई बेटा, सीलरी बॉडी बनाई। देख रहे हो मैंने यहां पर बना दी, ये क्या है, सीलरी बॉडी। इस सीलरी बॉडी के पास क्या है, सीलरी मसल है। ये मसल किसको कंट्रोल कर रही है, लेंस को। एक्चुअली ये बेटा सीलरी बॉडी के साथ जुड़ा होता है सस्पेंसरी लिगामेंट। ये जो मैंने ब्लू कलर से बनाया है, दैट इज सस्पेंसरी लिगामेंट, जो कि लेंस को अपनी जगह पे भी रखता है और लेंस के डायमीटर को भी कंट्रोल करता है। ठीक है, तो अब मैं बताने वाली हूं किसके बारे में, सीलरी बॉडी के बारे में। ठीक है, एक एक पार्ट करके कर लेते हैं। सीलरी मसल, इसके पास क्या है बच्चों, सीलरी मसल, जो कि किसकी मदद से, सस्पेंसरी लिगामेंट की मदद से, किससे जुड़े हुए हैं, लेंस से जुड़े हुए हैं। होल्ड द लेंस, होल्ड द लेंस। यही सीलरी बॉडी किस में मदद करेंगी, ये मदद करेंगी अकोमोडेशन ऑफ आई। ये आपने फिजिक्स में भी पढ़ा है, फिजिक्स में पढ़ा है बेटा, बताना, फिजिक्स में पढ़ा है, यस फिजिक्स में पढ़ा है। अकोमोडेशन ऑफ आई में मदद करेंगी, यानी कि अगर आपको देखना है दूर का, फार अवे देखना है, या फिर आपको देखना है नियर का। अगर आपको देखना है दूर का, तो यार जब दूर का देखोगे तो ऐसे रिलैक्स हो जाओगे। दूर का देखने का मतलब है आपका जो लेंस है वो ऐसे लंबा हो जाएगा, मतलब लंबाई में हो जाएगा। अगर तुम नजदीक का देखोगे तो तुम्हारा लेंस ऐसे पिचक जाएगा। अगर बेटा लेंस ऐसे लंबा हो रहा है, स्ट्रेच हो रहा है, तो यानी कि आपकी सीलरी मसल रिलैक्स करी, रिलैक्स कर गई, तो सस्पेंसरी लिगामेंट क्या कर गए, स्ट्रेच कर गए, जिसकी वजह से जो रेडियस है आपके लेंस का वो इंक्रीज हो गया। रेडियस इंक्रीज तो फोकल लेंथ इंक्रीज, तो पावर डिक्रीज। ये ऑप्टिक्स में पढ़ा है तुमने, किस में पढ़ा है, ऑप्टिक्स में पढ़ा है। अगर बेटा जब तुम नजदीक का देखते हो तो सीलरी मसल क्या हो जाती है, सीलरी मसल बेटा स्लैकन हो जाती है, रिलैक्स नहीं होती, स्लैकन टाइप हो जाती, कॉन्ट्रैक्ट हो जाती है। बेसिकली मैं बोलूंगी इसको क्या हो जाती है, कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगी, जिसकी वजह से ये सस्पेंसरी लिगामेंट अंदर की तरफ आ जाएंगे, स्लैक कर जाएंगे। तो रेडियस क्या हो गया लेंस का, डिक्रीज हो गया। फोकल लेंथ क्या हो गई, फोकल लेंथ भी क्या हो गई, डिक्रीज हो गई। और पावर क्या हो गई, इंक्रीज हो गई। क्या ये पढ़ा हुआ है ऑप्टिक्स में, क्या ये पढ़ा हुआ है, ये तो बताने की जरूरत नहीं। पावर, फोकल लेंथ और रेडियस का क्या रिलेशनशिप है, क्या रिलेशनशिप है, सबको पता है पावर का, फोकल लेंथ का और आपके रेडियस ऑफ लेंस का क्या रिलेशनशिप है। तो यार अकोमोडेशन में किसने मदद करी, सीलरी बॉडी ने मदद करी। तो यहां पर अपनी दो लेयर समाप्त होगी, बाहर की सफेदे वाली लेयर कर ली स्क्लेरा, उसके आगे भी देख लिया ये अपना कॉर्निया, देन हमने कोरोइड देख लिया, कोरोइड में सीलरी बॉडी देख ली जो लेंस का डायमीटर कंट्रोल कर रही है, देन आयरिस देख लिया जो प्यूपिल का डायमीटर कंट्रोल कर रहा है। अब आ रही है अंदर वाली लेयर, है ना, अब आ रही है अंदर वाली लेयर, सबसे अंदर वाली लेयर जो काम की है, दैट इज रेटिना। रेटिना बेटा यहां दिखने में तो ये छोटू सी बना दी है, बट एक्चुअल में इसमें 3 लेयर ऑफ सेल्स हैं। यस एक्चुअल में बेटा रेटिना कमाल है, ठीक है, रेटिना कमाल है, ऐसे छोटी सी नहीं है। तो ये मैंने कोरोइड बनाया, कोरोइड के अंदर वाली साइड क्या है, रेटिना, ठीक है। रेटिना में 3 लेयर ऑफ सेल्स है, ठीक है, 3 लेयर ऑफ सेल्स है। तो देख लो फटाफट से ये किस तरीके का न्यूरॉन दिखाई दे रहा है, ठीक है, 3 लेयर ऑफ सेल्स है। ठीक है, फर्स्ट लेयर ऑफ सेल इज फोटोरिसेप्टर सेल, कौन से हैं,
फोटो रिसेप्टर सेल्स है, कौन से फोटो रिसेप्टर सेल्स है, कौन सी एग्जांपल है बेटा इसकी, रॉड्स एंड कॉन्स, रॉड्स अंधेरे में देखने के लिए, कॉन्स आपके किस में देखने के लिए, रोशनी में। चलो फोटो रिसेप्टर से नीचे चलते हैं, नेक्स्ट है हमारे पास बाइपोलर सेल्स, ये हैं बेटा बाइपोलर वाले, ऊपर वाले नहीं है, दैट वॉज अ ट्रिक क्वेश्चन, दैट वॉज बच्चों अ ट्रिक क्वेश्चन। ये जो नेक्स्ट लेयर आई है ये किसकी आई है, बाइपोलर सेल्स की आई है। इसके नीचे बेटा अगली लेयर के सेल्स हैं जिनको हम लोग बोलते हैं गैंग्लियोनिक सेल्स। ये जो मैंने यहां पर बनाए हैं ये क्या है, गैंग्लियोनिक सेल्स, गैंग्लियोनिक सेल्स। और यहां से क्या निकलती है, ऑप्टिक नर्व निकल जाती है, ऑप्टिक नर्व निकल जाती है। मतलब इमेजिन करो, इमेजिन करो कहां गया डायग्राम में, किस डायग्राम में दिखाऊं मैं तुम्हें ना, किस वाले डायग्राम में दिखाती हूं, ये एनसीईआरटी वाले डायग्राम में दिखाती हूं। इसमें जरा ध्यान दो, ये आपका स्क्लेरा है, ये आपका स्क्लेरा है, ये बेटा बीच में कोरोइड है, फिर रेटिना है। इस रेटिना को बड़ा बना रही हूं, कोरोइड के नजदीक फोटो रिसेप्टर सेल है, फिर बेटा आ जाओगे बाइपोलर सेल है, फिर कौन से आ जाओगे गैंग्लियोनिक सेल है। यानी कि जब रे ऑफ लाइट यहां से आएगी तो सबसे पहले किस सेल पे पड़ेगी, गैंग्लियोनिक पे, फिर बेटा ये रे ऑफ लाइट किसके पास जाएगी, बाइपोलर के पास, फिर ये रे ऑफ लाइट किसके पास जाएगी, फोटो रिसेप्टर। रॉड्स एंड कॉन्स बेटा देखेंगे कि तुम्हें क्या दिख रहा है क्या नहीं दिख रहा, वहां से रिजल्ट निकलेगा। फिर फोटो रिसेप्टर बेटा इंफॉर्मेशन भेजेंगे बाइपोलर को, फिर किसको भेजेंगे, गैंग्लियोनिक, और गैंग्लियोनिक से इंफॉर्मेशन जाएगी आपकी ऑप्टिक नर्व के द्वारा। यानी कि डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे इज दिस, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे, एवरी वन इज अग्रीइंग विद मी। यानी कि सबसे पहले इंसिडेंट रे किसको टच करेगी, गैंग्लियोनिक, फिर बाइपोलर और फिर फोटो रिसेप्टर। ये दिशा है इंसिडेंट लाइट की, मानते हो कि नहीं मानते हो, येस और नो में बताओ, मानते हो कि नहीं मानते हो, यस बेटा यस। पहले गैंग्लियोनिक पे टच की, फिर बाइपोलर पे, और फिर किस पे टच की, आपकी फोटो रिसेप्टर पे, ठीक है। फिर फोटो रिसेप्टर ने देखा कि क्या है क्या नहीं है, उसके ब्लीचिंग हुई उसमें, मैं बताती हूं क्या हो रहा है, देन अल्टीमेटली रिस्पॉन्स आएगा बाइपोलर, फिर गैंग्लियोनिक, और फिर जाएगा आपकी ऑप्टिक नर्व पे। अब देखते हैं फोटो रिसेप्टर ने किया क्या होगा। देखिए फोटो रिसेप्टर के पास दो तरीके के सेल है, रॉड्स एंड कॉन्स। रॉड्स बेटा डिम लाइट विजन में देखने के काम आते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं ट्वाइलाइट विजन, अंधेरे में देखने के काम कौन कौन करता है, रॉड करता है, ठीक है। इसको स्कोटोपिक विजन भी बोला जाता है, क्या बोला जाता है, स्कोटोपिक विजन भी बोला जाता है। ये किस प्रोटीन से बना हुआ है, रोडोप्सिन, रोडोप्सिन। ये बेटा आगे बने हुए हैं विद द हेल्प ऑफ ऑप्सिन एंड रेटिनल, ऑप्सिन एंड रेटिनल वाले हिस्से से बने हुए हैं। एक्चुअल में बेटा आपके ऑप्सिन जो कि प्रोटीनेशियस पार्ट है, इस पे ऐसे रेटिनल जुड़ा होता है, इस पे ऐसे बेटा रेटिनल जुड़ा होता है, लेकिन जब लाइट डलती है, जब बेटा इंसिडेंट लाइट डली तो ये दोनों अलग हो गए, अपना जो ऑप्सिन है वो अलग हो गया और जो अपना रेटिनल है वो अलग हो गया। इस प्रोसेस को, टूटने के प्रोसेस को इनके बोलते हैं ब्लीचिंग, क्या बोलते हैं, ब्लीचिंग। और ब्लीचिंग बेटा जेनरेट्स नर्व इंपल्स, जेनरेट्स नर्व इंपल्स, ठीक है। ब्लीचिंग क्या करती है, नर्व इंपल्स को जेनरेट करती है, और यहां से मैसेज जाता है ऑप्टिक नर्व के द्वारा आपके ब्रेन में, ठीक है। ये बात हो गई आपकी रॉड की। रॉड के बाद आते हैं अपने कॉन्स, कॉन्स, कॉन्स बेटा कलर्ड विजन में मदद करते हैं, रंग देखने में, इसको बोलते हैं फोटोपिक विजन। वो स्कोटोपिक थी, ये है फोटोपिक विजन। बेटा आपने सुना होगा जिसको अंधेरे में नहीं दिखता, दैट इज ज़ेरोफ्थैल्मिया, है ना, उस केस को सुना होगा, ज़ेरोफ्थैल्मिया के केस को। ज़ेरोफ्थैल्मिया किसकी वजह से होता है, ज़ेरोफ्थैल्मिया होता है विटामिन ए की डेफिशिएंसी से। व्हाट इज विटामिन ए, विटामिन ए इज बेसिकली रेटिनॉल, ये रेटिनल ही तो है, उसका डेरिवेटिव है। तो अगर तुम विटामिन ए यानी कि गाजर पालक ये सब नहीं खाओगे तो तुम्हारा स्कोटोपिक विजन अफेक्टेड हो सकता है। विटामिन ए डायरेक्ट यूज हो रहा है यार है ना, बीटा कैरोटीन होता है, कैरोटीन से आपका रेटिनॉल बनता है, तो विटामिन ए इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर आइज, ठीक है। नेक्स्ट आता है कॉन्स। कॉन्स बेटा तीन तरीके के हैं अलग अलग रंगों को देखने के लिए। तीन प्राइमरी कलर कौन से, रेड ग्रीन ब्लू। तो रेड ग्रीन ब्लू के लिए बेटा अलग अलग कॉन्स है। तो पहला कर लेते हैं ग्रीन वाले के लिए, दैट इज क्लोरोप्सिन, क्लोरोप्सिन ग्रीन कलर के लिए, किसके लिए, ग्रीन कलर के लिए। देन बेटा अगला आ गया एरिथ्रोप्सिन, मैं वही कलर से लिखती हूं, एरिथ्रोप्सिन।
किस कलर के लिए? रेड कलर के लिए। देन बेटा अपने पास आ जाएगा सियान ऑप्शन, किस कलर के लिए? ब्लू कलर के लिए। तो यार ये तीनों क्या है? प्राइमरी कलर है, और तुमने नर्सरी में पढ़ा था सारे के सारे कलर इन्हीं प्राइमरी कलर के कॉम्बिनेशन से बनते हैं, ठीक है। और इन तीनों का अगर बराबर ले लोगे तो क्या हो जाएगा? हाँ जी, इन तीनों को बराबर ले लोगे तो व्हाइट बन जाएगा। क्या बन जाएगा? व्हाइट बन जाएगा, ठीक है। तो ये बात हो गई आपको उसकी। अब यहां पर जरा फिगर में ध्यान दो, देयर इज अ पोर्शन जहां पर थोड़ा सा पतला है रेटिना। इस पोर्शन को हमने क्या बोला है? फोविया बोला है। क्या बोला है बेटा? फोविया बोला है। एक्चुअली बेटा ये येलो कलर का पोर्शन होता है। क्या होता है? येलो कलर का पोर्शन होता है, इसको थोड़ा पतला बना दे। येलो कलर का पोर्शन होता है, उसके सेंटर में क्या होता है? फोविया। ये जो येलो कलर का पोर्शन है, दिस इज कॉल्ड एज मैक्यूला ल्यूटिया, मैक्यूला ल्यूटिया। एंड ये जो सेंटर है इसको बोलते हैं फोविया सेंट्रालिस, पूरा नाम लिख रही हूं, फोविया सेंट्रालिस। यहां पर याद रखेंगे सिर्फ और सिर्फ कोन्स प्रेजेंट है, रॉड्स प्रेजेंट नहीं है, नो रॉड्स एट ऑल। यहां पर बेटा सिर्फ और सिर्फ कोन्स प्रेजेंट है, रॉड्स प्रेजेंट नहीं है। इसकी वजह से, क्योंकि कोन्स का बहुत ज्यादा कंसंट्रेशन है, इस जगह पर विजुअल एक्यूटी बड़ी हाई है। विजुअल एक्यूटी इसका मतलब है अगर बेटा इंसिडेंट रे यहां पर पड़ी तो यार बहुत मस्त इमेज बनेगी, मस्त इमेज बनेगी। विजुअल एक्विटी इस जगह पर बहुत ही हाई, ठीक है जी। रॉड्स एंड कोन्स पता चल गया, फोविया सेंट्रालिस, बाहर वाला हिस्सा मैक्यूला ल्यूटिया। अब जरा ये ध्यान दो, जहां से सारी की सारी ऑप्टिक नर्व निकल रही हैं, उसके आगे इन्होंने क्या लेबल किया है? उसके आगे बेटा एक स्पॉट है, इस स्पॉट को लेबल कर दिया है ब्लाइंड स्पॉट। ब्लाइंड स्पॉट इसीलिए बोला है कि अगर बेटा आपकी इंसिडेंट रे यहां पर पड़ी तो कोई इमेज नहीं बनेगी। क्यों? क्योंकि यहां पर कोई भी फोटोरिसेप्टर सेल नहीं है, नो इमेज फॉर्मेशन विल हैपन ओवर हेयर, ठीक है, नो इमेज फॉर्मेशन विल हैपन ओवर हेयर। ओके, यस, क्लियर हो गया। अब जहां पर स्क्लेरा और कॉर्निया बेटा आपस में जुड़ते हैं, देखो ये अपना कॉर्निया है, यहां से एक मिनट, ये अपना कॉर्निया है और यहां से आपका स्क्लेरा शुरू हो जाता है। यहां पर बेटा एक केनॉल प्रेजेंट है एट द जंक्शन ऑफ कॉर्निया एंड स्क्लेरा। इस केनॉल को हम लोग बोलते हैं केनॉल ऑफ श्लेम। क्या बोलते हैं? केनॉल ऑफ श्लेम। इसका काम पता है क्या होता है? इसका काम होता है जो भी यू नो ड्रेनेज है वो यहां से निकल के ब्लड में चली जाएगी। अगर ये ड्रेनेज ब्लड में नहीं जाएगी तो यहां पर जो सामान है, जो लिक्विड है, वो भरता जाएगा, प्रेशर डालेगा, जिसकी वजह से एक बीमारी हो सकती है जिसका नाम है ग्लोकोमा। अगर इसकी ब्लॉकेज हो जाए, बंद हो जाए केनॉल ऑफ श्लेम, इट मे लीड टू ग्लोकोमा। ओके जी, चलो ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ऑलमोस्ट सब बता दिया। हाँ, ये चेंबर्स देख लो यार, लेंस के आगे और लेंस के पीछे दो चेंबर्स होते हैं। पीछे वाले चेंबर को बोलते हैं विट्रस चेंबर, आगे वाले चेंबर को बोलते हैं एक्वस चेंबर। इसमें फ्लूइड होता है, कौन सा फ्लूइड होगा? विट्रस ह्यूमर, विट्रस ह्यूमर, ह्यूमर मतलब फ्लूइड होता है, ठीक है। यहां पर होगा एक्वस ह्यूमर, ठीक है। रियांश की दुनिया व्लॉग्स कह रहे हैं क्या हम आरंभ बैच से शुरुआत कर सकते हैं? इलेवेंथ की शुरुआत है बेटा आरंभ में, ट्वेल्थ नहीं पढ़ाएंगे, इलेवेंथ पढ़ाएंगे, ठीक है जी। चलो, तो ये मैंने आपको बता दिया, ये अमेजिंग नोट्स मेरे टेलीग्राम पे हैं, दिस ऑलरेडी टोल्ड यू। हाँ, एक्वस चेंबर, विट्रस चेंबर, इसमें एक्वस ह्यूमर एंड इसमें विट्रस ह्यूमर, राइट। चलो अब चलते हैं मैकेनिज्म ऑफ विजन, ये मैंने आपको बता दिया। वैसे लाइट आएगी किस पे डलेगी? सबसे पहले किस पे जाएगी? गैंग्लियोनिक सेल पे जाती है लाइट, फिर बाइपोलर पे जाती है, फिर रॉड पे आती है। रॉड क्या करते हैं? इंफॉर्मेशन भेजते हैं, इंफॉर्मेशन यानी कि एक्शन पोटेंशियल। एक्शन पोटेंशियल की बेटा दिशा ये होगी, एक्शन पोटेंशियल की दिशा तो बेटा यही होगी ना, ये देखो एक्शन पोटेंशियल की दिशा ये वाली होगी, इस दिशा में एक्शन पोटेंशियल आएगा। मानते हो कि नहीं मानते हो? क्योंकि रॉड्स एंड कॉन्स की ब्लीचिंग होगी, फिर एक्शन पोटेंशियल जनरेट होगा, ठीक है। एक्शन पोटेंशियल विल कम फ्रॉम रॉड्स एंड कॉन्स टू बाइपोलर, बाइपोलर के बाद गैंग्लियोनिक, उसके बाद बेटा अल्टीमेटली आपके ऑप्टिक नर्व से होते हुए विजुअल कॉर्टेक्स एरिया ऑफ ब्रेन तक जाएगा। यह भी बता दिया, ऑप्शन इज प्रोटीन, रेटिनल इज एल्डिहाइड ऑफ विटामिन ए। ओके, देन आपके ब्रेन में बेटा इंपल्स एनालाइज होगी, रेटिना इमेज बनाएगा और बेटा आपकी मेमोरी के हिसाब से आपको सिग्नल मिलेगा कि यार ये बंदा आसिफ मैम है, ये महेंद्र सर है, ये अन अकेडमी का लोगो है, ठीक है, मेमोरी के हिसाब से। चलो, विद दिस वी आर डन विद आई, आई हो गया यार, आगे करें।
यस करें कि ना करें? कर ले, सब बच्चे रेडी हैं? ईयर कल नहीं करेंगे, ईयर सुन के जाओ, बड़ा आसान ईयर है। ओहो ये बंद होने वाला है, अगर ये बंद हो जाता ना बेटा गड़बड़ हो जाता अपना मामला। अब ठीक है, थोड़ा सा ही तो रहता है, 10 मिनट का रहता है, सुन लो यार, ईयर सुनने के काम आता है। ठीक है, दो काम है बेसिकली, प्राइमरी फंक्शन इज बेसिकली बैलेंसिंग। आपने सुना होगा यार किसी के कान में ना रेशा भर जाता है तो वो बैलेंस भी नहीं, उसको चक्कर टाइप आते हैं। तो ईयर का एक फंक्शन बैलेंसिंग है, दूसरा काम क्या है, हियरिंग है। ठीक है, तीन मेजर सेक्शन है इसके। पहला पार्ट है आउटर ईयर, दिस इज आउटर ईयर, ये, देन दिस इज मिडल ईयर एंड दिस वन इज इंटरनल ईयर। आउटर ईयर, मिडल ईयर एंड इंटरनल ईयर। देखो मैं इसको एक डायग्राम से बताने वाली हूँ, एक डायग्राम से मैं पूरा का पूरा आपको एक्सप्लेन करने वाली हूँ। जस्ट आई नीड वन डायग्राम ऑफ ईयर। ठीक है, तो ईयर में जहां हम बाली डालते हैं, जहां हम बाली डालते हैं, ये देख लिए, दैट इज गोइंग टू बी द पिन्ना। ठीक है, पिन्ना से निकलती एक सुरंग जिसको हम बोलते हैं एक्सटर्नल ऑडिटरी मीटस, ये जाके बंद हो जाती है एक ढक्कन में जिसको बोलते हैं ईयर ड्रम। ये पर्दा है आपका, आपके कान का पर्दा है, ये सारा हिस्सा है जितना मैंने अभी बनाया है, दिस इज एक्सटर्नल ईयर। ये सारा हिस्सा क्या है, एक्सटर्नल ईयर बेटा, क्या है, एक्सटर्नल ईयर। कौन कौन से हिस्से हैं इसमें, चलो लेबल करो मेरे साथ, दिस इज पिन्ना। ठीक है, पिन्ना के पास एक वेस्टिजियल मसल होती है, पिन्ना लिख दिया मैंने, पिन्ना है। ठीक है, पिन्ना के पास वेस्टिजियल मसल होती है, ऑरिक्युलर मसल। क्या होती है बच्चों, ऑरिक्युलर मसल। आपने देखे गाय, भैंस, हाथी अपने कान, डॉग अपने कान को मूव कर सकते हैं बिकॉज देयर ऑरिक्युलर मसल्स आर फंक्शनल। इनफैक्ट कुछ बच्चे भी आपने देखे होंगे जो अपने कान, स्कूल में देखा होगा, अपने कानों को मूव कर लेते हैं, ये पिन्ना को मूव कर लेते हैं। एक्चुअली वेस्टिजियल है, किसी काम की नहीं है, तो बंद हो चुकी है, यू नो नहीं करते हम, लेकिन फिर भी एटाविज्म के चलते कुछ ऐसे लोग हैं जिसमें पुराना फीचर अभी भी प्रेजेंट है। एक बच्चा कह रहा मैं भी, ओके सो बेसिकली दिस इज वेस्टिजियल इन ह्यूमंस। ठीक है, काम है इसका साउंड वेव्स को कलेक्ट करना, कलेक्ट होगी, कलेक्ट होके बेटा सारी साउंड वेव्स को भेज दिया यहां पर, इसका नाम है एक्सटर्नल ऑडिटरी मीटस, एक्सटर्नल ऑडिटरी मीटस। ठीक है, इसमें क्या प्रस्तुत होगा, इसमें बेटा बाल है, कान में बाल होते हैं ना, हाँ, इसमें क्या है, सीबेशियस ग्लैंड ऑयल है। ठीक है, और कान में क्या है बेटा, वैक्स निकलती है, खोद खोद के निकालते हैं, दैट इज सेरुमेन। सेरुमेन क्या होती है, ईयर वैक्स, ईयर वैक्स है। ठीक है, ईयर वैक्स क्या करती है, ईयर वैक्स क्या करती है बेटा, आपके कान को मतलब क्लीन करने में मदद करती है, और जब आप सामान निकालते हो तो बेसिकली ईयर वैक्स में मिलकर ही निकलता है। तो कीपिंग द यू नो इंटरनल पार्ट अवे, फ्री फ्रॉम ऑल द डर्ट, ये मदद करते हैं। कान में बाल देखिए बेटा, बूढ़े बूढ़े हो जाओगे ना तब देखोगे, जब बुढ़ापा आएगा तब सब दिखाई देगा, है ना। मेरे कान में, मेरा अभी इतना बुढ़ापा नहीं आया कि मुझे बाल दिखाई देंगे, बट आपने देखा होगा यार दादाजी नाना जी के तो इतने बड़े हो जाते हैं, बाहर तक आते हैं। ओके नेक्स्ट है बेटा, ये जो आप हिस्सा देख रहे हैं ईयर ड्रम, ये वाइब्रेट करता है, ये वाइब्रेट करता है, पर्दा है, इसको बोलते हैं टिम्पैनम। क्या बोलते हैं, टिम्पैनम। ठीक है, ईयर ड्रम है ये। अब इससे अगला हिस्सा करते हैं मिडल ईयर, आ जाओ मिडल ईयर पे। This is middle ear, ठीक है। Middle ear में क्या present है, middle ear में present है आपकी तीन छोटी छोटी bones जिनको बोला जाता है ear ossicles। क्या बोला जाता है, ear ossicles। तो पहली बेटा bone बनाने वाली हूं मैं यहां पर, जो कि यहां से शुरू होती है, ये hammer की तरह है बेटा, हथौड़ी की तरह, देख रहे हो, this is the first one जिसका नाम है malleus। Then बेटा this is the second one, इनकी shapes बड़ी important है, इसका नाम है incus। बोन बेटा अगली वाली है बहुत ही छोटी सी जिसका नाम है स्टेप्स। यस, तो दिस इज मैलियस, इंकस एंड स्टेप्स। स्टेप्स इज बेटा स्मॉलेस्ट बोन ऑफ योर बॉडी, आपकी बॉडी की सबसे छोटी बोन स्टेप्स है। इनकी शेप पर सवाल आता ही आता है, इसकी शेप है हथौड़े की तरह, हैमर। ठीक है, हैमर, तो जो हेड ऑफ द हैमर है वो किससे जुड़ा हुआ है, इंकस से, ये हेड ऑफ द हैमर है, और जो डंडा ऑफ द हैमर है वो किससे जुड़ा हुआ है, हैमर का डंडा, हथौड़ी, हथौड़ी का डंडा टिम्पैनम से, और उसका जो मारने वाला हिस्सा है इंकस से जुड़ा हुआ है, हैमर शेप्ड।
देन बेटा हैज एच ए एनवल शेप्ड, ये है एनवल शेप्ड, और स्टेप्स इज स्टिरअप शेप्ड. इसका निमोनिक ऑलरेडी आ चुका है मेरे पुराने बच्चों से, दैट इज मिस हैज. क्या मिस हैज लॉट्स ऑफ नॉलेज, है ना, नॉलेज. मिस मैलियस इंकस स्टेप्स शेप हैमर एनविल एंड स्टिरअप. ओके मिस हैज. चलो अब यार ये जो स्टेप्स है ये किस पे टच कर रही है, ये बेटा जी किस पे टच कर रही है. दिस इज सेकेंडरी टिम्पैनम, ये प्राइमरी हो गया, ये सेकेंडरी टिम्पैनम है, तो मैं लेबल कर देती हूं, दिस इज सेकेंडरी टिम्पैनम. ठीक है, इस सेकेंडरी टिम्पैनम में दो खिड़कियां हैं. क्या है इस सेकेंडरी टिम्पैनम में दो खिड़कियां हैं. ऊपर की जो खिड़की जहां पर ये है, दिस खिड़की इज द ओवल विंडो, एंड बेटा इसके नीचे एक छोटी सी खिड़की और है जिसका नाम है राउंड विंडो. इसको कलर चेंज कर देते हैं, एक और है जिसका नाम है राउंड विंडो. ओहो अलग ही कलर हो गया. यस, तो जहां पर स्टिरअप एंड स्टेप्स एंड होती है, दिस इज कॉल्ड एज द ओवल विंडो. ऊपर वाली जो दिखाई दे रही है इसका नाम है ओवल विंडो. ओवल विंडो इज ऑल्सो कॉल्ड एज फेनेस्ट्रा ओवालिस, फेनेस्ट्रा ओवालिस. ठीक है, नीचे वाली जो विंडो नीले रंग की दिखाई दे रही है, दिस इज राउंड विंडो. राउंड विंडो का दूसरा नाम है फेनेस्ट्रा रोटंडस, रोटंडस. ओके जी, अब मिडिल ईयर से निकलती है एक ट्यूब, दिख रही है ये येलो कलर की नीचे को ट्यूब दिख रही है. दिस ट्यूब इज कॉल्ड एज यूस्टेचियन ट्यूब. क्या है, यूस्टेचियन ट्यूब. अब फंक्शन समझो मिडिल ईयर का, भैया सारी रेज साउंड वेव्स यहां तक पहुंच गई, इसने पर्दे को क्या किया, वाइब्रेट किया. अगर टिम्पैनम वाइब्रेट होगा तो वाइब्रेशन किसके पास जाएगी, मैलियस के पास, फिर किसके पास जाएगी, इंकस के पास, फिर स्टेप्स के पास, और फिर स्टेप्स से ओवल विंडो से होते हुए इंटरनल ईयर के पास. यहां से आगे क्या शुरू हो जाएगा, ये है बेटा इंटरनल ईयर, वो अगले पेज पे बनाऊंगी. इंटरनल ईयर यानी कि अगर तुम चाहते हो कि यहां से मामला उठ के इंटरनल ईयर में जाए, साउंड वेव्स इंटरनल ईयर में जाए, तो इन ईयर ऑसिकल्स के द्वारा भेजना पड़ेगा. पर क्यों डायरेक्ट भेज देते, ये क्यों लगा दिया बीच में, डायरेक्ट भेज देते, डायरेक्ट नहीं भेज सकते. क्यों, क्योंकि बेटा आपके एक्सटर्नल ईयर में मीडियम क्या है, एयर. इंटरनल ईयर में पानी है, आपको पता है आपके कान के अंदर पानी है, फ्लूइड है. इंटरनल ईयर में मीडियम क्या है, फ्लूइड. अब अगर तुम वाइब्रेशंस को मीडियम चेंज करके भेजोगे, एयर टू यू नो फ्लूइड में भेजोगे, तो आधे ज्यादा वाइब्रेशन तो गायब हो जाएंगी, इंपीडेंस आएगा ना इस पे, इंपीडेंस ज्यादा हो जाएगा, फिजिक्स है, इंपीडेंस ज्यादा हो जाएगा. अगर तो एयर टू एयर होता तो कर देते, वाटर टू वाटर होता तो कर देते, पर मीडियम चेंज है, एयर टू फ्लूइड भेजना है, इसीलिए उस वाइब्रेशन को एम्पलीफाई करना पड़ेगा. और एम्पलीफाई करने का काम कौन करेगा, मैलियस इंकस स्टेप्स, दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर एम्पलीफिकेशन. समझ आया, एम्पलीफिकेशन करनी क्यों है, क्योंकि मीडियम चेंज हो रहा है, साउंड वेव्स को लिक्विड में भेजना है. ठीक है, डिफरेंट मीडियम. दूसरा क्वेश्चन, भैया मिडल ईयर से यूस्टेचियन ट्यूब नाम का क्या निकाल दिया है, क्या निकाल दिया है? तुम बोलोगे मिडल ईयर से यूस्टेचियन ट्यूब नाम का निकाला है जो प्रेशर को इक्वलाइज करेगा. किसके प्रेशर को, देखिए बेटा जब हवा अंदर जाती है ना, जब हवा अंदर जाती है, यहां पर एक अलग प्रेशर है, यहां पर क्या है, अलग प्रेशर है. ठीक है, जब आप जाते हो हाइट पे, आप में से कितने लोग एरोप्लेन में बैठे, कितने लोग एरोप्लेन में बैठे जरा बताना, एरोप्लेन में कितने लोग ने सवारी की है बताओ, एरोप्लेन में कितने लोगों ने सवारी की है, एरोप्लेन वाले टिक यस क्लिक करे. बेटा कुछ बच्चों को तो मैंने एरोप्लेन में बिठा के बैंगलोर बुलाया था व्हेन कॉम्पीट वाज लॉन्च्ड. सो आई चोज 5 स्टूडेंट्स फ्रॉम माय प्लस ग्रुप, गेव देम फ्लाइट टिकट, होटल स्टे एंड गुड फूड, आईपैड, एयरपोर्ट, बहुत कुछ मिला था उनको, तो लकी बच्चे थे वो. हाँ, जो बच्चे एरोप्लेन में बैठे हुए हैं, जब आप हाइट पे जाते हैं, एरोप्लेन टेक ऑफ करता है तो कान बंद होते हैं, या फिर आप लोग मसूरी गए होंगे, शिमला मनाली जाते हैं, जैसे जैसे हाइट पे जाओगे कान बंद होते हैं. कान क्यों बंद होते हैं, कान इसीलिए बंद होते हैं जब आप हाइट पे जाए, तो यार यहां पर तो एयर प्रेशर कम हो गया, ये तो क्योंकि डायरेक्ट कॉन्ट्रैक्ट में,
आपका एक्सटर्नल ईयर में एयर प्रेशर कम हो गया क्योंकि आप हवा में चले गए, ऊपर हाइट पे चले गए, तो एक्सटर्नल ईयर तो डायरेक्ट एटमॉस्फेयर के कांटेक्ट में है, तो यहां पर एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम हुआ तो एयर प्रेशर कम हुआ। लेकिन बेटा मिडल ईयर में तो प्रेशर अभी भी ज्यादा है, मिडल ईयर में तो प्रेशर अभी भी ज्यादा है, तो यार अब इधर कम प्रेशर है इधर ज्यादा प्रेशर है, गड़बड़। तो यहां पर जो प्रेशर ज्यादा है उसको निकालने का काम कौन करता है? यूस्टेचियन ट्यूब। एक्चुअली बेटा यूस्टेचियन ट्यूब इज कनेक्टेड टू योर नेसोफेरिंक्स, नेसोफेरिंग से जुड़ी हुई है। तो जब बेटा ऊपर जाते हैं ना हवा में हाइट पे, तो कान में से टक टक आवाज आती है, आप कभी भी निगलो एक आवाज आएगी। उस समय बेटा बोला जाता है कि जब किसी के कान बंद हो रहे हो आप च्युइंगम चू कर लो या फिर टॉफी खा लो, छोटे बच्चों को निप्पल दे दी जाती है, क्यों? ताकि वो स्वॉलो करता रहे, वो स्वॉलो करता रहेगा तो यूस्टेचियन ट्यूब बारी बारी खुलेगी, खुलेगी तो प्रेशर रिलीज होगा, क्योंकि यहां प्रेशर हो गया कम, यहां प्रेशर हो गया ज्यादा, तो उसको निकालना है, नेसोफेरिंग से होते हुए निकालेंगे। आप खुद से यूस्टेचियन ट्यूब खोल बंद कर सकते हो, मेरे साथ अभी स्वॉलो करो, सब बच्चे स्वॉलो करो, आवाज आई एक कान में बताओ आवाज आई, यस, फील करके बताओ आवाज आई। या जब उबासी लेते हैं, व्हेन यू टेक उबासी तब भी आवाज आती है, तो वो जो आवाज है उबासी लेते हुए स्वॉलो करते हुए वो यूस्टेचियन ट्यूब की है। चलो मिडल ईयर की कहानी यहां पर खत्म हो गई, मैंने बता दिया इसका फंक्शन भी, इसका फंक्शन भी। अब आ जाते हैं इंटरनल ईयर पे। इंटरनल ईयर बेटा बड़ा खास है, पहले इंटरनल ईयर के बारे में थोड़ी थ्योरी जान लेते हैं। इंटरनल ईयर का दूसरा नाम पता है क्या होता है? लेबरिंथ होता है। क्या नाम होता है? लेबरिंथ होता है। इसमें बेटा एक आउटर लेबरिंथ है, आउटर लेबरिंथ इज द बोनी लेबरिंथ, ठीक है, और जो इनर लेबरिंथ है वो मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर है, दैट इज द मेम्ब्रेनस लेबरिंथ, ठीक है। ये आउटर बोनी लेबरिंथ में जो फ्लूइड है इसका नाम है पेरिलिम्फ, इसके अंदर फ्लूइड है। इनर के अंदर जो फ्लूइड है इसका नाम है एंडोलिम्फ। क्या है बच्चों? एंडोलिम्फ इसका नाम है। हमेशा याद रखना है इसके बीच में कभी भी मिक्सिंग नहीं होती, कभी भी एंडोलिम्फ और पेरिलिम्फ मिक्स नहीं होता है। तो जो कान के अंदर पानी जिसको बोल रहे हो फ्लूइड है ना इंटरनल ईयर में, वो यही है, पेरिलिम्फ और एंडोलिम्फ है। एक तो यार ये है, दूसरा अगर मैं डिवाइड करना चाहूं तो यार इंटरनल ईयर के पास ना दो हिस्से होते हैं। पहला हिस्सा है वेस्टिबुलर अपरेटस, वेस्टिबुलर अपरेटस। इस वेस्टिबुलर अपरेटस में दो चीजें आती हैं। पहला आता है सेमी सर्कुलर कैनाल, सेमी सर्कुलर कैनाल, तीन होते हैं, कितने होते हैं? तीन होते हैं। और दूसरा आता है ऑटोलिथ ऑर्गन, ऑटोलिथ ऑर्गन या ऑर्गन ऑफ ऑटोलिथ। ऑर्गन ऑफ ऑटोलिथ को फर्दर डिवाइड करोगे तो आ जाएगा यूट्रिकल और सैक्यूल में, ठीक है। ये जो पूरा का पूरा वेस्टिबुलर अपरेटस है इसका काम है पोस्चर मेंटेन करना, इक्विलिब्रियम। आपके कान का प्राइमरी फंक्शन तो पोस्चर मेंटेन करना ही है, इक्विलिब्रियम ही है ना। सो दैट इज गोइंग टू बी द फंक्शन ऑफ कंप्लीट वेस्टिबुलर अपरेटस। देन दूसरा हिस्सा आता है आपके इंटरनल ईयर का जो सुनने में काम आता है, जिसका नाम है कॉकलिया। क्या है? कॉकलिया। कॉकलिया के पास एक स्ट्रक्चर होता है जिसका नाम है ऑर्गन ऑफ कोटाई, जिससे आप सुनते हैं। दिस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर हियरिंग, दिस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर हियरिंग। तो जब इक्विलिब्रियम की बात आएगी तो वेस्टिबुलर अपरेटस करेगा, जब सुनने की बात आएगी तो कौन करेगा? कॉकलिया करेगा, कॉकलिया करेगा। तो बना के दिखा दूं फटाफट से यस कॉकलिया करेगा, तो लेट मी जस्ट शो यू ओवर हियर। हाँ हाँ हाँ, आउटर ईयर हो गया, मिडल ईयर हो गया, यूस्टेचियन ट्यूब हो गया। यस दिस इज हाउ इट इज सिचुएटेड। ये देख रहे हो, ये तीन बेटा आपकी सेमी सर्कुलर कैनाल है, एक दो और ये तीन। हर सेमी सर्कुलर कैनाल के पास एक मोटा सा हिस्सा है, दिख रहा है? मैं इसको ना पिंक कलर से बनाती हूँ, मोटा सा हिस्सा है। इसके पास भी बेटा मोटा सा हिस्सा है, ठीक है। ये जो मोटा हिस्सा है सेमी सर्कुलर कैनाल के पास, इसको बोलते हैं एम्पुला। क्या बोलते हैं? एम्पुला। इसी एम्पुला के पास इक्विलिब्रियम वाले हेयर सेल प्रेजेंट है। देखो याद रखना है, चाहे इन्फॉर्मेशन सुनने की हो कि कुछ सुनना है या बैलेंस करना, अपन को हेयर सेल चाहिए, तो हर जगह पर हेयर सेल ढूंढने कहां है? सेमी सर्कुलर कैनाल में हेयर सेल कहां है? एम्पुला के अंदर, क्रिस्टा एम्पुलारिस होता है इसके अंदर, उसमें। देन आता है यूट्रिकल और सैक्यूल। क्या आता है? यूट्रिकल और सैक्यूल। इस यूट्रिकल और सैक्यूल के पास हेयर सेल कहां पर है? मैक्यूला में। कहां है? मैक्यूला में। मैं खुद ही बना देती हूं यार, ये देखिए। सो द आउटर वन इज द बोनी लेबरिंथ, बना दूं मैं? जब तक मैं खुद ना बनाऊ ना यार,
यूट्रिकल, सैक्यूल एंड द कॉकलिया, एंड द कॉकलिया. ठीक है, अंदर आ जाएगा आपका मेम्ब्रेनस लैबिरिंथ. ये जो मैंने बनाया है दिस इज मेम्ब्रेनस लैबिरिंथ. ठीक है जी, और यहां पर एक तीसरा एक और होता है, तीन सेमी सर्कुलर कैनाल है ना, तीसरा मैंने बीच में बना दिया. सो फटाफट से लेबल करते हैं, ये है सेमी सर्कुलर कैनाल. ठीक है, विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर रोटेशनल इक्विलिब्रियम. ठीक है, जब तुम झूला लेते हो ऐसे गोल गोल वाला, उसमें बेटा जब तुम झूला लेते हो तो ऐसा तो है नहीं कि जब चक्कर आते हैं तो चक्कर ही आए रहते हैं, सीधे भी तो होते हो, है ना. जब झूला लेके रुकोगे रोटेशन के टाइम पे आपकी बॉडी को इक्विलिब्रियम में कौन रखेगा, सेमी सर्कुलर कैनाल रखेंगे. इनके पास ऐसा कौन सा हिस्सा प्रेजेंट है, ये हिस्सा प्रेजेंट है जिसको हम बोलते हैं एम्पुला. क्या बोलते हैं, एम्पुला. इस एम्पुला के पास है क्रिस्टा एम्पुलारिस, दिस इज इंपॉर्टेंट टर्म, क्रिस्टा एम्पुलारिस, जिसके पास बेटा एक्चुअली में हेयर सेल है जो कि आपको रोटेशनल इक्विलिब्रियम में हेल्प करने में मदद करता है. बेटा हमें पानी घुसाएंगे वायरल शॉट्स, रुक जाओ, पानी एक बारी सुन तो लो पहले, मैकेनिज्म ऑफ हियरिंग तो कर लो फिर पानी घुसाना. ओके, तो ये बात होगी सेमी सर्कुलर कैनाल की. नेक्स्ट जो एरिया है आपके पास वो क्या है, यूट्रिकल. यहां से ये यूट्रिकल, बोनी लैबिरिंथ, मेम्ब्रेनस लैबिरिंथ एंड सैक्यूल. ठीक है, तो दिस वन, सेकेंड वन इज गोइंग टू बी यूट्रिकल, दिस वन ऑटोलिथ का दूसरा पार्ट दैट इज गोइंग टू बी सैक्यूल. इन दोनों की बात करें तो यार ये जो यूट्रिकल है ये हॉरिजॉन्टल मोशन में, जब बेटा आप हॉरिजॉन्टली मूव करते हो लीनियरी तो यार यूट्रिकल हेल्प करता है, जब आप वर्टिकल वर्टिकल जाते हो यानी कि जब आप सीढ़ियां चढ़ते हो तो आपका सैक्यूल मदद करता है. लेकिन ये दोनों मिलकर स्टैटिक इक्विलिब्रियम को कंट्रोल करते हैं. कौन सा इक्विलिब्रियम, स्टैटिक इक्विलिब्रियम. तो सेमी सर्कुलर कैनाल जो गोल गोल से है वो रोटेशनल इक्विलिब्रियम, यूट्रिकल सैक्यूल जो सीधे सीधे से है हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल, यानी कि जब सीधे चलते हो या फिर जब सीढ़ियां चढ़ते हो तो वो स्टैटिक इक्विलिब्रियम ये कंट्रोल करता है. लास्ट पार्ट आपका आता है कॉकलिया. कॉकलिया, कॉकलिया बेटा ह्यूमन में बोल देखा जाए तो टर्नड है, यानी कि 2/3/4 टर्न्स है इसमें. कितने हैं, 2/3/4, दो टर्न पूरे और एक तीन चौथाई हिस्सा है, 3/4 टर्न है. ओके जी, अब जरा ये कॉकलिया ध्यान से देखते हैं कि सुनाई कैसे देता है. इक्विलिब्रियम की बात हो गई, अब सुनने की बात करते हैं. देखो कॉकलिया वैसे तो गोल गोल है सांप की तरह, पर इसको सीधा करके देखते हैं, सीधा करके देखो. ठीक है, सीधा करके देखा, यहां पर कौन सी विंडो है, ओवल विंडो, फेनेस्ट्रा ओवालिस, ओवल विंडो है. यहां पर कौन सी विंडो है, राउंड विंडो है. ठीक है, ये मिडल ईयर यहां पे खत्म हो रहा है, यहां पर मिडल ईयर खत्म हो रहा है. ठीक है, यहां से मैसेज गया इस वाले चेंबर में, इस चेंबर का नाम है स्केला वेस्टिबुलाई. ये बना हुआ है डायग्राम वेस्टिबुलाई. बीच वाले का नाम है स्केला मीडिया, नीचे वाले का नाम है स्केला टिम्पानाई. तीनों में क्या है, लिम्फ है. देखो बाहर वाला बोनी लैबिरिंथ है तो पेरिलिम्फ है, अंदर वाले में एंडोलिम्फ है. ठीक है, सो यहां पर कौन घूम रहा है, पेरिलिम्फ, पेरिलिम्फ घूम रहा है. अंदर क्या घूम रहा है, एंडोलिम्फ घूम रहा है. ठीक है, तो ये मिडल ईयर है, मिडल ईयर से वाइब्रेशन आई किसके पास आई, ओवल विंडो के पास आई, ओवल विंडो ने वाइब्रेशन यहां दे दी. तो बेटा यहां से पेरिलिम्फ चलता हुआ ये यू टर्न ले रहा है. इस यू टर्न को पता क्या बोलते हैं, हेलिकोट्रीमा. क्या बोलते हैं इस यू टर्न को, हेलिकोट्रीमा. ठीक है, क्या बोलते हैं, हेलिकोट्रीमा. अब ये जो ऊपर वाली मेम्ब्रेन है और ये जो नीचे वाली मेम्ब्रेन है इनका अलग नाम है. ये जो नीचे वाली मेम्ब्रेन है इसका नाम है बेसिलार मेम्ब्रेन. क्या है, बेसिलार मेम्ब्रेन. इस बेसिलार मेम्ब्रेन के ऊपर बड़ा इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर बैठा है, इसको भी मैं अगले डायग्राम में पूरा बनाऊंगी, जिसका नाम है ऑर्गन ऑफ कोटाई. यही एक्चुअली हियरिंग में मदद करेगा, इसका नाम है ऑर्गन ऑफ कोटाई. ठीक है जी, ऊपर वाली जो मेम्ब्रेन है इसका नाम है रीजनर्स मेम्ब्रेन. कई बार क्वेश्चन बेटा मेम्ब्रेन पर आ जाता है, सिंपल मेम्ब्रेन पूछेंगे, रीजनर मेम्ब्रेन किसको डिवाइड कर रही है, तुम बोलोगे वेस्टिबुलाई और मीडिया को. बेसिलार मेम्ब्रेन किसको डिवाइड कर रही है, मीडिया और टिम्पानाए को. सिंपल क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि ये कौन से दो हिस्सों में डिवाइड कर रही है, वेस्टिबुलाई और मीडिया, ये वाली बेसिलार, मीडिया और टिम्पानाए को. ठीक है, अब सुनाई कैसे देता है, चलो वाइब्रेशन आई, आ रही है, यू टर्न लेके आई, इसने बेसिलार को हिला दिया, बेसिलार को हिला दिया.
लिम्फ में वाइब्रेशंस आई तो बेसिलर हिली, बेसिलर हिलेगी तो ऑर्गन ऑफ कोटाई में भी तो फर्क आएगा। तो ऑर्गन ऑफ कोटाई में एक्चुअली में है क्या, है क्या? चलो ये है बेटा जी तुम्हारा ऑर्गन ऑफ कोटाई, नीचे वाली मेम्ब्रेन बेसिलर और ऊपर की मेम्ब्रेन आपकी है रीजनर्स। चलो मान लो ये बेसिलर है, ठीक है, बेसिलर मेम्ब्रेन पर रिपल्स क्रिएट हुए जिसकी वजह से इसके ऊपर बैठे थे कुछ हेयर सेल। बेटा यहां पे ना कुछ हेयर सेल प्रेजेंट है, देख रहे हो सीलिएटेड सेल्स हैं, दीज आर कॉल्ड एज द हेयर सेल। इसके नीचे इसको सपोर्ट देने वाले हैं सपोर्टिंग सेल्स, और ऊपर यहां पर आती है एक मेम्ब्रेन, फ्लेक्सिबल सी मेम्ब्रेन जिसको बोलते हैं टेक्टोरियल मेम्ब्रेन। आर यू विद मी, आर यू विद मी? ऐसा तो नहीं मैं खुद को पढ़ा रही हूं, है बेटा ऐसा तो नहीं है मैं खुद को पढ़ा रही हूं, ये मेम्ब्रेन पूछी जाएगी कौन सी मेम्ब्रेन है, टेक्टोरियल मेम्ब्रेन। ये नीचे जो सीलिया वाले सेल्स हैं यही असल वाले सेल्स हैं, इनसे सुनाई देगा तुमको हेयर सेल्स हैं। इन हेयर सेल के पास क्या प्रेजेंट है, सीलिया प्रेजेंट है। क्या ये मूवेबल सीलिया है? नहीं, ये स्टीरियो सीलिया है। काइनो सीलिया अगर होता तो वो मूव करने वाला ऐसे ऐसे, ये क्या है स्टीरियो सीलिया। तो यार जब तुम्हारी इस बेसिलर मेम्ब्रेन में, जब तुम्हारी इस बेसिलर मेम्ब्रेन में गड़बड़ हुई, डिस्टर्बेंस आई, तो यार ये जो हेयर सेल है ये टेक्टोरियल को टच करेंगे। जैसे ही बेटा ये हेयर सेल टेक्टोरियल में घुसेंगे ना इनके स्टीरियोसीलिया, तो यहां से जाएगी अपनी क्रेनियल नर्व, यहां से जुड़ी हुई है बेटा हेयर सेल से, हेयर सेल से जुड़ी हुई है अपनी ऑडिटरी नर्व। यहां से मैसेज जाएगा किसके पास जाएगा, ऑडिटरी नर्व की तरफ थ्रू होते हुए जाएगा ब्रेन के ऑडिटरी कॉर्टेक्स में, ब्रेन के ऑडिटरी कॉर्टेक्स में। तो पता चला जैसे ही ये बेसिलर मेम्ब्रेन हिलेगी, ये हेयर सेल के स्टीरियोसीलिया टच करेंगे टेक्टोरियल में बेटा, तभी नर्व इंपल्स जनरेट हो जाएगी, ऑडिटरी नर्व के द्वारा आपके ब्रेन में पहुंच जाएगी, और तब आपको पता चलेगा कि यार मैं क्या सुन रहा हूं। तो सबसे पहले साउंड वेव्स आई, इसको वाइब्रेट किया, इन्होंने एम्पलीफाई किया, ये वाइब्रेशंस पहुंच गई आपकी ओवल विंडो से होते हुए, यहां से ओवल विंडो से होते हुए यहां पर ये पेरिलिम्फ और एंडोलिम्फ में डिस्टर्बेंस आई है ना, वेव्स क्रिएट हुई, तो बेसिलर मेम्ब्रेन भी हिली। जैसी बेसिलर मेम्ब्रेन हिलेगी, हेयर सेल के स्टीरियोसीलिया ऊपर टच करेंगे, और हेयर सेल से ही क्या जुड़ा होता है, नर्व्स जुड़ी होती है, यहां से आपको सुनाई दे जाएगा। विद दिस वी आर डन विद द कंप्लीट चैप्टर, आपका पूरा चैप्टर हो चुका है। ये डायग्राम देख लो ना, एनसीईआरटी का डायग्राम है, मैंने इसको दूसरे तरीके से बनाया, दिस इज स्केला वेस्टिबुलाई मीडिया टिम्पाना, ये रहा ऑर्गन ऑफ कोटाई, किसके ऊपर प्रेजेंट है ऑर्गन ऑफ कोटाई, बेसिलर के ऊपर प्रेजेंट है, ठीक है। मैकेनिज्म मैंने पूरा ये समझा दिया है, जस्ट गो थ्रू इट। So with this we are done with our today's topic, that is going to be neural control and coordination. I hope sab bacche pad chuke hain isko, theek hai. Just a second, aapko kya dikhana tha, aapko ye bhi dikhana tha beta, sham ki class mein enroll kar liya hai beta, sabse bada chapter hai, sabse bada chapter class 11th ka yahi hai, mujhe aaj complete karana tha to maine aapko kara diya, ab aapko thoda sa samay hai, प्लीज इसको रिवाइज करिएगा, नोट्स मेरे टेलीग्राम पे मिल जाएंगे, सी पाहुजा बायोलॉजी, 1.5 लाख से ज्यादा बच्चे हैं उसी में घुसिएगा बेटा। संकल्प महोत्सव चल रहा है, मेरे बैच में एनरोल भी कर सकते हो, 5 बजे वाली क्लास कोई मिस नहीं करेगा, 5 बजे वाली क्लास में मैं आपको करवाने वाली हूँ क्या, आउट ऑफ एनसीईआरटी जितने भी क्वेश्चन है, अगर तुम नहीं आए तो तुम्हारा बहुत नुकसान हो जाएगा। बाकी जो बच्चे अभी क्लास 10th में हैं, 2 साल के लिए नीट का प्रिपरेशन करना चाहते हैं, वो बच्चे मेरे आरंभ बैच में जुड़ सकते हैं। कोड लगाना है बेटा मेरी टीम के लिए, मेरे लिए, मेरी गाइडेंस के लिए, पर्सनल गाइडेंस के लिए सीप लाइव, ठीक है। कौन सा कोड लगाएंगे, सीप लाइव लगाएंगे और आ जाएंगे। दूसरा बेटा 2024 के लिए, जिन्होंने अभी से प्लान कर लिया कि यार अगले साल ही मुझे तरीके से पेपर देना है, तो यार अभी से जुड़ जाओ विश्वास बैच में सीप लाइव कोड लगा के, और मुझे ना स्क्रीनशॉट भेज देना ताकि तुम मेरी पर्सनल गाइडेंस के अंदर आ जाओ। 14999 का है 1 साल का बैच, जिसमें आपको पूरा ये बैच मिलने वाला है और मेरी गाइडेंस मिलने वाली है। बाकी बेटा AIMT हर संडे होता है, वो तो देना ही है, फ्री है ये, लेकिन फिर भी कोड लगा देना सीप लाइफ अगर पूछे तो। कोटा, सीकर, जयपुर, देहरादून, नोएडा, सब जगह एडमिशन ओपन है, यू कैन एनरोल इन देम एज वेल। तो यार इतनी मेहनत करी है, आज मैंने तुम्हें एक बारी भी एक चीज नहीं बोली, क्या नहीं बोला, सेशन को लाइक कर दो यार,
एक बारी नहीं बोला, आज मैं भूल गई इस चैप्टर के चक्कर में भूल गई। तो यार अगर आपने सेशन को लाइक नहीं किया है तो डेफिनेटली यार सेशन को लाइक कर दीजिएगा। बहुत मेहनत लगती है खड़े होने में, बिना कुछ खाए बोलने में एंड आपको पढ़ाने में। ठीक है, अब हम मिलेंगे 5 बजे। कल एक बहुत बड़ा अनाउंसमेंट भी मैं करूँगी और एक कॉमेंट ज़रूर छोड़ के जाना। ठीक है, डू लीव अ कॉमेंट डाउन, अगर अच्छा लगा तो, समझ आया तो, मैंने पूरी कोशिश की। अगर आपने पहले मेरे से नहीं भी पढ़ा हुआ तो भी आप डीप कॉन्सेप्ट्स को समझ पाएँ। ठीक है, थैंक यू सो मच बेटा, मिलते हैं शाम को 5 बजे।